अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, वो पता नहीं कैसे मैं वापस निकल गई थी लाइव में से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? वालेकुम अस्सलाम। नमस्ते मधु, कैसी हो? वेलकम हो गया यूनिवर्स, वेलकम हो गया मेरी जान। एमए सिस्टर वेलकम हो गया, थैंक यू। स्नेहा सिस्टर वेलकम हो गया, हाय रफाना सिस्टर वेलकम हो गया, वालेकुम सलाम। सकीना सिस्टर वेलकम हो गया। पिकाबू वेलकम हो गया मेरी जान, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। यासमी सिस्टर वेलकम हो गया, फैशन की दुनिया वेलकम हो गया, वालेकुम अस्सलाम। उम्मे सिस्टर वेलकम हो गया, हया सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान। जर्मन ब्लॉग वेलकम हो गया, लीफ सिस्टर वेलकम हो गया। अभी तलक नहीं पता लीफ सिस्टर। हेलो सिंपल सिस्टर वेलकम हो गया। कैसे सिस्टर? वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, वेलकम हो गया। हाँ जबिन सिस्टर, आपको भी मुबारक हो। वेलकम हो गया जबिन सिस्टर, कैसी हो मेरी जान? रजनी सिस्टर वेलकम हो गया, हाय वेलकम हो गया। केगन सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान, कैसे हो आप? वालेकुम अस्सलाम। सलमान वेलकम हो गया, कैसी हो? थैंक यू सो मच मेरी जान। अक्सा सिस्टर वेलकम हो गया। शबनम सिस्टर, आप ये चैनल ठीक हो गया? कल एड आ रहे थे। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना सिस्टर वेलकम हो गया, कैसी है? अमजद, अच्छा जी, वेलकम हो गया आपका भी। शकीला वालेकुम सलाम मेरी जान, वेलकम हो गया, कैसे हो आप? लव यू टू अली सिस्टर। मन्ना सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान। शबनम रफाना से पूछे, जिसने मुझे सीओ की लाइव में ऐसे क्यों बोला? तुम भी पूरी हो, मैंने इन्हें क्या कहा? क्या कहा था रफाना सिस्टर आपने हयात को? वालेकुम अस्सलाम। कौसर सिस्टर वेलकम हो गया, मुस्कान वेलकम हो गया। शब्बू जी, पुराना टाइम बहुत याद आता है, जब सब एक ही पैनल पे होते थे। हाँ तो याद आता है यार, क्या करें, एक और गोचू हो गया। शबनम, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? बस ठीक है यार। वालेकुम अस्सलाम। वफा मेरी जान वेलकम हो गया। एम के सिस्टर वेलकम हो गया, वालेकुम अस्सलाम। अन्नू वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। आरजू सिस्टर वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रफाना सिस्टर बोल रही है, वो वैसे ही पूछी थी आपको। समर सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान, आपकी आवाज से ही लग रहा है आप सच्चे हो। थैंक यू सो मच यार। गाजर यूआईटी की चीप ड्रामा, क्या लोग अपनी लाइव बाद में सुनते नहीं कि कौन कब मेंटल लगता है? हाँ जबीन, और क्या, सही बोल रही हो यार। शिल्पा वेलकम हो गया मेरी जान। हेलो नवीन सिस्टर वेलकम हो गया, कैसी हो मेरी जान? शबनम, आपकी क्या खबर है? बहुत क्या है बात, 2-3 दिन पहले हुआ है कि हुआ है क्या? मतलब
ये क्या मैसेज है कि आप शबनम आपकी क्या खबर है, बबात 2-3 दिन पहले हुआ है कि आ हुआ है, ये क्या मतलब हुआ? वालेकुम अस्सलाम नूरी सिस्टर, वेलकम हो गया, कैसे हो आप? शबनम दिखे नाजिया सी सी नहीं आएंगी लाइव में, आएंगी ना, क्यों नहीं आएंगी? पिंकी सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान, कैसे हो आप? नवीन सिस्टर वेलकम हो गया। मन्ना सिस्टर क्या लिखे थे, फिर से लिखो। कविता सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान, कैसे हो आप? अभी देखा मैंने। अच्छा, सब जने आ जाओ यार जल्दी जल्दी। वालेकुम अस्सलाम नुमान सिस्टर, वेलकम हो गया मेरी जान, कैसे हो आप? सी चाहिए हेटर है चाहे लवर, सब है यहाँ डॉलर के लिए लिए कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है और क्या। थैंक यू सो मच जर्मन सिस्टर। बेबी 2-3 दिन पहले हुआ कि आज हुआ? अच्छा, आज कैसे होगा यार, कल हुआ होगा ना, कल हो गया है। ये सारी क्लिप है ना, ये 3 बार वीडियो बना के डाली, ये डॉलर छापना है ना भाई। एच जे सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो एच जे सिस्टर? मिठाई कहाँ है यार, बुआ बन गई घंटा यार। ऐसे लोगों की रिश्तेदारी डूब नहीं मरे इंसान। व्हाट्स हैपन सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ नुमान सिस्टर, बस ठीक हूँ मेरी जान, चल रहा है। कोई कह रहा है पिटारा नहीं बनी, कोई कह रहा है दादी बन गई, कंफ्यूज हो गए है, बनी तो बनी क्या, अरे दादी बनी है यार वो। आज शबनम की एनर्जी नहीं है, नहीं यार बस ऐसे ही। थैंक यू जेडी, थैंक यू सो मच सिस्टर। सीसीटीवी लाइव को लाइक करो। हाँ बिल्कुल, हयात कैसे वो नहीं एंड दादी कैसे हो सकती है? सासू माँ वाला कैरेक्टर निभा रही है ना यार, सासू माँ और अम्मा कैसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, है ना, सारी फिकर करते हैं। वैसे तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है कौसर, लेकिन हाँ दादी पना करना, वो बच्चे की दादी पना करने की इसको देखो कितनी चुल मची है भाई। तेरी सौतन है, 13 साल पुरानी मोहब्बत है, तो तू क्यों इतना उछल रही है बीच बीच में? खड्डे में जाए कौसर, तू अपना बैठ, घर में झूला डालिए, उस पर झूल बैठ के आराम से टांगे उठा के। थाली भी नहीं बजा सकती गोंचू का बाप बनने की खुशी में। यार गोंचू ऐसा लग रहा है ना जैसे दादा बन गया है सच्ची में, इसके मुंह से मुंह फिटे मुंह इसके। लाइफ वेलकम हो गया, कल्ब वेलकम हो गया, क्यों दांत निकाल रही हो? पिटारा का बच्चा कौसर को नाम से बुलाता है क्या, परवरिश की है ना बच्चों की? बिल्कुल, और दिखता है ना शिल्पा, लोग देख रहे हैं कानों से सुन रहे हैं क्या परवरिश की है। आई लव यू शब्बू, थैंक यू मेरी जान, लव यू 2, 4, 5, 6, 7, अनगिनत लव यू 2। नादिया कहाँ है? नादिया आ जाओ, वेलकम हो जाएगा। अच्छा हाँ, सही में दादा लग रहा था, गया बड़ा बच्चे को देखने मनुस मारा। ये कौन है भाई, 1 मिनट में आई। बताओ यार क्या चल रहा है, लव यू टू मेरी जान, कल
नादिया क्यों दांत निकाल रही हो? चलो भाई मैं लिंक देती हूँ, आ जाओ, क्योंकि आज है ना मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। हेलो साई राम सिस्टर, वेलकम हो गया मेरी जान। सिंह लखा सिस्टर, वेलकम हो गया मेरी जान, कैसी हो आप? किधर पे झंडा गाड़ के आई है कल्ब, जरा बता तो, कहाँ जाके तूने मेरे लिए झंडा गाड़ के आ गई? नहीं यार कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ भी बता के कोई फायदा नहीं। लोग बीमारियों के नाम पे चूतिया बना रहे हैं, बाहर बुला लेंगे ये नाम पे चूतिया बना रहे हैं, हर एक चीज से कमा रहे हैं। यार वीडियो आती है लोगों के 10 मिनट में, 20 मिनट में, 40 मिनट में, आधे 1 घंटे में वीडियो आ जाती है, फिर भी लोग बोलते हैं हमारे चैनल खराब है, सिंपत्तियां लेते हैं। और स्टिकर एक आता है उसके ऊपर भी लोगों को तकलीफ है, शबनम स्टिकर लेती है, तो वो फंडिंग है, इसको रोका जाता है, इसको रोका जाता है, सब कुछ यहाँ पे सबके लिए ठीक है। यहाँ मेरे चैनल एक भी चैनल नहीं है कि मैं वीडियो बना के डाल सकूं, सारी वीडियो बनी हुई पड़ी रहती है, बस मैं डाल नहीं सकती। 3 दिन 4 दिन के बाद में वीडियो आती है, समझ नहीं आता है कि करूं क्या, मैं कैसे मैं काम करूं। वालेकुम अस्सलाम अन्नू सिस्टर, वेलकम हो गया। सुमन वेलकम हो गया, थैंक यू कल्ब मेरी जान। हाँ बहुत अच्छा की, सही बात है यार, पिटारा का कंटेंट पैदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, कैसी हो नादिया? बस बहन मत पूछ, आज मैं भी बड़ी सैड सैड हूँ तेरी तरह। क्या करने जाते हैं, जैसे मैं लाइव में आते हैं तो वो जोर जोर से आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। और शबनम क्या है, क्या हुआ था, क्यों सैड हो आज? कुछ नहीं यार, हुआ तो है कुछ, क्यों कुछ? थैंक यू पूजा सिस्टर, थैंक यू सो मच। नहीं यार क्या बोलूं, हुआ क्या है? अब गुस्सा आ रहा है मुझे। कहाँ जा रही है कल्ब? ओए कल्ब बैठे रहे चुपचाप, नाटक नहीं कर। हाय सिस्टर, वेलकम हो गया मेरी जान, कैसे हो? कुछ नहीं यार, सारे के सारे चैनल खराब करके रखे, कैसे काम करूं, कैसे जिम्मेदारियां निभाऊं, क्या सही करूं, कुछ बात, समझ नहीं आ रहा। उस पर नहीं, उसके ऊपर शॉट क्यों डाला आपने, मुझे ये समझ नहीं आया। उस पर नहीं डालना था ना? हाँ नहीं वो तो न्यू है, उस पे नहीं डाली मैंने, वो न्यू है, न्यू। उस पर
ऐसी चीजें मत डालो शबनम, मैंने वो देखा, मैं उसे नहीं, वो तो मुझे ऐसे ही मैंने डाली हूँ, वो चैनल तो ऐसे ही बनाई हूँ, वो मैंने उसके लिए नहीं बनाई हूँ ना। अरे यार कसम से दो दो तीन तीन चार दफा मैं वीडियो लगा रही ताकि भी कुछ तो अच्छे व्यूज मिले, ताकि कुछ कहीं से तो कुछ सही अच्छा हो। अभी जब मैं अभी पॉजिटिव बैठी थी मैं सिस्टर, थोड़ी वालेकुम सलाम। देर पहले जो आपने आज वीडियो डाली ना, तो मैं वही लगा के बैठी थी वीडियो आपकी। यार कोई भी चैनल खोलो, काम शुरू करो, फिर वो चैनल बंद करवा देते हैं, क्या करूं मैं। नहीं कैसे बंद हो जाता है शबनम, जब किसी का वो नहीं है तो कैसे बंद हो जाता है? पता नहीं यार क्या कर रहे हैं मेरे पीछे लगे। अरे इतना एक बंदा मेहनत कर रहा है, अभी वहां से कुछ थोड़ा सा वो हटे पीछे तो दूसरे पीछे पड़ गए। वही बात है ना। उसके बाद मजलूम भी बनते हैं और पूछते हैं ये क्यों बोला वो क्यों बोला, अपनी लाइफ में उठा लो देख लो क्या क्या बोला, क्या क्या बकवास निकला। लिटल डॉल्फिन वेलकम हो गया, कैसे हो चांदनी सिस्टर, वेलकम हो गया। ये तो ऐसे कैसे आपके बार बार हर चैनल। बंदा मेहनत करता है कि भी चलो पूरा महीना हम लोग लगा रहे हैं कर रहे हैं, उसके बाद मंथ खत्म हो जैसे आता है किस्म की यूट्यूब की, पूरा हर किसी की पेमेंट आती है तो वो एक खुशी होती है कि हमने पूरे महीने का अपना वक्त दिया है टाइम दिया है, ना कि यहाँ पर सिर्फ गालियां सुनते रहो और हासिल वसूल कुछ ना हो, तो क्या फायदा ऐसी चीज करने का? हाँ वही तो नहीं समझ में आता है ना यार। अभी ये जो हम लाइव आप करते हो इसमें से कुछ ये जो मतलब जितने घंटे करते हो कुछ भी नहीं इसकी वो आमदनी आती कुछ इनको आपको? देखती हूँ पीछे। याद आ गई लेकिन नफरतें बढ़ती जा रही है, सारे एडल्ट है और टॉपिक तो गायब हो गया। डिलीवरी में कोई नहीं, ना नाना ना मामा ना कौसर का बहन कोई नहीं, वाय शेमोन पिटारा। अरे रेशमा सिस्टर, वो सबको बुलाएंगी तो फिर ड्रामे के लिए अब सबको पैसे खिलाने पड़ेंगे ना। हाँ लीव सिस्टर प्लीज दुआ करना यार। शबनम सिस्टर डोंट वरी ना, अभी सब क्यों शबनम ऐसा क्यों? ठीक। हाँ तो मेरी लाइफ कितने घंटे चलती है यार, एक आध दो 4 घंटे तो थोड़ी कुछ बनता है। जैसे कि अब और जो जैसे कोई आ रहा है, वीडियो डाल रहे हो उसका कुछ नहीं? वीडियो तो नहीं आ रहे ना, व्यूज कहाँ आ रहे, जाके देखो ना वीडियो कितने घंटे से पड़ी है और व्यूज कितने हैं। जब टॉपिक खत्म हो जाता है तब मेरी वीडियो पब्लिक होती है तो व्यूज थोड़ी आएंगे ना। ये बात मैं देख रही हूँ, मैंने भी देखा जो दो दो तीन दिन की पहले की वो है तब जाके वीडियो आता, तो फिर वो तो चीज ऑडियंस तो फिर वो नहीं करती ना, वो तो गुजर गया। वही बात है ना, लाइफ से थोड़ी बनता है यार, क्योंकि ऑडियंस जब एंटर करती है
तो एक आधा ऐड आता है, फिर बाद में थोड़ी ऐड आता है। अब तुम 4 घंटे बैठे रहोगे, ऐड थोड़ी आ रहा है जो मेरे कुछ बनेगा। मगर यकीन मानो शबनम, मैं यकीन आपका ऐड भी स्किप कभी आता है ना तो स्किप भी नहीं करती, पता है? दो आए एक आए जितना भी है मैं देखती रहती हूँ। थैंक यू सियोक सिस्टर, थैंक यू सो मच। वो वाला भी चैनल बनाई थी, इतनी वीडियो बना बना के डाली, जैसे ही 1,000 हुए वैसे ही वो मैंने जो भेजी ना मोनिटाइज के लिए, तो फिर वो बंद हो गया चैनल। फिर भी लोग पीछे पड़े रहते हैं यार। मैं तो यहाँ पे काम कर रही हूँ ना, काम के लिए भी लोगों को इतनी तकलीफ है कि क्यों काम कर रही है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों बोले, वैसे क्यों किए, ये क्यों आया, वो क्यों, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। हाँ भाई, झूठों की दुनिया है, ये बात तो एकदम सही बोली है, झूठों की दुनिया है। अगर मैं झूठ बोलूंगी, बातों को घुमाऊंगी, लोगों को परेशान करूंगी ना, लोगों की आंखों में धूल झोंक के झूठी लेके चलूंगी ना कंटेंट, तो सब जने आ जाएंगे भाई, सपोर्ट भी करेंगे, चैनल को भी कोई कुछ नहीं करेगा। वालेकुम असलाम उरूज मेरी जान। यार लाइफ रिएक्शन देने से थोड़ी कोई मना कर रहा है, या मेरे को कोई रोकेगा तो मैं रुक जाऊंगी, लेकिन चैनल ही नहीं चल रहा है तो मैं कहाँ पे डालूं वीडियो रिएक्शन देख के। सारा मेरे नाम से नहीं बनाऊंगी तो क्या फायदा है ना यार, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं मेरी मेहनत कर रही हूँ, मेरा काम कर रही, फिर भी लोगों को तकलीफ है। नहीं यार, ना दी आप बात करो ना, 2 मिनट में कॉल आ रही है, अटेंड करके आई, मेरी जेठानी की कॉल आ रही है, आप बात करोगे तब तक? हेलो, हाँ, शबना मैं सुन रही हूँ, मेरा हस्बैंड बैठा हुआ इसलिए चुप होती। चलो नहीं नादिया, लगता है म्यूट नहीं सुन रही है। नहीं शबना मैं सुन रही, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या शबना? नहीं आ रही थी, अभी आ रही है, अभी आ हाँ रही है आवाज, हाँ आपकी आ रही है, मेरे हस्बैंड आ आते रही रहते हैं तो है। कोई फुलझड़ी नहीं, ये बैठा कोई कोई फुलझड़ी छोड़ेगा, मैं बंद कर रही हूँ, म्यूट कर रही हूँ। वो अच्छा इंतजार में ठीक है, जैसे जैसे इसलिए माइक खुला, मैंने कुछ ना कुछ बोलना है और फिर उसके बाद मेरा तो बड़ा निकला, वो देखो बंद कर रही हूँ शबनम। आप लिंक अपने चैनल पर डाल दो, बट अपना नाम की जगह कुछ और नाम से बनाओ यार लिंक। हाँ ठीक है यार, मैं नाम चेंज कर दूंगी, जो न्यू चैनल है ना उसका नाम मैं चेंज कर दूंगी, और लिंक तो मैं डालती हूँ ना, ये चैनल पे लिंक पड़ा हुआ है, कम्युनिटी पे लिंक, मतलब खाली चैनल का नहीं डाली हूँ, वीडियो का भी लिंक डाली हूँ मैंने ना, तो वीडियो देखने जाओगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना। नहीं हो रहा है ना लीली, मैंने बहुत कोशिश की यार, मैं क्या करूं अब। हाय सीमा, वेलकम हो गया मेरी जान, पटेल सिस्टर वेलकम हो गया। यार मैं एक बात बताऊं, अगर ऐसा हुआ रहता है ना तो वीडियो नहीं डाल सकता ना इंसान, नहीं, व्हाट्सएप एंड सिस्टर मैं किसी की भी परवाह नहीं कर रही हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी की परवाह कर रही हूँ,
मैं क्या परवाह करूं, बताओ ना। क्या परवाह करूं, किस चीज के लिए परवाह करूं? आज से भाई मैंने सबको छोड़ दी हूं। जिसको जो करना है करो, लड़ो मरो, जो करना है करो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी यार। करी थी मन्ना सिस्टर मैंने, मेरा दिमाग है ना इतना खपाई हूं ना उन लोग के पीछे। इनवैलिड क्लिक करके और पता नहीं रिपोर्टिंग करके क्या क्या करके ना ये करके रखे है। हाँ ब्लर कर दूंगी व्हाट्सएप सिस्टर। थैंक यू सारा सिस्टर, थैंक यू सो मच मेरी जान, थैंक यू सो मच। तासी सिस्टर वेलकम हो गया मेरी जान, कैसे हो आप? यही बात है ना यार, जिंदगी में इंसान है ना अपनी पर्सनल लाइफ में कितना परेशान है, वो किस चीज से गुजर रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पे ना सबको है ना सिर्फ और सिर्फ गंदगी मचाने की, दुश्मनी की, आपसी लड़ाइयों की, ये सब चीजों की पड़ी है। इस बीच में ना कोई इंसान मर जाएगा ना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सच में। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम सलाम। और शबनम बहुत अफसोस है, तुम्हारा चैनल इन लोगों ने डिलीट करवाया या जो भी करवाया है, तो अल्लाह बेहतर करे तुम्हें, अल्लाह सबर दे। जाओ आप ना फोन सुनाओ, मैं और नादिया है, नादिया हो ना यहाँ? अरे बहन नूरी हूँ मगर मेरे हस्बैंड बैठा हुआ। अच्छा अच्छा सही सही, मैं तो वो तंग करने के हाँ मेरे भी फरिश्ते नहीं थे ना, मैं चलो ये फोन सुना है तो मैं इतनी देर नाजिया से कर लूंगी गपशप। शबनम हाँ हाँ नूरी सिस्टर, तो ये शबनम कब हुआ आपके चैनल के साथ, कब, आज हुआ है कल हुआ है? नहीं मैंने बताई तो थी अभी 4-5 दिन पहले ना, जो न्यू चैनल बनाई थी वो बंद हो गया है। अच्छा अच्छा मैं समझी आज की बात है। नहीं नहीं मैंने बताई थी, ये वाला चैनल तो यार कब से खराब हुआ है, ये वाले चैनल को तो तकरीबन 8 महीना हो गया है खराब होके। अच्छा अच्छा अल्लाह खैर करेगा, मत दिल छोटा करो, अल्लाह खैर कर देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैर को याद कर रहे हो? आ जाओ वफा सिस्टर ऊपर। हाँ यार सभी को याद करते हैं, तुम लोग बात करो मैं 2 मिनट में आती हूँ यार। हाँ मैं सुन रही थी नादिया नहीं कर सकती बात, तो मैंने कहा चलो मैं अपना हिस्सा डाल। अरे मेरा हस्बैंड मुझे तंग करने के लिए इतना बैठा था, अभी अभी कसम से। खैर तू जैसे आई ना खैर हुए उठ के चले गए, चलो निकल गए, चलो शुक्र। मेरे से आवाजें निकाल रहे थे जोर जोर से, मैं बोला मत कर, वो भी ऐसे ऐसे मनहूस लोग पड़े हैं जो मुझे बाद में ट्रोल करेंगे। कहता मैं बैठा हूँ तेरे सर के ऊपर, तू बात नहीं कर। कोई नहीं यार, हम सब पे ये वक्त आके गुजर चुका है, गुजर रहा है। और सुनो नूरी सिस्टर कहाँ चली गई बेचारी? आईबीसी पर। अरे चलो मैं आई, मैंने कहा नूरी से बात करती हूँ। नादिया हाँ। तुम यूं क्या फरिश्ते फिर नूरी आ गए क्या? एक तो अरे मेरा यार। हाँ और सुनाओ क्या चल रहा है बहन, ईद की तैयारी क्या बोल रहे थे? सॉरी मैं टोक दिया, क्या बोल रहे थे आप? मैं तो कुछ नहीं बोली थी बाजी, मैं पूछ रही हूँ ईद का क्या सीन है, क्या चल रहा है बाजी? कल परसों का सीन है, कल परसों छुट्टियां होंगी, आपको पता है यहाँ पर हॉलीडेज होती हैं तो हम बाहर निकलेंगे ना। हाँ। जाना तो फिर भी कहीं भी नहीं, ये मैं आपकी बेटी की बात कर ली है।
ज्यादा तो मैं कहीं भी नहीं सुना नहीं आपने, टोंट बाजी यहाँ पर चल रही है हमारी भी ऐसी है भाई छुट्टी हो। हाँ अरे देखो, अब देखो ये ऐसा है बंदा है ना ये जो पीछे में पड़ा हुआ है, ये जब अभी मुझे मैंने बोला इस पर कहाँ जाएंगे वो देखेंगे, अच्छा मैं नहीं जाऊंगा मेरी मैजिक चल रहे हैं, अब इसने थोड़ी बार मुझे बकवास की, अभी बोल रहा है जाओ तो कहीं बननी है। और भाई जब वक्त आते ना तुम लोग कहीं निकलते नहीं हो, तुम लोग के दोस्त तुम लोग के मैचेस ये चल रहा है वो चल रहा है, बस ये ड्रामेबाजी लगी हुई है यार। यहाँ भी यही सीन है ना, बस चुप हो जाओ भाई, ये अपने घरेलू मसले सुलझाओ, बच्चा बेचारा बहुत तंग है तुमसे कहते हैं प्ले सोशल लेके दो, अब इसका ये रट्टा लगा हुआ यार, पढ़ाई भी नहीं होगी फिर अगर बस ये सही आया, इसने कहा मैं माँ को बात नहीं करने दूंगा, मेरी बात मानो। सबको ग्रोसरी आज ज्यादा रही यार ना, मैं घूम रही हूँ वैसे, मैं दिमाग घुमा हुआ है ऊपर से ये घुमा रहे मुझे। अच्छा और सुनाओ, और कुछ नहीं यार, बात तो सही है, यहाँ पे कहाँ जाया जाए, सारी जगह ना हम घूम। अरे पता है क्या है, सेंटर में जाओ या टांगे खत्म चल चल के अच्छा और कोई जगह नहीं है। हाँ उसके बाद बस ये बस जो कपड़े ले जाएंगे, जो लड़कियां तो है नहीं जो जिनकी मतलब चूड़ियां पुड़ियां ये वो, हाँ वो तो ये चीज सीन है नहीं। अच्छा बस ऊपर से मैं एक ज़ईफ़ औरत बुड्ढी कुसट वो कौन है भाई मैं कौन है ज़ईफ़ औरत? अच्छा अच्छा अब मैं थोड़ी मेहंदी चूड़िया पहनूंगी। हाँ चलो उसके बाद बस अभी हस्बैंड को परसों, हाँ कल लास्ट डे बोल रहे थे, कल लास्ट डे है, उसके बाद भी देखो इंशाल्लाह बच्चों की भी लड़कों की है यार, बजा के वही पैंट शर्ट है, क्या करना है। हाँ। और क्या यार, कपड़ों का भी बंदा कितना ले कितने बनाए, यहाँ का यहाँ पर जैसे कंदूरा मंदूरा होते ना तो बनवाते ना यार, पहनते भी नहीं, एक दफा पहना फिर पहना भी नहीं, फिर बस स्कूल में जैसे कुछ। हाँ सही यार, यहाँ पे हम वैसे कौन सा पूरे साल कपड़े नहीं लेते, वो ही कपड़े हाँ। आप ये ले लो वो ले, मतलब कुछ ना खास नहीं है जैसे पाकिस्तान में तो ईद। उसके बाद पता है क्या, ईद का दिन होता है हर किसी का अपना फैमिली डे होता है ना, बस ये फिर चलता है ना बस, और क्या सोने में रहता है कुछ नहीं यार, अच्छा पता क्या है यार, कहीं पर भी अब आजकल वो मजा रहा ही नहीं है ईद का, बस बाहर जाओ किसी पार्क चले जाओ थोड़ा सा कुछ हाँ ऐसा कर लेना, हाँ बस किसी से बात में, हाँ और कुछ भी नहीं चल रहा। लाइफ इतनी तंग होगी है यार, लोग सर यकीन नहीं आता उनको, उनको 5-6 छुट्टियां एक साथ मिल जाती है, वो बेचारे अपनी नींद पूरी कर रहे होते ये तुम्हारे लड़के ने तुम्हारी जान नहीं छोड़नी आज। बस नहीं बस मैं उठ रही, मैं जा रही हूँ फिर पांडे धोने, बस मेरा टाइम हो गया चलो जब तक शबनम आती है ना फिर हम बात कर लेते हैं। नहीं नहीं बस यही चल रहा है, अरे आज भी तंग करके मैं ठेका ले रखा है हस्बैंड का, मस्ती चढ़ी है यार कौन सी, जब मैं तुझे बुलाता हूँ तो तू बोलता मैं काम कर रही हूँ, जब यहाँ पर तुझे बातें करनी होती ना तब तू आराम से बैठ जाती है तो बहुत बात बात नहीं करने दूंगा यार। मैंने नीचे बहनों को सलाम नहीं किया, कैसे हो सब बहनों? हाँ, मैंने भी नहीं किया था सलाम, बस मैं ऊपर चढ़ के आ गई ऐसे, शबनम वो थी ना सेंटर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नवीन सर, कैसे हो? शबनम कहाँ चली गई थी, मैं वेट कर रही थी बहुत देर से। मैं फोन सुनने गई थी ना। वालेकुम सलाम, कैसे हो नवीन सिस्टर? नूरी सिस्टर आप गिर गए थे। अरे हाँ यार, पैर को देखा और मैं एकदम जो है ना फिसल गई। अरे ये नूरी 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 सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपसे मेरा बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की जी, बहुत मजे की लगती हैं आपकी बातें ना, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा बड़े मजे से बात करते हैं, सीधी साधी बातें हैं हमारी तो। आप बहुत सैड सैड हो रही थी तो मैंने कहा मैं ऊपर चलो जाती हूँ। यार आप लोग एक चीज पे बात नहीं कर रहे, ये जो डिलीवरी हुई है आज कुछ इसके बारे में शबनम बताए ना, क्या ख्याल है आपके? हाँ इसी के बारे में बात करनी थी ना। अरे ना बात एक बात मुबारक हो भाई, बेबी आ गया है, फुफियाँ भी बन गई, खालाएं भी बन गई, माइटी की घंटे की खाला। मैं एक बात कर लूं जरा सा मैं ये कह रही थी मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही,
कि वो उसको बच्चा हो रहा है, वो आईसीयू में है, वो 13 साल की महबूब बीवी है वो, मगर ले उसके हस्बैंड को लिए लिए ये हर वक्त बाहर लिए लिए ये घूम रही है, उसको टिकने नहीं दे रही हॉस्पिटल में, इसने टिकने ही नहीं दिया उसे, लेके घूम रही है और अपनी अपनी वीडियो बनवाए जा रही है, वीडियो बना रही है अपनी वीडियो, बाजार जा रही हूँ यहाँ जा रही है, तो इसका बाजार ही नहीं खत्म होता, इसकी रोज मार्केट ही नहीं खत्म होती। मुझे ये गुस्सा आ रहा था कि भाई तू उसे छोड़ देना, तुझे खुद ड्राइविंग करनी भी आती है वैसे तो, तू आधी रात को निकल जाती है ड्राइविंग करने खाने पीने, तो उसको हॉस्पिटल में छोड़ देना कि तुम यहाँ बैठो मैं खुद चली जाऊंगी, बच्चों को लेने भी खुद चली जाती रोज तो जाती है, उसको लेके बाहर ही घूम रही है उसको पहुंचू। आप मुझे बताएं, मुझे मेरी फीलिंग तो यह है कहीं से भी उसके किसी एक्सप्रेशन से लग रहा था पहुंचू के कि ये इसका बच्चा है, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, आप लोग बताएं कहीं लग रहा था? देखें सिस्टर, आपने मुंह बोला भाई तो सुना होगा ना, ये मुंह बोला हस्बैंड है। नहीं कहीं भी नहीं लग रहा था ना कि उसको कोई इंटरेस्ट है। इस मौके पे शौहर जो होता है वो करीब होता है ना, कि वो ड्राइवर बन के तो बच्चों को लेने पहुंच गया और बाहर लेबर रूम के बाहर इरफान नामी शख्स को खड़ा कर दिया। आप ये देखें कि ये मेरे को ऐसा लग रहा है ना ये इरफान बीवी का बच्चा हुआ है। इतना खुश वो इरफान था ना, ऐसा लग रहा है इरफान की बीवी को बच्चा हुआ है। नहीं वो उससे तो बातें कर रही थी, वो सोफे पे बैठी हुई थी बराबर में, पूछते हमें पता किसी को भी बिठाई होंगी, हम थोड़ी जानते हैं इरफान की बीवी कौन है और इरफान की प्रेग्नेंट है कि नहीं है, हमें क्या पता। लेकिन मुझे लगा कि इन दोनों को इसलिए खड़ा किया है लाके अपने साथ के बाद में गवाही के लिए कि भाई ये भी थे, हाँ बच्चा हुआ है वाकई में। ये लोग सब ये देखें कि ये कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ इतने सन्नाटे छाए हुए हैं, कोई गब्बर आने वाला हाँ। था वहां पे आप देखें लेबर रूम के बाहर भी क्या और डिलीवरियां नहीं हो रही थी, कोई आते जाते, कोई मासी कोई आया, कोई नर्स कोई है ना, कोई भी नहीं, कोई चौकीदार नहीं। बाहर गाड़ियों के पोर्शन में देखें आपको ना बंदा बशर कोई भी नहीं तो दिख रहा। आपकी बात का जवाब देके तो गई है वो एंड में कि सुबह सारी डिलीवरियां हो रही थी लाइन से, सारी मम्मा सब भाग सो गए। हाँ वो सब सो भी गए और भाग भी गए जब भी इतना सन्नाटा छाया हुआ है। कभी हॉस्पिटल में इतना सन्नाटा होता है? आप ये देखें कि कोई बंदा ही नजर नहीं आया आज तक वहां पे, कोई बंदा ना बंदा है बशर, अरे कोई चरिन परिन भी नहीं। इसने तो उस व्लॉग में दिखाया कि गाड़ी से उतरी, कोई बिल्ली वहां पे नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ ये लोग ही थे जो वीडियो शूट कर रहे थे पूरे हॉस्पिटल में। सही कह रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं कोई गाड़ी नहीं गुजरी पास से, ये क्या था, ये समझने की बातें हैं। लेकिन लेकिन उसकी हालत, वो जो कोसर है उसकी हालत देख के क्या क्या लग रहा था, लग रहा नहीं था कि हाँ ये पेशेंट है, कुछ लग तो रहा था? नहीं मुझे तो खैर कुछ समझ में नहीं आई कहानी, ये 2.5-3 साल से है ना, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया कि ये हो क्या रहा है। हाँ ये बात सही है कि ये जो इरफान और वो दूसरा जो लोग थे उन्हें किस लिए इनवाइट करके यहाँ खड़ा किया गया, ये समझ नहीं आ रही बात। जहाँ पे पहुंचू की इरफान का ही बच्चा है, ये ड्रामे कर रहे हैं लोग। हाँ ये भी शबनम की बात काफी हद तक नवीन सिस्टर, जब कोई कांड होगा ना ताकि कोई गवाह हो, मुझे तो समझ नहीं आता इनके हर जगह पर इनके भाई कहाँ कहाँ से निकल आते हैं, फिलाना भाई ये भाई वो भाई और वो भाई सब काम इनके करते हैं, 24 आवर सर्विस देते हैं। शबनम एक बात है, अगर इरफान का बच्चा होता ना तो ऐसे कोई भी नहीं बर्दाश्त करता कि अपना हुआ वह बच्चे को। इरफान का बच्चा नहीं है बट वो जैसे होता है ना जैसे सर्विस देना, कल को कोई कांड, जब मैं वही बोल रही हूँ ना, जब कोई कांड होगा ना, यही मैंने तो कहा गवाह, हाँ गवाह बना के खड़ा किया है, गवाह यस वही मैं बोला ना, देखो हम लोग है ना, देखो गवाह बनाना रहता ना तो वो कोई रिश्तेदार को बनाएंगी ना,
गैर इंसान को क्यों गवाह बनाएंगी कि कल को वो उसको ब्लैकमेल भी तो कर सकता है, वो वीडियो बना के सच्चाई भी तो बता सकता है ना। और देखो जहाँ पे बच्चा था वहां पे सिर्फ एक ही बच्चा था, बाकी पूरा वार्ड में बच्चे ही नहीं थे, खाली एक घोंचू का ही सही ज्यादा वहां पे था। हाँ, देख ले, सही कह रही है। और वो एक बात है कि ये इरफान ने हमेशा, अभी जब वो गाड़ी की रूनुमाई हुई है, मुंह दिखाई हुई है, वो गाड़ी के साथ अभी अभी नजर आया है इसके व्लॉग में, अभी नया ही चेहरा नजर आ रहा है ना, ये पहले तो नजर नहीं आया। और अब नवीन सिस्टर अगर आप ध्यान दोगे ना, जब से हॉस्पिटल के चक्कर चालू हुए ना, तब से इरफान इरफान हो रहा है, उससे पहले इरफान इरफान नहीं हो रहा था। इसने मीटअप की और सारा कुछ की, तब तक भी इरफान का नाम हो निशान कुछ भी नहीं था, अचानक से ही कहते इरफान की जरूरत पड़ गई। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, ये अभी अभी नजर आया है, जिस दिन से गाड़ी आई है कि वो गोंचू के साथ आया था गाड़ी के साथ, उस दिन से नजर आया ना ये बंदा। और अब ये हॉस्पिटल में ये बंदा बिल्कुल न्यूली कपिल, ये अभी अभी इनसे जान पहचान हुई है, ये क्यों हॉस्पिटल में आगे खड़े हुए थे कुछ समझ नहीं आ रहा। और हॉस्पिटल बाकी ये सही कह रही है, खाली था पूरा। सबसे पहले तो बच्चे को बाप के पास, बाप की गोद में, दादी की गोद में ऐसे दिया जाता है, उसके बाहर लेके आती है वो। जी नर्सरी से बाहर पहले फर्स्ट टाइम लेकर आते हैं वो दो पांच दस। इन्होंने तो डायरेक्ट ही उसको नर्सरी में डाल दिया है। अच्छा नर्सरी में भी है तो गोद में तो बाप ले सकता है, नर्स यूं दूर से दिखा रही है, उसको गोद में भी नहीं दे रही है। अब वो तेरी नजरों से पिटारा को देखकर मुस्कुरा रहा है घोंचू ना। मेरे तो नर्स भी डरी डरी लग रही थी, पता नहीं दिखाई और भागी है फास फास। पता नहीं इसका जो हर ब्लॉग उठा ले, हर डेली का हर ब्लॉग इसका जो है ना, एक झूठ पे मबनी एक फिल्म होती है, झूठी फिल्म। मतलब रियलिटी तो कहीं नजर ही नहीं आती ना इसके व्लॉग्स में। मतलब ये इसको ये है ही फिल्मी औरत है। और ये जो है कल पाक व्लॉग के उस पे फातिमा, जो दूसरी फातिमा है, उसकी कल बहुत जबरदस्त लाइव हुई है, और उसमें वो जो कोमल एक खातून आई थी, उन्होंने क्या इसकी इसकी पूरी हिस्ट्री बयान करी है, क्या जबरदस्त इन्होंने उसने इसका जो सलूशन बताया है सारा रियलिटी इस पिटारा की, बहुत जबरदस्त बताई है ना उन्होंने। तो वही बात है कि इस ये बड़ी फिल्मी औरत है, ये सही कह रही थी वो, ये मैं भी इसको फिल्मी कहती हूँ, फिल्मी औरत है, इसका दिमाग फिल्मों में रहता है, इसके दिमाग में फिल्मों की स्टोरियां, इंडियन फिल्मों की वो घूमती रहती हैं। और ये अपनी जिंदगी में भी ना अपने आप को और अपनी जिंदगी में अपने रोजमर्रा के कामों को ये समझती है हम सब अदाकार हैं, ये एक्टिंग कर रही होती है और करवा रही होती है सबसे हर रोज एक झूठ का एक। हाँ ये ख्यालों में ती है, ख्यालों के राजकुमार, ख्यालों के बॉयफ्रेंड, जी 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 यही हाल है इसका। और हर व्लॉग ना इसका एक झूठ पे मबनी एक नया खाका होता है, नई स्टोरी होती है हर व्लॉग में। और वो कोमल कल यही कह रही थी बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि इसकी इसके व्लॉग्स में कोई कंटिन्यूटी नहीं होती, जैसे सबा इब्राहिम है, अगर वो आज एक व्लॉग बात कहीं व्लॉग पे, आज किसी बात पे व्लॉग खत्म करेगी ना, कल अगले दिन वो वहीं से उस बात से को शुरू करके अपना व्लॉग शुरू करेगी और उसके मुतालिक बताएगी। कोई कंटिन्यूटी नहीं होती इसमें कि एक लाइफ चल रही है, एक लाइफ का रूटीन चल रहा है, घर का रूटीन चल रहा है, कहीं इधर से कहां कोई शॉर्ट दिखा देगी, इधर से कभी क्या हो रहा है, कभी बाजार में खड़ी है, कभी वो खा रही है, कभी चाय पी रही है, कभी एक तो वो झूला और गैलरी अजाब बन गई है, वहीं से फुर्सत नहीं है उसको, जवान बेटे की अम्मा झूला झूल रही होती हो तुम, और एक तो इसको हर जगह से चांद नजर आ जाता है, पता नहीं क्या हरकतें हैं, समझ ही नहीं आती इसकी, कुछ कुछ भी नहीं होता इसके ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम वफा सिस्टर, कैसी हो? म्यूट है। अच्छा
पहली बात मेरे को ये नहीं समझ में आया कि इन लोगों ने जब निकाह रजिस्टर नहीं किए तो आईडी कार्ड इन लोगों ने क्या दिए थे, कहते गोंचू ने साइन किया, क्योंकि सी सेक्शन में तो हस्बैंड की साइन लगती है ना, तो कहते हाँ। साबित किए हस्बैंड के गोंचू ही सा हस्बैंड है, दिखा तो रही थी कि वो साइन कर रहा है, और दूसरी बात गाड़ी में उस बर्थ सर्टिफिकेट की भी कर रही थी ना, अब इसको चाहिए हर चीज तो ये दिखाती है ना, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाए हमें बच्चे का, बन भी गया नहीं, बात कर रही थी ना गाड़ी में, कर रही थी ना वापसी में, बर्थ सर्टिफिकेट का यू होगा ना यू होगा, तो वो कल कुछ होगा उसका या पता नहीं क्या कह रही थी, बातें कर तो रही थी बर्थ सर्टिफिकेट की। हेलो भाई, इतनी ये कोई चालू है ना, आपने ब्लॉग नहीं देखा क्या? हाँ देखी मैंने ब्लॉग, लेकिन थोड़ा सी ना वो सुनने में ये हो गया मेरे, क्योंकि मैं नहीं नहीं वापसी में गाड़ी ने बर्थ सर्टिफिकेट की तो बात करी है ना उसमें, हाँ हाँ एंड में देखिएगा आप, तो कैसे बनाएंगी जब इसकी शादी को इसने ये नहीं किया, इसका सर्टिफिकेट आज तक के नहीं आया, तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट पे किसका नाम आगे लगाएंगी, उसकी माँ का पहले हस्बैंड उसको साबित करना पड़ेगा, फिर वो बच्चे का बाप बनेगा ना, ये चीजें थोड़ी दिखाती है, बस बातें करती है इन चीजों की, बातें सर चीज की करेगी, बना रही है हाँ, अपनी तरफ से इतनी एफिशिएंट और इतना अच्छी बन बन के बातें करेगी ना, मुझे बड़ा रोना आया, मेरी माँ है यू है, इतने ड्रामे करती है ना ये औरत, नहीं डायरेक्ट ये इसने बोली कि मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल हुए हैं, तो इसके डायरेक्ट कैसे सी सेक्शन हो गया, क्या प्रॉब्लम आई, क्या हुआ जो सी सेक्शन करना पड़ा, इसने तो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं की, खाली बोली ये ना एक्सप्लेन। शबनम झूले पे एक्सप्लेन कर रही थी ना, कह रही थी उसको पेन शुरू हुआ था, बहुत तेज था, पर हम ले गए थे, तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल जब गई ना, तो मैं तो है ना चीजें लेने बच्चे की बाजार गई, तो उसने ना जूस पी लिया, ऑरेंज जूस, उसने जूस पी लिया, तो दर्द जो है ना दर्द ठंडे हो गए। नवीन सिस्टर, आपके बच्चे होंगे या आपके कोई खानदान में भी होगा, नॉर्मल डिलीवरी हो कुछ भी हो, जब आप जब आपको ये पेन डिफरेंट होता है, सब औरतों को पता होगा, भले अच्छा सम टाइम ना ऐसी मेरी ना जैसे मेरी भाभी थी ना, उनको पेन होता ही नहीं है, यकीन मानेंगे आप, दर्द ही नहीं है, बट बच्चे का टाइम जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने किया, जब आपको एडमिट कर लिया, अब आपको आके उन्होंने ड्रिप लगाई, ड्रिप कब लगती है, नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर, पता है ना आप लोगों को, जी, जी, जी। कोई हाँ। भी लेडीज होगी ना, ताकि पेन ज्यादा हो, ऐसा होता है ना, जी, जी, जी। उसके बाद उन्होंने जब देखा कि भी बीबी पेन बल्कि दर्द कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, तो वो आके सिस्टर बार बार चेक करती रहती है ना, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, ऐसा होता है हाँ, कहीं भी हॉस्पिटल हो, भले जितना भी प्रॉब्लम वो मतलब पाकिस्तान का बोल दें या दुबई का डिफरेंट है, ऐसा बात ऐसा नहीं है, हर जगह पर आपको आके बार बार चेक करेंगे, आपके ड्रिप का भी दर्द हुआ पूछती है उनके सिस्टर, पूछती है डॉक्टर नहीं पूछती है, सिस्टर पूछती है आके कि हाँ आप अभी क्या है, और सब आपकी मशीन लगी होती है जो जहाँ ये हॉस्पिटल में थी ना वहां पर, तो हाँ जी आपका पेन किस लेवल पर जा रहा है, जब सर नीचे बिल्कुल आ जाता है ना, डॉक्टर उस वक्त आती है, और उसके बाद नहीं डॉक्टर आके एक दो दफा के चेक करती है, यकीन माने मुझे बड़ी चीज लगती है चीज से कि भी आया अंदर की क्या सूरत हाल है, उनको नजर आता है ना, बिल्कुल बिल्कुल सलाम मेरी जान, कैसी हो, क्यों मूड ऑफ से भी आपका, उसने तो कह दिया कि वो जूस पी लिया था तो उसका दर्द कम हो गया, मगर नहीं उसके बाद दर्द इसने बोला पेन उसको खत्म हो गया, तो डॉक्टर ने डिसाइड किया भाई अब पेन तो नहीं हो रहा तो हम आपका ऑपरेशन करेंगे, वो तो बाद का आइडिया है ना, पहले का तो नहीं है ना, उसके बाद आपको वो कैसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, मुझे पहले ये समझ नहीं आ रही, हो सकता है तबीयत बिगड़ जाए, जब बच्चे का टाइम आ चुका है आने का, आपको पेन स्टार्ट हो चुका है, तो फिर वो डॉक्टर कैसे आपको डिस्चार्ज कर सकता है, क्या नादिया इसकी स्टोरियां समझ में ही नहीं आती नादिया, ये पागल औरत का टाइम आ चुका है, लेबर पेन है, ड्रिप लग गई है, उसके बाद फिर दर्द खत्म हो गया, अंदर का तो सूरत हाल बिगड़ी हुई है ना, तो कैसे आपको डिस्चार्ज करेगा अगला डॉक्टर, घर पर घर नहीं भेज सकते, बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता,
समझ में नहीं आती इसकी स्टोरियां। हाँ वफा सिस्टर आप बात करें। हाँ नहीं मैं कह रही हूँ वो पहली बार बाप बना है तो उसकी भी फीलिंग्स का ख्याल रखिए। कौन सी फीलिंग जिसके चेहरे पर तो फीलिंग ही नहीं थी। नहीं नहीं कोई मुझे बताए घोंचू के पूंछ पर फीलिंग थी कोई फीलिंग नहीं। उसको समझ नहीं आ रही मैं किस तरह रिएक्ट करूँ। बस पेट नजर आ रहा था फीलिंग नजर नहीं आ रही थी वफा सिस्टर पेट नजर आ रहा था वह पेट का वह नजर आ रहा था फीलिंग नहीं आई। वैसे दादिया दादिया कौशल से ज्यादा तो घोंचू का पेट पेट नजर आता है। सही कहा बिल्कुल राइट बिल्कुल। मैं भूली जब कौतर के दरट जब कौतर के दरट ठंडे हो गए थे ना तो वहाँ पे मैं रहती तो मैं बोलती इसको उठाओ हस्बैंड को लिटाओ घर से निकाल। जब दर्द ठंडे पड़ गए तो डॉक्टर ने फौरन एक्शन लेगी कि अब मैं सी सेक्शन करूंगी क्योंकि बाबा बच्चा अंदर अब उस सूरत हाल में आ चुका है कि लाजिम उसको निकालना है। ये तब आपको डॉक्टर आपको डिसाइड करता है। ये हमको क्या पागल समझती है क्या समझती है हम किस चम यही तो कह रही हूँ स्टोरियां ऐसे सुनाती है आगे बस यही अफलातून सबसे बड़ी यही अफलातून है और जो ये बता रही है बस वही सही है। कसम से वो हमको चमल समझ यकीन मानो झूले पर बैठ के हमको झूला दे रही होती है सुनो मेरी स्टोरी। वही ना अफलातून की बच्ची है वो बड़ी। अच्छा वैसे मतलब पूरे सपोर्टर है ना वो माला झपने शुरू कर देते हैं हमारी पिटारा हमारी पिटारा हमारी पिटारा। मजबूर है बेचारे। मतलब लतीफे सुनाती है लतीफे लतीफे और हमारा दिल करता है नवीन सिस्टर मारो हमें मारो मारो कोई। ये कोई बात थोड़ी है कि जूस पिला दिए सिस्टर है कहाँ थी वो कहाँ भागी थी जूस पीने टॉयलेट में जाके पी ली थी। किसने जूस पिला दिया उसको। मगर एक बात जूस पीने से ऐसा होता है नहीं यार ऐसे कुछ नहीं होता है और डॉक्टर लोग स्ट्रिक्टली बता देते हैं पहले ही क्या खाना है क्या पीना है क्या नहीं करना है क्या करना है। ये क्या कौतर घर में तो अपने से कुछ ले नहीं है वही ना वो गार्डन में थी ना पार्क में घूम रही थी डॉक्टर को बोली थी मेरा आधा हिस्सा रख ले मैं झूला झूल के आती हूँ। नहीं नहीं उसका मुंह खुश्क हो गया था तो उसका दिल ने कहा मैं जूस पी लूं पानी तो था नहीं तो उसने जूस पी लिया। आई बात समझ में उसकी अम्मा पे डाल देती कि उसकी अम्मा ने जूस पिला दिया पानी की जगह जूस आ रहा होगा नल में। देखो नवीन सिस्टर नॉर्मल डिलीवरी से पहले कोई एक और काम भी और लेडीज से होता है जब डॉक्टर चेक करती है ना तो वो पहले एक और काम करती है आपकी सफाई कर देती है जो खाया पिया है वो सब ताकि वो भी नॉर्मल डिलीवरी भी लगता है उसके बाद फिर आपको ड्रिप लगती है जो लगी हुई थी। हाँ अब हमको क्या पता उसको कमजोरी। अच्छा देखो मेरी देवरानी है ना वो बिल्कुल कुछ नहीं खाती और बहुत कमजोर है उसको यकीन मानो हर हफ्ते के बाद ड्रिप लग रही होती थी। क्या उसकी डिलीवरी हो रही थी बाज दफा औरतें इतनी वीक होती है पानी की कमी होती है उनको ड्रिप लगाते हैं। जैसे मेरा लास्ट बेटा था ना मैं बहुत ज्यादा खून की कमी थी और मुझको खून की ड्रिप लगाई गई मेरी डिलीवरी को कैंसिल किया गया क्योंकि देखा था डॉक्टर का इसकी सूरत हाल भी नहीं है। आप यकीन मानोगे नवीन सिस्टर मेरा वो थी जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी थी और मेरा बेटा 9th मंथ में जबरदस्ती ऐसे मेडिसिन देके पैदा करवाया गया। रात से मुझे मेडिसिन दिए गए मगर मुझे खाना भी दिया गया क्योंकि डॉक्टर बोला ये कैसे लगा होना है कुछ इसमें ताकत ही नहीं सूरत में तो ये जो ढमे जो बना रही है ना उल्लू ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बीबी कोई भी शहर है कोई भी मुल्क है कहीं भी गांव भी है ना उधर भी जो दाइयां भी होंगी ना उनको भी तरीके आते हैं डिलीवर करने की। जो तू हमें स्टोरी सुना रही है ना वो स्टोरी कहीं भी जब एक दफा औरत एडमिट हो चुकी है उसका वक्त आ चुका है अगर नॉर्मल नहीं तो ऑपरेशन वो डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया है 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद करना है करना है वो फिर घर में तुमको भेजेगा। यहाँ पे ये जैसे कि लीली ने यहाँ पे कमेंट की है कि इसको जूस ला के दिया कौन वही ना स्टोरी पूरी बताना चाहिए थी। पूरी बताना भाई क्यों कौतर को बहुत चुल मची थी वो भाग गई हॉस्पिटल से
बाहर जाके वो जूस लेकर आई और उसने ठंडा ठंडा जूस पी ली। बच्चे को आया गुस्सा कि ये फ्लेवर मुझे पसंद नहीं, जाओ मैं अभी नहीं आता है। डॉक्टरों ने बोले तू हमारे से गुस्सा करेंगे, हम लोग काट के तेको निकालेंगे। ऐसा हुआ था पिटारा, क्या चूतिया बनाने वाली स्टोरी। और इसकी ऑडियंस भी बेवकूफ मान जाती है ना, ऑडियंस भी पूती नहीं है बहन, हमने भी पैदा किए है, किसको चूतिया बना रही तू? क्या हमने बच्चे नहीं अच्छा, पैदा किए, हमें नहीं पता। अच्छा हाँ, और शबनम एक नया ड्रामा और शुरू करा हुआ है कि मतलब उसके सेक्स नहीं बता रही बच्चे का कि लड़की है या लड़का है। अभी वो उसको उसको कल कंटेंट बना के कल उसको वो उसको देखो सिस्टर, इतने एक डिलीवरी के लिए ना चार कंटेंट बना डाली, चार वीडियो पहले लोग लेके गए, फिर इतने और वीडियो डाली, फिर बेबी हो गया वाला डाली, अब उसके जेंडर के लिए ना ये 8 दिन चिंगम की तरह खींचेंगी। अब ये बच्चा नवीन सिस्टर, उसके भाई ने व्लॉग बनाया 22 का, वो बता रहा है रोजा, उसने बोला कौसर को बेबी हो चुका, यानी कि 21 को बच्चा हो गया, वो तो उसका बोलना था। यकीन मतलब मुझे लगता है जिस दिन कपड़े रखे थे कौसर के, दो सूट जो कौसर पहन के घूम रही थी, ग्रीन कलर वाला सूट, अब याद करो जब ये पकड़ के आ रही है थामने पर लगा हुआ है, वो उस दिन घोंचू लेके जा था, इसने कहा कौसर के कपड़े यहाँ रखे हुए हैं। नहीं, ये जो ड्रामा पूरा क्या करना, यकीन मानो ना मानो 2-3-4 दिन हो गए बच्चा पैदा हुए हुए, सिर्फ क्या है बच्चे की थोड़ा कंडीशन सही नहीं है तो इसीलिए ये रबड़ की तरह खींच रही है, आप मानो या ना मानो। पता उसके भाई ने खुद बोला 22 का रोजा है, बच्चा हो गया है बाजी को, मेरी अम्मी से बात अच्छा। हुई, बाजी की हालत थोड़ा ठीक नहीं है, उसके भाई छोटे ने बताया आज की, आज मैंने कसम से अपनी हाँ भाई व्लॉग डाल रहे उसके, हाँ जी उसके भाई ने बोला, उसके बता रोजे का दिन बताया क्या 22 रोजा है और कौसर बाजी को बच्चा हो गया है। मैं कहता हूँ आप दुआ करो बच्चे की थोड़ा सेहत ठीक नहीं है, दुआ करो, कौसर बाजी की भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, अभी डिलीवरी कुछ हुआ है। अब उसे कहा मैं रात दिन कैसे करके, वो बोला अम्मी से बात हुई मेरी, तो सोचो बच्चा एक कुछ छोटी हिस्स मेरी ऐसा कह रही है ये पता नहीं कौन जादू करती है क्या करती है, ये बच्चे को जिंदा रहने नहीं देगी। हाँ अब देखो बच्चा अभी तक किसके हाथ में नहीं आएंगे, बच्चा की थोड़ा कंडीशन सही नहीं है, या बच्चा पहले आ गया दुनिया में, हो सकता है बच्चा बच्चे को 3-4 दिन हो गया तो रही है। हाँ, हाँ। सुना तो रही है कि उल्टी कर रहा है, उल्टी कर रहा है, अभी हजम नहीं कर रहा। नवीन सिस्टर देखो बच्चा आज कल नहीं आया, बच्चे को 3 दिन हो गए हैं, आप मानो या ना मानो, जिस दिन कपड़े दिखाए गए ना कौसर के रखे हुए अम्मी के कमरे में और घोंचू लेके जा था, ये सब पूरा कहानी है, कौसर कब की एडमिट है, ये सब चीजें हो चुकी हैं। बच्चा बल्कि जो उसके भाई ने भरा है ना, उसके भाई ने जो बनाया वो भी इनकी मर्जी से बनाया होगा ना बताने के लिए, वो भी थोड़ा झूठ बोल रहा है, बच्चा 2-3 दिन पहले हो चुका था, ये सब पूरा वो है। हाँ देखिए आप कैसे पता चलेगा, इरफान भाई से पूछना चाहिए। नहीं उसका नहीं उसका भाई दिन बता रहा है, रोजे का दिन बता रहा है क्या 22 रोजा है। जी जी आप सही कह रही हैं, बताया होगा उसने, वो बता उसने हाँ। और इनकी इस इनको अगर नहीं पसंद होती उसकी बात तो डिलीट भी करा देते उसकी इनकी मर्जी। नहीं उसने बोला है लड़का है या लड़की है, वो तो बाजी सितारा बताएगी, यही तो वो बच्चा घो चुका है, वो उसकी बीवी है फलाना है, लेकिन बाजी सितारा क्रेडिट लेंगी, बाजी सितारा व्यूज लेंगी, कैसी औरत है ये? सासू माँ है ना उसकी, कौसर की सासू बनी जाने और क्या, मैं तो बोलती सास भी इतना इंटरफेयर नहीं करती है जितना ये, बेटे को सास थोड़ी ना साथ में ले लेके घूमती है कि बेटा मत जा बहू के पास, मेरे तो चिपक के रहे। हाँ उसे लिए लिए घूम रही है उसे, उसको छोड़ देना भाई तू उसको, अब चलो व्लॉग ही अगर तू बना रही है, स्टोरी बना रही है तो स्टोरी के अंदर पूरा तो पार्ट प्ले करो कि उसको उसको दिखा दो कि वो अब इतनी बेवकूफ है, अपने साथ साथ दिखा रही है ताकि लोग बातें करें, इसको गालियां दें, ये बच्चों को ले आओ स्कूल से, यूं कर दो यूं कर दो। अरे भाई एक दिन बच्चे स्कूल छोड़ दे ना, तू उसे हॉस्पिटल में छोड़ दे तू उसको, और वो पता नहीं कैसा शौहर है जो हॉस्पिटल में नहीं बैठ रहा, बीवी को कुछ बार देखे नहीं थे आपने हमारे हस्बैंड तो, और हमारे क्या शबनम
किसी का भी हस्बैंड ना दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं, माँ हस्बैंड खड़े होते हैं कि भाई कुछ भी किसी वक्त भी हो जाता है, वो लेके बाहर घूम रही है उसको। नहीं वो तो रमजान था, नहीं तो ये तो ये बार भी वेफर खाते बैठता, अंदर बच्चा हो रहा है ये बाहर वेफर खाता बैठ के एड़ा बावला। बिरयानी खा रहे थे जैसे पहले। अरे वफा आ जाओ मेरी जान, वफा आ जाओ। नहीं भाई मेरे को तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये, मेरे को लगता है उस दिन ये डाली थी ना जिस दिन इसने गुड न्यूज वाला टाइटल और थंबनेल, उस दिन हुआ है मेरे को लगता है बच्चा, आज से 3 दिन पहले। हाँ तो इसने शूट करके रख लिया होगा, अब ये व्लॉग कभी भी डाल दें इन लोगों की तो अपनी मर्जी होती, हमें क्या पता कब शूट किया। एक सजेशन है। हाँ व्हाट्स हैपन सिस्टर, बोलो मेरी जान। क्या घटिया व्लॉग था, कौसर की एक्टिंग ऑस्कर लेवल की थी। वालेकुम सलाम रजिया सिस्टर, वेलकम हो गया। रूपाली वेलकम हो गया मेरी जान, कैसी हो। नहीं नहीं कैसे भी नहीं लग रहा भाई, वो बच्चा उसका ये सारा कुछ ड्रामा है। भले ही कौसर हो सकता है कि प्रेग्नेंट थी भी, बच्चा हुआ भी होगा, लेकिन गो चुका तो नहीं है ना भाई। तेरे मुंह से समझ में आता है ना कि बच्चा किसका है किसका नहीं है, उससे ज्यादा तो मैं वो इरफान खुद नजर आ रहा था जी। शबनम गोंचू के किसी एक्सप्रेशन से उसकी कोई दिलचस्पी को इंटरेस्ट जाहिर ही नहीं हो रहा था, वो बाहर घूमता रहता है क्या आदमी जिसकी बीवी को बच्चा हो रहा हो। और वो भी वो उसको बोल रही थी कि बाहर ही रहो तुम, फिर किसी ने बोला नहीं नहीं बाप का अंदर रहना जरूरी है, तो बोलती अच्छा जरूरी है फिर अंदर चलो, नहीं तो वो उसको बाहर ही रहने बोल रही थी। हाँ इसको पता नहीं है इतनी नन्ही काकी है, इसको दुनिया की हर बात का पता है, इसको ये नहीं पता कि शौहर को भी वहां होना चाहिए। देखो इसको बेचारी को यही नहीं पता, कितनी मासूम है ना ये बोली। अभी बच्चे ही कहां पैदा की ना बेचारी ने, बहुत फेक है, बहुत फेक, बहुत ड्रामा, बहुत ही झूठी स्टोरी और ड्रामे भी आजकल इतने ऐसे ऐसे बनते हैं शबनम के ये हकीकत का गुमान होता है आपको, मगर ये तो पूरा एक फेक ड्रामा होता है हर ब्लॉग। नवीन सिस्टर, नवीन सिस्टर आपको लगता है कि जो इस बीबी ने अपने डॉक्टर ने बोला कि इसने जूस पी लिया, ये भी इसने किसी फिल्म ड्रामे में देखा होगा ये सीन, कि ऑपरेशन से पहले ये कर लेते हैं सी सेक्शन से पहले। आज पहली दफा सुना है मैंने ये, पहली दफा सुना है। नहीं नहीं वैसे होता है कि आपको आके जैसे ऑपरेशन वगैरह, मगर मुझे इस डिलीवरी का पता नहीं है यार, मुझे कसम से बो रही हूँ इस चीज का पता नहीं कि बाकी जो दूसरे ऑपरेशन होते हैं उसमें शायद हाँ आके पूछते हैं कि आपको 4-5 घंटे पहले कुछ नहीं खाना ऐसा हुआ है, मगर ये मुझे इसका ये इसने इसको डॉक्टर ने नहीं बोला। अगर डॉक्टर ने अगर उसने खा भी लिया था तब भी डॉक्टर उसको एडमिट ही रखेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी कंडीशन सही नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। उनके पास फिर ऑप्शन भी होते हैं, अगर बंदा कुछ खा लेता है ना तो वो भी ऑप्शन होते हैं, बाय चांस कोई खतरा पड़ गया तो उन्होंने इमरजेंसी में ऑपरेशन करना ही करना, चीजें होती हैं, वो भी सेकेंड ऑप्शन होता है उनके पास। ये बीबी तू माइंड में रख, तू जो कहानी सुना रही है ना हमको। हाँ नहीं 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 बाईस मरीज ने कुछ खा लिया है तो सेकंड ऑप्शन होता है, वो उनके पास एक होता है ऑप्शन डॉक्टरों के पास। अब देखो एक बंदी गई हुई है एडमिट हुई है, अब उसकी अंदर की सूरत हाल खराब है या बच्चे का कुछ सांस का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बच्चे को निकलना है बाहर, वो जिस तरीके से भी निकले, ऊपर से निकले या नीचे से निकले। हाँ तो अगर बाई चांस इस नहीं नहीं अगर उसने जूस भी पी लिया था, डॉक्टर फिर भी उसको डिस्चार्ज नहीं करेगी, अपने पास रखेगी, वो बोलेगी कभी भी कुछ हो सकता है तो हम उसी वक्त हम अपना इमरजेंसी में सिचुएशन में ना नादिया ऐसे सिचुएशन में अगर के एक बार दर्द उठ गया उसके बाद में अगर दर्द ठंडा हो रहा है ना तो बच्चे के खत्म होने का खतरा रहता है, माँ के पॉइजन चढ़ने का खतरा रहता है, माँ बच्चे दोनों मरने का खतरा रहता है। ऐसे थोड़ी है कि अच्छा बच्चा अभी मना कर दिया, बच्चा मैं नहीं आ रहा, अच्छा आंटी आप घर पे जाओ। नादिया ये पिटारा बीबी तो, नादिया पिटारा बीबी तो ये बोलती है ना देखो तार पे बिल्ली है तो सब वहीं देखने लग जाते हैं कि हैं बिल्ली तो नहीं है तार पे, ये वो हिसाब है। आती है आती है, आती बेटा तार टूटी भी नहीं है। तो पागल लोग कसम से।
पता नहीं बोलते पूरी दुनिया जाहिल है या पूरी दुनिया को, अरे आजकल जो अनपढ़ जो है ना, जो कोई अच्छी दाई होगी पहले सी, उसको भी तरीके का बहुत से आते हैं, उनको भी पता होता है क्या करना है। सौगत नहीं, देखो अगर वो रियल की भी माँ बनी है तो चीर फाड़ पेट तो फड़वा दिया ना उस औरत का है, इसको इतना इंतजार नहीं हुआ। ये गांव मुझे नहीं लग रहा था, नूरी सिस्टर झूठ है, नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी, बोट में डिलीवरी करवाती तो ना उस बिचारी का पेट फटता, सही है। तो ये अगर वहीं भेज देती उसके शौहर को तो इसका क्या जाना था, वो लोग कौन सा खुश होते हैं ऐसी जगहों पे आने पे ना। अरे नूर सिस्टर, अगर के ये डिलीवरी नॉर्मल होती तो ताबड़तोब छुट्टी मिल जाती ना, और तीन दिन का कंटेंट कैसे बनता। अभी बनेगा ना, बार बार हॉस्पिटल जाएंगी, बच्चा ये कर रहा है, अम्मा वो कर रही, हॉस्पिटल ऐसा है, डॉक्टर ऐसे है, सोचो ना इसका कंटेंट कितना। अभी देखो इसकी औकात, ये बोलती है ना कि चैनल मेरे नाम से चलता है, व्यूज देख लो पता चलता है कि इसका चैनल किसके नाम पे चल रहा है, इतनी इसकी औकात नहीं है कि कल के चला ले। कल के ब्लॉग में तो 3 लाख आए हैं ना व्यूज, फिर आ गए ना यहाँ तक के इसके मीटअप पे इतने व्यूज नहीं आ रहे जितना कौसर के नाम पे इसको व्यूज आ रहे हैं। नहीं नहीं, अभी जल्दी जल्दी इसने क्यों रिवील किया, क्योंकि उसका भाई कर चुका है ना कि बेबी आ गया, खबर बाहर फैल गई, तो इसलिए इसने कि शाम में फिर जल्दी वीडियो डाल दी कि भी हाँ, बेबी आ गया है। हाँ, कुछ ऐसा लगा तो जल्दी में बता रही है एकदम से। हाँ, क्योंकि उसके भाई ने रिवील कर दिया एकदम से, वहां पे टुकड़ा जोड़ा गया। वीडियो तो ना है, ये बाद में दिखती है, 2-3 दिन पुरानी इसकी ये वीडियो। इसमें रोजे कहने लगी कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, और 22वें रोजे डेट दे दी है, तो ये 1-2 दिन पुराने ही ये शूट करके रख लेती है। अच्छा पीछे मैसेज देखो, मैं आई हाँ 2 मिनट में। दूसरे ये समझ में नहीं आता ना दिया मुझे कि ये कितनी कोई, ये कौन सी अजीब पागल औरत है ये कौसर, कि इसको जो एक्टिंग कहते हैं ये करती रहती है, दांत निकालती रहती है, जो एक्टिंग करते हैं वो बन के आ जाती है, और उसका कोई आवाज नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मर्जी नहीं है। मुझे तो अजीब अजीब वो गरीब वो औरत लगती है, उसको खुद कोई कोई मर्जी नहीं है उसकी, जो उसको कहते हैं वो करने लग जाते। नवीन, उसने तो हंसते हंसते बच्चा भी जन्म लिया, कभी ऐसा होता है? वही तो कह रही हूँ, दांत निकाल रही होती है हर वक्त। हाँ। समझ में कुछ नहीं आ रही स्टोरी। नहीं नहीं बहन मेरी, आज उसने उसे टच में भवाए हैं कि भी बहाल है, लोग बोले तो हंस रही है, हमने ये दिखाना है तेरा सी सेक्शन हुआ है, तेरी नॉर्मल डिलीवरी निकाले गए, बच्चा ही निकाला है लोगों ने। वही बात है नादिया, कि हो सकता है इसकी हुई भी हो डिलीवरी, लेकिन बच्चा पहुंच चुका नहीं। नवीन सिस्टर, जो कल का ड्रेस था वो वही ड्रेस है जो 2 दिन पहले जब घोंचू गाड़ी लेने के लिए जा रहा था, और इसके माँ की जो टेबल है ना मशीन वाली, उसके ऊपर वो कपड़े और नीचे थैला बना हुआ रखा था, और ऊपर कौशल के 2 ड्रेस रखे थे, आपको मैं बताऊं। हाँ याद है मुझे। हाँ, और ऐसे देखो ना सब, उसके बाद जो कल की चादर फिर आज की, ये सब भी ड्रामा है। और दूसरा, जब ये आज वापस गई उसको लेके हॉस्पिटल, तब वीडियो क्यों नहीं बनाई कि हम सुबह सुबह जा रहे हैं, बस खुद को दिखा रही थी। हाँ, अच्छा वो कपड़े पहने हुए, और जब इसने अभी ऑपरेशन का दिखाया उस वक्त कुछ व्हाइट से कपड़े ड्रेस पहनी हुई है को सर। हाँ, व्हाइट चादर। नूरी सिस्टर ये सही कह रही है बिल्कुल, वो हॉस्पिटल में सन्नाटा था, कोई आदम ना आदम की साथ कोई नजर नहीं आया, कोई नवीन सिस्टर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जैसा भी हॉस्पिटल होगा, कोई बंदे, कुछ नर्सिस, कुछ तो आसे पासे नीचे ऊपर नजर आते, नीचे का हिस्सा, साइड का हिस्सा, बैक का हिस्सा, कोई तो दिखता, कोई तो बंदा दिखता।
यार एक बात बताओ, पाकिस्तान में जब औरत डिलीवरी के लिए जाती है तो सलवार कमीज पहनती है, गाउन दे देते हैं ना एक? जी जी नहीं, पहले सलवार कमीज चलता है वो। अच्छा, वो सलवार कमीज में लेबर रूम में वो फिर अपना ड्रेस देते हैं उसको। अच्छा अच्छा, फिर तो ऑपरेशन के टाइम ना कि 1.5 लाख लगा है, सबको पता चल गया ना। सुनो ना, सुन लो सब, रसगुल्ले देखो ना, हॉस्पिटल पर ना वो करता है, डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल कैसा है। ये दिखा रही है इस्लामाबाद का हॉस्पिटल, कहीं आम शहर गांव का। बड़े नादिया, इसको इतने बड़े हॉस्पिटल में जाने को किसने कहा था पहले ये बताओ? कोई इतने बड़े हॉस्पिटल में जाता? ये तो गरीब सा घोंचू था। अच्छा, नीचे ना हयात ने, सुनो आप लोग, हयात ने नीचे मैसेज की है, वो बोल रही है घोंचू और पिटारा से ज्यादा है ना परेशान बिल को लेके ना वो था, जो क्या नाम है, इरफान बिल को लेके ज्यादा परेशान था। हाँ तो बाप ही परेशान होगा ना, क्योंकि बाप को ही तो पे करना है। इरफान की तरह से आ गया। और सुनो, और नवीन सिस्टर हम लोग पागल हो जाएंगे, कसम से बोल रही हूँ, ये गुड्डी नहीं सुझल रही। अच्छा नादिया साहब, नादिया साहब सोचो ये बच्चा किसका, पता नहीं बहन मेरी किसका बच्चा है, हमें नहीं पता, अल्लाह ने भेजा है, जिसका भी अल्लाह उसको बख्श दे, बस दुआ करो जिस माँ का भी है ना अल्लाह उसको नसीब करे बस। हाँ अल्लाह उसकी जिंदगी करे बेचारी। हाँ भाई, जीता सलामत रहो, जिस माँ का भी है। सुनो ना, इसने जो सुबह वाला व्लॉग डाला था जिसमें इसने उसकी फोटो डाली हुई थी व्हाइट से दुपट्टे में, पता है इसने जैसे व्लॉग शुरू किया ना, मुझे लगा कि कुछ हो गया बच्चे को, क्योंकि उसका हाथ पकड़ के कह रही है सबर करो ये वो करके, देखा था रो रही थी कौसर उसके अंदर, इंटर मैंने बंद कर दिया। फिर आया सेकंड व्लॉग, आया बेबी हो गया, मैंने कहा शुक्र है, पर मुझे लग रहा है कि इस बार ये कौसर को ना कह दे कि कौसर गई और बेबी को मैं गोद ले रही हूँ और महान बन जाए किसी का बच्चा लाके, और फिर वीडियोस बनाए सलमा की तरह बैठ के, अच्छे अच्छे बच्चे वाले। इसका कुछ पता नहीं है यार, इस बार ये हो सकता है ना कौशल को जड़ से ही निकाल दे अपनी लाइफ से कि गई वो तो। नहीं बहन, क्या अंडा देने वाली मुर्गी है वो, उसकी खाली गांडी काटेंगी, उसकी गर्दन कभी नहीं काटेंगी। नहीं, ये इसको जिबा कभी भी नहीं करेगी, देखिएगा आप। हाँ, इसको जो अंडे मिल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, पर यार जैसे ये है ना कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। नहीं नहीं, सलमा का कंटेंट से तो उसका चैनल चल रहा है। ये ना सलमा से कभी सुलह करेंगी और ना कौसर को कभी डिवोर्स देके इसको हटाएंगी या उसको मारेंगी, कभी नहीं। ये दो चीज से तो उसके डॉलर बन रहे हैं यार। कौसर के आने के बाद इसके व्यूज फिर ऊपर चले गए हैं बेवकूफ के। हाँ तो इसीलिए तो लाइए, लोग भी पागल समझते नहीं है। वो बार बार डिस्कस कर रहा था, डीपली जा रहा था मेरी मदर का रोडेशन सिस्टम रिमूव किया है दो भाई लोग आराम से। मुझे तो बस इस बात पे गुस्सा भी आ रहा है और हैरत भी हो रही है कि भाई उसकी बीवी हॉस्पिटल में है, बच्चा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कंडीशन है, वो इसके साथ घूम रहा है, उसे लिए लिए घूम रही है, तू घुमा रही है अपनी वीडियोस बना रही है उससे, एक तो इसका बाजार ही नहीं खत्म होता कभी, गीगा मॉल फलाना मॉल, उसकी कब्र भी गीगा मॉल में बनेगी, अल्लाह करे वहीं बने तो आमजादी सोचने की बात है। देखो अभी पॉइंट पर बहुत से पॉइंट है इसको पकड़ने के। देखो इसने दिखाया कि ना कौसर को घर लेके आ गए, हम फिर कल सुबह जाएंगे, इसने कुछ जूस पी लिया, ऐसा है ना। अभी एक प्रेग्नेंट लेडी जिसकी पहले हालत इतनी खराब थी है, सोचो सब औरतें सोचो इस बात को, उसके बाद अब उसको घर लेके आए हो, क्या वहां पर ना औरतों का होना लाजमी नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है। नहीं नहीं नादिया,
नादिया कुछ भी कर लो वो हाथ में नहीं आएगी, पतली गली से निकल ही जाती है। नहीं सुने, उसके बाद वो औरत अपने हस्बैंड को लेके मॉलों में जाती है और शॉपिंग करती है। घर में प्रेग्नेंट औरत जिसको सुबह हॉस्पिटल जाना, जिसकी हालत खराब है, बच्चा निकलने को है, अकेला छोड़ दिया। कभी भी कुछ हो सकता है, ये मेरे हस्बैंड की आप लोगों को पता है सर्जरी हुई है, मैं एक मिनट के लिए घर में अकेला नहीं छोड़ती हूँ। नहीं, कभी भी कुछ हो सकता है भाई। सीओ सिस्टर बता रही है कि लड़की हुई है। चलो मुबारक हो, नाम तो मुबारक हो, पिटारा दादी बन गई। चलो खा, सोफिया नाम है। अकेली थोड़ी थी, इतनी जो बारात आई है उसके साथ वो भी तो थी यार, सही तो पिटारा निकली है घोंचू को लेकर। हाँ देखिए ना, उसके भी तो काम होते हैं, उसको गिफ्ट्स भेजने थे, शॉपिंग रह जाती है। इसके ऊपर बिचारी के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो जो वो अपने साथ बारात लेकर आई है गाँव से, तो वो अकेली कहाँ से होगी फिर। और मुझे एक बात बताएं कि ये पूरे महीने से क्या कर रही थी, कि गिफ्ट्स और शॉपिंग और बच्चों के कपड़े क्यों नहीं लिए, कर क्या रही थी, ये पूरे महीने से क्या कर रही थी? बस ये सबको चूतिया ही बना रही थी और सब बन रहे थे। क्योंकि और इसे ये भी पता था ना कि इसकी डिलीवरी का टाइम भी आखिरी हफ्ते में आ रहा है, तो इंसान पहले से अपना सब कुछ करता है ना। कल जाके बच्चे के कपड़े खरीद रही है, अब उसको याद आ गया मेरे बच्चों की शॉपिंग नहीं हुई है ईद की, मेरे बच्चों के जूते नहीं आए, मेरे बच्चों के कपड़े नहीं आए। अरे जाहिल औरत, ये चीजें पहले से सारी मैनेज करनी होती है ना। एक टाइम डॉक्टर ने जब दिया हुआ है तो तू उसके हिसाब से पहले से अपने सारे काम करके रखना, जब तू सास बनी हुई है तो। नहीं, शॉपिंग करने के लिए कि कौशल की डिलीवरी हो जाएंगी फिर हम शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, उस दिन तो निकली थी। इसको आदत है ना दुकानदार के 10 बार मुंह और नीचे का देखने की। नवीन, ये जो 9 मंथ होते हैं ना, उसके बाद के जो 9 दिन होते हैं ना, उसमें कुछ पता नहीं होता। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 9 दिन के बाद लाजमी बच्चे ने आना ही आना है, ठीक है। ये जहाँ सोई हुई थी ना ख्वाबो ख्यालों में, इसने एक लंगोट तक नहीं बनाया बच्चों का, ठीक है। उसके बाद ये घूमती फिर रही थी, जिस वक्त वो लेबर रूम में या रूम में उसको लिटाया हॉस्पिटल में जाके, इसको जब होश आया कि मैंने बच्चे की ये आइटम लेनी है, उससे पहले इसको कुछ अता पता नहीं था। ये समझ रही थी कोई बिल्ली का बच्चा आने का है, इसको किसी चीज के बारे में बिचारी को पता ही नहीं था। इसको ऑपरेशन के बारे में नहीं पता था, इरफान की वाइफ से पूछ रही थी, अच्छा यूं होता है, अच्छा यूं होता है। ये तो बिचारी, इसके हाथ में तो कभी मोबाइल ही नहीं आया, इसने तो कभी कोई चीज सर्च ही नहीं की होगी, इसको अभी कुछ नहीं पता। नहीं, और अपने बच्चे चलो नॉर्मल होते हैं, इंसान रिश्तेदारों के हजारों के बच्चे होते रहते हैं, देखता रहता है, सब पता होता है। हमारे भी नॉर्मल हुए हैं, लेकिन हमें पता है बहनों के, रिश्तेदारों के सी सेक्शन आए दिन हम देखते ही रहते हैं, सब पता है हर चीज का। 5 दिन से पहले छुट्टी नहीं होती सी सेक्शन में, 3 दिन तो कम से कम रखते हैं वो। दूसरे दिन कहे जा रही है दूसरी में। आपकी आप जो कह रही है ना अभी के, ये इसको आप देखें कि वैसे तो ये हर चीज की जिम्मेदारी इसने पकड़ी हुई थी। फ्लैट खरीदा सामान और जाके फ्लैट पे चादरें बिछा रही है, यूं कर रही है, यूं कर रही है, हर चीज तो वैसे तुम कर रही थी, और तुम्हें बच्चे के कपड़े और सामान याद ही नहीं है कि वो भी लेना है। अजीब बातें करती है ये औरत, मकाना इतनी मजलूम औरत है ना ये, इसको इतनी टेंशन है अल्लाह ने दी हुई है। देखो इसको ना किसी का सुख देख के सबर आता है, ना ये किसी को खाते हुए देख सकती है, ना पहनते हुए देख सकती है। ये बिचारी इतनी कुर्बानियां दे रही है ना इसके सपोर्टरों के बकौल। सिस्टर कोई कुर्बानियां नहीं दी, कपड़े लेने जा रही है, 1.5 लाख पे कर दिया। ये सारी बकवास इसकी जो चल रही है ना, कल की 2 दिन से ड्रामेबाजियां लगा रही है, आज 2 ब्लॉग डालने थे इसने, कल भी 2 ब्लॉग डालेगी, घोंचू का दिखाएगी, घोंचू ने अजान दे दी। भाई घोंचू ने पकड़ा कब, पहले मुझे ये बताना पिटारा, घोंचू तो अंदर गया, उसने हाथ तक नहीं लगाया। देखो हमारे घर बच्चा होता है ना तो सबसे पहले बाप जाके उठाता है,
या कोई भी हो, माँ बहन पास जो भी हो, सब बच्चे को हाथ में लेके देखते हैं, वो देख के बच्चा दूर से आ गया है, नस भी उधर चली गई है और ये भी बाहर निकल आया है और जूती उतार के जा रहा है। बेवकूफ इंसान, दोनों हाथ तू गंदे कर रहा है जूती को लगा के, ठीक है, सैनिटाइज तू करके नहीं जा रहा अपने हाथ, कितने डंगर इंसान है मैं कहती हूँ इनको, पैसा आ गया तमीज नहीं आई। और आपने वहां देखा था सीओ साहिबा जब वो अजान वाली बात जब कर रही थी, वहां वो इरफान साहब खड़े हुए थे, कितनी मासूम बनके, कितनी बारीक सी आवाज में बात, कितनी एक्टिंग से करती है, जैसे ये इतनी मासूम है, मुझे याद आ जाता है वो जेठ से जैसे बात करती है। नवीन सिस्टर देखिए ना, ये ड्रामे इसने जो किए हैं कि उसने जूस पी लिया, डॉक्टर तो सबसे पहले बता देते हैं भाई आपका ऑपरेशन होने वाला है तो आपने कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है ना, ये तो सबसे पहले हिदायत दी जाती है पेशेंट को ना, तो आप ड्रामेबाजी है, इसने घर जाके कपड़े बदलने थे, बस कपड़े बदल के, वो कहते ना 3-4 ब्लॉक शूटिंग एक ही कपड़ों में हो गई एक ही दिन की, तो नहीं, कपड़े बदला। ये जो कौशल है ना, ये दरअसल आयत जितनी थी उस बिचारी को पता ही नहीं था कि मैंने खाना पीना है या नहीं है, सारी अपने सिवा इस पिटाराबाजी को ही है, पूरी वाइटी को उंगली पे नचाया हुआ है और उसके बाद बिचारी और मजलूम बनी हुई है, इसके लिए कुछ नहीं बोलना, गुनाह होगा। और देखे नूरी सिस्टर, आज मैं सुन के हैरान रह गई, इनकी एक सपोर्टर ये केएसबीबी की लाइव में थी, कहती है घोंचू ने सितारा पे बड़ा प्रेशर दिया हुआ, वो बिचारी के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको सबूत, और बीबी जा खुदा का खौफ कर, जाके अपनी आंखों का इलाज करा, अगर तुझे समझ नहीं आती है तो डॉक्टर को दिखा दे जाके, घोंचू घोंचू को प्रेशर सितारा ने नहीं दिया हुआ, इतना प्रेशर दिया हुआ है कि पिटारा का यूरिन शलवार में ही पास हो जाता है, वो डायपर पहनती है, जब भी तो 3 डायपर प्रेशर दिया हुआ है, इतना प्रेशर दिया हुआ है कि वो बच्चे लेने जा रहा है, बच्चे छोड़ने जा रहा है, तो गोद में उठा के। अच्छा मैं ये बात बताएं, नवीन सिस्टर देखिए, इसने कहा कि जी मुस्तफा को लेके आना, तेरे घर में रमजान बैठा हुआ है, उसके पास गाड़ी है, सारा कुछ है, या तो उसको नई गाड़ी चलाने नहीं दे रही है, खुद भी तो है ड्राइव कर रही है। किस को उंगली पे नहीं नचाती ये सोचो, कोई बचा है इससे अब तक? कोई बचा कोई है? कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा। अच्छा मैं एक बात ऊपर करने आई थी, सात मुल्कों की आवाम नहीं इससे बच सकी तो आप। अच्छा यार आप लोग बात करो, मैं जा रही हूँ, सिर्फ एक बात कर रही हूँ, ऊपर आई थी मैं आज ना, बेटी हुई है ये तो बता के जाऊँ, मैं आपको बताऊं बेटी ही लग रही है मुझे, बेटा नहीं लग रहा, लेकिन देखते हैं कि क्या बताती है क्या नहीं बताती, हमने कौन सा खोल के देख लेना। आप बात करने आई थी ये ना, नीचे क्रेजी शॉट ने मुझसे पूछा कि आप केएसबीबी की लाइव में गई थी, मैं गई थी और गई बताऊं क्यों। अच्छा ये मैं उनकी लाइव ना उसी वक्त, कसम से उसी वक्त स्टार्ट हुई, सुनना, आत्मा का ना वहां पे कमेंट आ गया, मैंने वहां पे कमेंट कर दिया, मैं कहा केएसबीबी प्लीज इसको ले लो एक दफा, ताकि इसकी जो जलन है ना खत्म हो जाए बेचारी की, ये जो तड़प रही है ना कि एक दफा इसको भी कोई पैनल पे बुला के इज्जत दे दे, वो दे दो। उन्होंने फिर भी मुंह नहीं लगाया, ठीक है, उन्होंने फिर भी इसको लात ही मारी, उन्होंने कहा कि इसको ब्लॉक मत करो, लेकिन इसको जो बोलना है ना बोलने दो, अगर गाली निकालेगी तो तब ब्लॉक कर देना। लेकिन अब मैं इसे ये पूछती हूँ कि तू क्या करने गई थी बीबी, तू क्या करने गई थी अब, मैं तो तेरी बेटियों के लिए सुगत गई थी, और अपने लोगों को एंड सिस्टर झूठ बोल रही है कि नहीं नहीं वो मेरी आईडी नहीं थी, वो फेक आईडी थी। हाँ अच्छा, और आज अभी किसे ऐलानात कर रही थी, मैं किसी के पैनल पे जाऊं कभी जिंदगी में ना जाऊं मैं तो। हाँ और ये कह रही थी मैं कभी बिया से बात नहीं करता, तो बिया तो उस पर टाइम पे पैनल पे मौजूद थी, रोमा भी मौजूद थी। सेओ ये जर्मन मॉम है ना, ये पिटारा की डुप्लीकेट है, ये जो हाँ, भी गई गुजरी है, मुकर जाती है, फिर मुकर जाती है, जब कोई अच्छा हो जाए तो मैं थी और बुरा हो जाए तो कोई और था। नूरी सिस्टर मेरी आईडी से ना उनको कंफ्यूजन हुई कि मैं मतलब मेरा रियल नहीं है, फेक अकाउंट है, क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम ना रिसेंटली चेंज किया, उनको पता नहीं चला मैं कि मैं गई थी। लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी, मैं जहां गई हूँ मैं खुले आम गई हूँ, कोई डर नहीं है। ये गई है, इसने जाते सार लिंक मांगा है, उन्होंने लिंक दिया भी है, लेकिन इसकी इतनी जुरत नहीं हो सकी कि ऊपर चली जाए। हाँ देखिए साइमा,
हम तो सब लोग कोई पाबंद थोड़ी है, हम लोग कोई किसी को कोई बात करनी है तो कहीं भी जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। एंड सिस्टर ये आके बकवास करती है ना कि ओनली मैं ही क्यों, तू ही हर एक से पंगे लेती है, तू ही हर, कल तोतली क्या करने गई है उनकी लाइफ में, बताओ ना मुझे जरा, उनको ही लाइफ में जाके उनसे ही बदतमीजी कर रही है। ये जो बात कर रही थी, मेरा कमेंट नहीं देखा आपने, मैंने वहां कमेंट किया तो मैंने कहा जो चीखे मार रही थी ना, मैंने कहा जो इतनी परेशानी है तो चुप करके क्यों नहीं बैठ जाती, जरूरी है कि तुझे जरूर आना है तो। नहीं नहीं जी आना है, वो छोटी केस में भी है, उसमें सारा कुछ करना है। आप इसकी लाइव में आपने कमेंट किया था ना, आपको इसने कहा था नवीन सिस्टर आज आज आप आज हमारे आज भी हमारी सिस्टर है, हम तो आपको सिस्टर ही समझते हैं। मैंने बोला था चलो रोने का, मैंने कहा चलो कंटेंट तो मिल गया, रोने के लिए वजह तो मिली, और मैंने कहा कैसा रहा, व्यूज आ रहे हैं? अच्छा वही आपको बोल रही कि हम आज आपको आज भी सिस्टर समझते हैं। अच्छा बीबी तू तो बोलती नहीं, मुझे बोला नहीं नादिया, मुझे बोला आई लव यू नवीन सिस्टर, आप मुझे इतना गंदा क्यों बोल रही है। नहीं मैं पता नहीं वो दूसरी होगी, मैं उस दिन तो ये सुना कि मैं तो आज भी आपको सिस्टर ही बोलते हैं हम। शबनम कमेंट तो पीछे कर रहे यार, नजर ही नहीं आता कौन बैठा है कौन नहीं बैठा वहाँ। बहरहाल जो भी है ना, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये भटकती आत्मा नहीं नहीं सी योग एक बात का जवाब दे, इतनी अच्छी औरतें हैं, इतनी प्यारी औरतें, तो ऐसी ऐसी गंदी लाइवों में क्यों मुंह मारने जाती हैं? हाँ जाती है ना अपने लिए, तो वो जहाँ मर्जी जाए ना दिया, जिस मर्जी से बात करने तब तकलीफ नहीं है, कोई और चला जाएगा तो उनको सबसे ज्यादा मिर्ची लगेगी, आग लग जाती है, हाँ सही कहा, बिल्कुल सही कहा, चुन पड़ जाती है, अर्जेंट लाइव हो जाएगी, अर्जेंट अर्जेंट। हाँ जी आज अर्जेंट लाइव लगी, मैंने भी कहा क्या अर्जेंट हो गया, फिर मैंने भी कहा चीख रही है बेचारी, मैं कहा चल चीख ले, इतने तो इतना नहीं, तो मेरे नहीं, मैंने कसम से इग्नोर किया, मैंने बोला चीख रहे तो नमाज हमारा दर रोजे का टाइम था, कुरान शरीफ का टाइम था, करो पता है क्या सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान के ना जी में दम होना चाहिए बोलने का, वही नहीं है ना तो फिर बात ही खत्म कर दो, दफा कर दो, क्योंकि कोई कहीं पे जाता है ना ऑन करता है, हाँ भाई मैं गई थी, जब पता चल जाता है ना सामने वाले की फटके हाथ में। यार इतना धाम होना चाहिए कि बंदा जहाँ पे जा रहा है ना वहां पे जाके ये कहे कि हाँ मेरी रियल आईडी है, मैं ही असली हूँ, सबको पता है कि तू ही गई है, ठीक है तुझे यहाँ पे भटकने का शौक है, मैं तो इसके मैसेज के बाद मैंने मैसेज की है कि इसको बेचारी को ले लो, इसका एक दफा शौक पूरा हो जाए कि इसको कहीं इज्जत मिल जाए या कोई इससे इज्जत से बात कर ले, इसने वाईटी पे कोई बंदा ऐसा नहीं छोड़ा जो इसकी इज्जत अब करता हो, कोई भी नहीं करता जो इसके साथ चेली चमचियां आगे बैठती है ना, अब तो हमने सुनना भी छोड़ दिया यार, आज से लिख रहा अर्जेंट लाइव, मैं बोला भौंकती रहे, तूने भौंकना ही है, आके बकवास ही करनी है, हमारे दरोजे नमाज का टाइम है तो छोड़ दो भाई, मैं उसके बाद भी बाद में लिखा तो फातिमा की लाइव चल रही थी तो बस। नादिया देखो इन्होंने क्या की है, नादिया एक सेकंड मेरी सिस्टर मैं भूल जाऊंगी, सॉरी सॉरी मैं बस एक बात करूं फिर आप कीजिएगा, इन्होंने क्या किया आपको देखो, मैंने कितने दिन से मैं राजा फैमिली का ना ब्लॉग्स का जिक्र कर रही हूं, इन्होंने क्या हरकत की है, राजा फैमिली के नाम से नकली आईडी बना के केस बीबी के लाइव में भेजी है, या अल्लाह पैनल पे क्यों क्यों इतनी तकलीफ है लोगों को कि ये हमारे पे ब्लेम है, क्योंकि मैं जिक्र कर रही हूँ ना इतने दिन से राजा फैमिली का, मैं ये हरकतें नहीं करती बिल्कुल भी, खुदा की कसम मुझे मैं इतना गट है कि मैं आके फाड़ के रख दूं पैनल पे, लेकिन मैं ऐसी गंदी हरकतें बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे जितने लोग जानते हैं ना सब गवाह है इस चीज के। ये आत्मा को छोड़ो जाइए कुत्ते की गांड में, ये मैसेज पढ़ो। यार पढ़ मेरे पास ग्लासेस नहीं है शबनम, मुझे थोड़ा सा नजर आ रहा है। Hi Shabnam and everyone on the panel and everyone in the chat. I have just come here to inform you guys. I have lost my mother. Oh my God. Please pray. Oh, I'm so sorry, Roma, meri jaan. So sorry. Bahut dukh hua sunke. Allah Taala unko Jannatul Firdaus mein jagah ata farmaye. Aur Ramzan ke mahine mein ho gayi hain. Barkat mahina hai yaara. Mujhe nahi pata aap Muslim ho ya kya ho. लेकिन बहुत अच्छे महीने में वो गई हैं, और ये जो अशरा चल रहा है ना, मैं कहती हूँ इतना पाक इस टाइम पे वक्त होता है ना, अल्लाह ताला उनके सब
वो कहते हैं ना, गुनाहों को माफ करे और उनकी बिल्कुल प्रे फॉर हर सोल, वी विल इंशाल्लाह आपकी अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत दुख हुआ सुन के, अल्लाह ताला आपको सबर दे, आपकी फैमिली को सबर दे, ये बहुत बड़ा लॉस होता है, बिल्कुल लॉस, सॉरी लॉस नहीं, लॉस होता है, फिर लॉस पे मेरी इंग्लिश भी आ जाएंगी बदतमीजी, लॉस पे इतना, ये माँ बाप का दुख ऐसा दुख होता है कि बंदा भूल नहीं सकता। बस दुआ ही है आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत सबर दे। या नीचे सब जने आमीन जरूर लिखना। आमीन। देखो सेवक, जिस तरह हम शैतान को शैतानी बातें सुन के लाहौला वाला कुवता इल्ला बिल्ला पढ़ते हैं ना, इसी तरह ये जर्मन मॉम कहीं पे भी आ जाए, कोई तस्करा हो तो आप ये पढ़ा करें, ताकि हम लोगों को जब इस तरफ जाना नहीं है, ये टॉपिक नहीं करना है हमारा, जो टॉपिक है हमने उसी पे बात करनी है। फिर ऐसे ही देखें, वो जब मीटअप हुआ था इस्लामाबाद वाला, वो पूरी रात काली कर दी थी, सही है, लड़ाई झगड़ों में। अब ये देखें कल भी ये घूंचू वाला जो बच्चे वाला आया, बेबी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप देखें कल भी फिर से लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए थे। तो देखो चेंज कौन करना चाह रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। फिर दूसरों की लाइफ में ये लोग पंगे अड़ा रहे हैं, जिनकी पाक लाइफ होती है उसके अंदर जा जा के कमेंट करते हैं कि आत्मा, अरे भाई जो पाक है इस चीज से, इस लड़ाइयों से, वहां तो जाके ये गंद नहीं मचाओ तुम लोग, उनको तो साफ सुथरा रहने दो। इनको कहीं साफ बैठे बिठाए हुआ है, देखे हजरत अली की बात पे इन्होंने इतना मजाक उड़ाया, हालांकि वो जानबूझ के मैंने गलती नहीं की थी, मैंने उसी टाइम माफी मांगी थी। कल ये बैठ के जो अपना इस्लाम सिखा रही थी ना कि सुअर का बोलना और ये करना देखना भी गुनाह है, इनकी उसी पैनल पे कल जाके बेइज्जती हो गई इस्लाम के बारे में। इसीलिए कहते हैं कभी किसी का इन चीजों में मजाक मत उड़ाओ, अगर कोई गलत है उसकी गलती को जरूर सुधारो, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कल ही अल्लाह ताला ने इनको जलील कर दिया कि तुम लोग जो बैठ के बड़े मुसलमान पक्के बैठे हुए हो ना, अल्लाह से डरो, बस इतना कहूंगी। गलती इंसानों से ही होती है और मैं भी इंसान हूं, मेरे मुंह से निकल गया, मुझे पता है कि क्या कहना क्या नहीं कहना। रूमा सिस्टर, आपकी मम्मा के लिए बहुत सारी दुआएं है यार, अल्लाह उनको शांति दे उनकी। बस एक काम करो ना, देखो ना जब सुनेंगी नहीं तो कुछ भी नहीं रिप्लाई करेंगे, तो सुनो नहीं बस। हाँ, इसको ये भौंकने के लिए आई हुई, मुझे पता था कि आप भौंकने आई, तो नहीं सुनना, नहीं सुनना, इसलिए कोई रिएक्शन ही नहीं है हमारा, कोई सुना ही नहीं है। जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हम रिप्लाई कहाँ हाँ। से करेंगे, और फिर मैंने नादिया, मैंने थोड़ा सा आपके लिए सुना है, इन्होंने बकवास जो की है कि नादिया के कंप्लेन करो, वो सऊदीया बैठी हुई है कि दुबई बैठी हुई है, वहाँ के बड़े स्ट्रिक्ट रूल है, वो बुली कर रही है, तो नादिया की कंप्लेन अगर हो सकती है ना तो बीबी एक बात कान खोल के सुन लो, तुम लोग की जर्मन माँ बैठी हुई है ना, उसकी बहुत सी कंप्लेने हो सकती है, उसकी अगर कंप्लेन बच्चों पे होने आई ना तो बड़ा पछताएगी। नहीं नहीं, मैंने किसको बुली किया, मैंने किसको बुली किया, मेरे बच्चों के मेरे मुंह में दिए गए, मैंने बुली किया। चलो यार छोड़ो, मैंने बुली किया, नहीं नहीं मैंने बुली किया, तो क्या करो, जिसको जो करना है वो करो, जो भौंकना है तू भौंक, तेरे पैनल पर कोई भी गाली देगा मुझे, मैं तुझे दूंगी, तेरे बच्चियों को दूंगी, बस मैं उनको नहीं दूंगी। रिक्वेस्ट है यार, नाजिया आती है ना तो उसके सामने इसका जिक्र मत किया करो, वो अपना टॉपिक लेके आती है, जिक्र किया तो, नहीं नहीं सुनो, सियोक से किसने जिक्र किया, मुझे पता नहीं चला कि कल क्या हुआ, नाजिया देखो कल नाजिया को किसने कहा कि आप हमारे लिए वहां नहीं बोलती, जी नहीं, हमने करो ये टॉपिक अभी बंद करो, ये टॉपिक मैं क्या बोल रही हूँ, बंद करो, जिसकी मर्जी जो जहां जाए, हमने कभी जिक्र भी नहीं किया नाजिया के सामने इसका। हाँ बिल्कुल, नहीं 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 नाजिया को ना मैं बस इतना ही, मैं इतना ही कहूंगी कि जब वो अपना टॉपिक लेके आती है ना तो मतलब किसी इधर उधर का टॉपिक ना बोलो, ताकि वो आके कंफर्टेबल होके बात कर सके, दैट्स इट, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नाजिया भी हमारी प्यारी बहन है, तो मेरी बात सुनो, इसको फसाद कराना होता है, बकवास करनी होती है, झूठ बोलती है औरत, 90% ये झूठ बोलती है सिस्टर,
अपने अल्फाज बोल के ये मुकरती है औरत, छोड़ दो इसको, ये बहुत झूठ। बस नादिया छोड़ दो अब इस टॉपिक को, क्योंकि नाजिया को सब पता है कि क्या बात है। अब वो बोलती कुछ नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ नहीं मालूम, बस छोड़ दो, काम नहीं है। हम अपना पॉइंट पे आते हैं, हम बात करते हैं, खत्म, हमारा किसी से कुछ नहीं है। कल बस झाड़ू मत बनो ना, अर्जेंट लाइव लगाने की यार। अरे यार छोड़ो नादिया, इसकी लाइन बोलो, सीओ सुनो, नहीं बोलो एक मिनट, पीछे का कमेंट मत पढ़ो, मैं आपको ना करूंगी कॉल ना, फिर हम बात करेंगे। और इसको ना अभी कितने 6 रोजे रह गए ना, एकदम इग्नोर मोड पे रखो इसको, खुद ही इसको सब कुछ इसको भी समझ आ जाएगा, और जो लोग इसको सही समझ रहे ना उनको भी समझ आ जाएगा। बस ये रमजान देखो, आप सफाइयां नहीं पेश करो कोई भी, हम कोई झाड़ू नहीं है कि हम मिनट मिनट पे सफाइयां देते रहें, और सब अक्लमंद हैं, सब माशाल्लाह शऊर रखते हैं, खुद समझ जाएंगे जिसका दिल करे। देखो हम बहने हैं आपस में, हम क्यों आपस में दिल खराब करें एक दूसरे से। वही हमारे नाजी आ जाती है, हम उससे बात करते हैं, नूरी सिस्टर आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारे लिए सब, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जाता है, क्या बात करता है, हमें अपनी जात से है। बाकी हम पर ये बात करेगी तो करती रहे, भौंकती रहे, ना सुनेंगे ना जवाब देंगे, बस योग सिस्टर यही काम करो, कुछ दिन इसको ना डालो, इसके पास कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ये ऐसे तमाशे करके व्यूज ले रही है, कुछ भी नहीं है इसके पास। यार मैंने आप सबसे एक बात पूछनी है कि पाकिस्तान रोजा किस टाइम खोलता है, क्योंकि कल ना मेरे बच्चे बॉलिंग पे जा रहे हैं अपने डैड के साथ, तो मैं अकेली होंगी, तो मुझे ये बताओ कि मैं कल 3 बजे लाइव कर लूं उस टाइम पाकिस्तान में। आपके 3 क्या हमारे 3 होंगे और पाकिस्तान 5 घंटे का फर्क है। अभी क्या टाइम हुआ है नूरी सिस्टर वहां पे? अभी 1:13 हो रहे हैं। अच्छा 1:13 मतलब 10, 11, 12, 1 4 घंटे का फर्क है, ठीक है, तो इसका मतलब है 7:15 होंगे उस टाइम, मतलब 3 बजे 7:15 होंगे या 7 होंगे। रोजे का फौरन बाद होगा यहाँ पे। चले मैं आधा घंटा लेट कर लूंगी, मैं 3:30 कर लूंगी, चलेगा? नहीं, 3:30 बजे करो ताकि रोजे खुल जाए ना। जब फातिमा की भी तो होती है यहाँ पे, 7 बजे के बाद ही होती है फातिमा की, 7:30 बजे होती है। अगर फातिमा की होगी तो फिर मैं नहीं करूंगी, फातिमा अगर कर रही होगी तो मैं नहीं करूंगी। फातिमा की 7:30 बजे 8 बजे शुरू हो जाती है। हाँ अगर फातिमा करेंगी तो फिर मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी लाइव के बाद ही फिर मैं लाइव करूंगी। मैं तो फिर आप है ना 9 बजे लगा लेना इंडिया के, इंडिया अगर वो करेंगी ना तो इंडिया के परफेक्ट 9 बजे आप लाइव चालू कर देना। हाँ क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ ना, तो मैंने कहा मैं कर लूंगी मैं अपनी इन लाइव। अरे तो एक दिन से क्या होता है, आप कर लो ना। फातिमा को देखूंगी, अगर फातिमा का टाइम हुआ तो मैं उसको कहूंगी, वो मेरे टाइम पे कर ले अगर कर सकती है, अगर नहीं कर सकती तो फिर मैं तो 1-1.5 घंटे की ही करती है। हाँ, वो अगर साढ़े वो ज्यादा देर की नहीं करती है बिल्कुल, तो पाकिस्तानी 9, 9:30 और जिस दिन आपकी होती है तो वो सबको कहती है कि नहीं यार मैंने बंद करनी है। मुझे पता है मेरी जान, वो मुझे बल्कि कल भी कह रही थी आज भी कह रही थी कि मेरा इंतजार ना करो और लाइव स्टार्ट करो, मैं बंद कर दिया करूंगी। मुझे उनका पता है बहुत अच्छे तरीके से, सारे कोऑपरेट करके चलते हैं नूरी सिस्टर, सबको टाइमिंग का हिसाब बहुत अच्छा है। आप ये हाँ जी, 9:15 बजे लगा लीजिएगा ना अपनी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कर लूंगी मैं, इंशाल्लाह कल करूंगी। हाँ क्योंकि कल मैं फारिग हूँ, बिल्कुल फारिग हूँ, कल बेटे की सालगिरह है ना, चलते है ना वो ही कामयाब होते हैं। नादिया जब तक एहसास और दुख दर्द नहीं लेंगे ना हम कभी कामयाब नहीं होंगे, तो हमें तो एक दूसरे का साथ लेकर चलना है, ना कि लड़ना है एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पे। और क्या बचकानी हरकतें। क्या हो गया भाई? यार मैं तो चुप कर गई थी, वो मेरे हस्बैंड अंदर आए तो लिफाफों की आवाज हो रही थी। सब अपनी बहनों को बोलूंगी, ये अपने पैनल पर कुछ भी मेरे लिए बोले, मेरे बच्चों के लिए बोले, ना क्लिप लगाओ ना मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अब इसको सुनना नहीं है। मैंने अहद किया हुआ है इसको कल से इसको सुनना नहीं है, इस मकार औरत को। और दूसरा क्या होता है ना, मैं कल परसों भी मैंने शबनम के वो क्लिप देखे तो मुझे मालूम पड़ा था इसने कितना जगह वहां बकवास। मैंने भी क्लिप ही देखे थे नादिया ये। अच्छा शबनम ने अब दूसरे चैनल पे भी लगाए हैं ना क्लिप, तो वो मैं इंस्टा पे तो ज्यादा देखती हूँ क्लिप ना, तो मैंने भी वहीं से देखे हैं इसके क्लिप ना ज्यादा।
ऐसे जहन्नुम में जाएं ऐसे लोग मेरे लिए, दफाओ, जो करना है करती रहे, भौंकना है भौंकती रहे, आई डोंट केयर। पहले अपने लिए तो कोई लोग इंसाफ मांगे फिर हमारी कंप्लेने करें, पहले अपने तो कंप्लेने कर ले, अपनी बच्चों हाँ सही बात है रूपाली सिस्टर, किसका बर्थडे है भाई? अच्छा रमजान में बर्थडे बड़े डिस्टर्ब होते हैं। रमजान में जब बर्थडे आ जाता है ना। सियोक सिस्टर कहाँ चली गई है, किसका बर्थडे है? सियोक सिस्टर के अच्छा बेटे का बर्थडे है। अच्छा हैप्पी बर्थडे। अगर 10 तारीख को ईद हो गई ना तो मेरे बेटे का बर्थडे है 10 को, और अगर चांद रात रही तो चांद रात को बर्थडे। 9-10 का यहाँ पर आ रहा है महल में, वहां पर फिर यहाँ पर 9 होगी ना तो वहां पर महल में चांद रात होगी 10 की, या 10 को यहाँ ईद होगी तो आपकी चांद रात होगी, ऐसा ही है ना शबनम? यू ही होगा फिर तो। हाँ क्योंकि आप लोगों का आज कितना बार रोजा था? हमारा 24 था, तुम लोग का 23 था ना, एक दिन का फर्क चल रहा। 24 था हमारा। लो भाई रूपाली सिस्टर जाएंगी उसके बर्थडे मीटअप पे उसके बेबी को मिलने। ओए आ रहे तो आ जाओ ऊपर। हेलो इंडिया वेलकम हो गया मेरी जान, कैसी हो? अच्छा अच्छा हैप्पी बर्थडे बोलना हमारी तरफ से सियोक सिस्टर, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। अभी ना जान बूझ के ना इतने सी सेक्शन का बोली है ताकि ये ना 4-5 दिन तक के ना उसके ऊपर कंटेंट बनाती रहे, और ये इतने घर ले ली, इसकी माँ को लेके आई, सब कुछ कर ली है ना, लेकिन ये लेके इसको अपने ही घर पे जाएंगी ताकि ना कंटेंट बनता रहे। हाँ, नहीं नहीं ये बोलेगी ना कि ना वो तो ना गांव की है ना, तो इसका सी सेक्शन हुआ है, ये बच्चे को संभाल नहीं सकती, तो मैं बच्चे को संभालूंगी, उसको दूध पिला रही होगी, उसको ये कर रही होगी, उसको कपड़े पहना रही होगी, देखना ये सब नाटक चलेंगे। हाँ ड्रामे कर करके दिखाएंगी, खुद के बच्चे कहाँ बड़े हुए इसको अता पता नहीं। अभी तो नादिया थोड़ा सा बच्चे का रूम सजाएगी, अभी तो 2 दिन इसमें लगाएगी, आप देखिएगा। हाँ इसको तो कंटेंट बनाना है ना किसी चीज पे। अरे सेहतमंद बैठी थी बुढ़ी, अच्छा वो बाबा अपना मुंह छुपा रही थी, ये बाबा वीडियो डाल रही थी ना, वो अपना बाबा मुंह छुपा रही थी। यार मुझे तो ये मुझे तो ना रेंट पे लग रही है इसकी, रियल तो नहीं लग रही। अल्लाह नूरी सिस्टर पता है 2 साल पहले जब इसका बच्चा हुआ था ना तभी इसने इसकी माँ को दिखाई थी यार, एकदम दुबली पतली सी कम हाइट वाली औरत थी, अब ये कैसे मतलब हेल्दी औरत आ गई, कहाँ तो बोलते हैं कि कौशल का बाबा तो बहुत जाली में। कुर्सी पर ना कि माशाल्लाह कोई बहुत बुढ़ी कोई ज़ईफ़ औरत नहीं थी, कोई पागल टाइप अच्छी खासी तगड़ी जो मुंह छुपा रही थी बार बार। हाँ वही तो बोल रही हूँ। चलो आ रहे तो आ गई है ना, गुलाब जामुन लेके सब जने खा लो भाई बच्चा होने की खुशी में। बात सुनो मेरे गुलाब जामुन मीठा कर ले सब के लिए नहीं है, ये गुलाब जामुन किसी और चीज के लिए सेव क्यों है? दो बांटे अपने खुद की मिठाई, मेरा क्या लेना देना। जब उड़ेंगे तब, जब वाईटी से उड़ेंगे उस वक्त की मिठाई है ये, मैं रमजान के बाद बांटूंगी। अच्छा अच्छा रमजान के बाद, तू भी आगे रमजान के बाद वाली। अच्छा नादिया मैंने भी बिल्कुल बंद कर दिया शबनम, मैंने कल प्रॉमिस किया था ना अब मैं नहीं देखूंगी, मैंने भी नहीं देखा। हाँ अच्छा किया बिल्कुल मत देखो ये रमजानी को, उंगलियां ना चले मेरी। हाँ करती रहे भौंकते रहे जो करना जाओ करो, दुआ करो मैं भी इस 5 दिन में कसम खा लूं कि अब मैं इसको नहीं देखूंगी, क्योंकि इसका पूरा खानदान अब मैं नहीं देखती ना, तो सिवाय इसके और भूचू के कभी कभार देख लेती हूँ।
नहीं नहीं बस अच्छा बस छोड़ दो आरएस मत दो, तुम भी भाव तुम भी बड़ा भाव देती हो, सकून नहीं है तेरे को भी आरएस। बात सुनो मैंने बंद नहीं डरता देखो आरएस डरता कोई नहीं है, देखो डरते तो बात ना करते यहाँ आते ना, बात हो गई मैंने कुछ गलत बोल दिया। नहीं 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 बिल्कुल नूरी सिस्टर ने अच्छा किया, मुझे बोल रही है नूरी जी मुझे बोल रही मैं आपको नहीं बोल रही नूरी सिस्टर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोशिश करो वाकई भी। हाँ हाँ वाकई मैं भी वाकई वैसे आज ना सुनो ना आज प्रियंका जी को आना चाहिए, वो गायनेकोलॉजिस्ट है ना बताएंगे इसकी डिलीवरी का सच। वो तो वापस आई नहीं जब से इसका प्रेशर शुरू हुआ, वही तो नहीं है उसकी गायनेक कहीं वही कर रही हो जाके पता नहीं, प्रियंका को पता है काफी बिजी चल रही है, रमजान में काफी बच्चे हो रहे हैं। यार नादिया मैंने पहली दफा अपनी जिंदगी में ना ऐसे हंसते हंसते बच्चा पैदा होते देखा है। कितना डर होता है दूरी सिस्टर है ना, तो यार हवाइयां उड़ी हुई होती हैं चाहे नॉर्मल हो या ऑपरेशन से हो, एक डर होता है पता है, चाहे वो आठवां नवां बच्चा क्यों ना पैदा करने जा रही हो। नूरी सिस्टर मेरे साथ क्या हुआ था, जो मेरा बेटा था ना आखिरी से आखिरी तो डेथ हो गई थी जो इससे पहले जो छोटे वाला है ना, मेरे में क्या हुआ था ना वो मुझे शुगर बहुत ज्यादा थी और मैं 15 दिन से एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मेरी अभी डिलीवरी तो उन्होंने की मेडिसिन से, मेडिसिन रख के ना तो हल्की हल्की पेन स्टार्ट करवाई, तो मेरा रात से 3 बजे स्टार्ट हुआ, सुबह 6 बजे मैं लेबर रूम में गई, उसके बाद मेरा 2 बजे बेटा पैदा हुआ। मगर उसके दौरान क्या हुआ, जैसे शिफ्ट चेंज होती है ना, अब ये नर्सें जाएंगी तो दूसरी शिफ्ट आएगी, जो नर्सें थी जो डिलीवरी वक्त थी उन्होंने बोला कि जो ये आ रही हैं ये सफाई करेंगी, जो आई उन्होंने कहा वो करके गई है, किसी ने नहीं साफ किया मेरा पेट, दबाया जैसे पेट दबाते हैं, वो कचरा अंदर का कुछ अंदर रह गया। हो जाता है ऐसा कभी। हाँ एक हफ्ते के बाद जब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे पेट के अंदर तो पूरा कचरा ही कचरा है, उसके बाद वापस से वो जो सूरत हाल होती है ना ऑपरेशन की, वो सब कुछ झेलना पड़ता है, वो सब नॉर्मल हो नादिया नॉर्मल हो या ऑपरेशन है वो तो बहुत डेंजरस। अरे ऐसा तो हुआ था तो हॉस्पिटल मैं जब टॉयलेट के अंदर गई ना तो अपनी सास को बोलती कुछ है, वो बोलती क्या है, मैं बोलती कुछ है, वो बोली क्या है कुछ खींचो, मैं बोल कैसे खींचू, वो ना आ रहा है ना जा रहा है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आएगी तो इसको हम फॉरन एडमिट कर लेते हैं, और उन्होंने मुझे फिर ऐसे इमरजेंसी रूम में एडमिट किया था जहाँ पर सब मशीनें वगैरह थी, जरा खासा कुछ हो भी जाए ब्लीडिंग हाई ब्लीडिंग शुरू हो सकती है ना आपको उसमें, तो फिर बस फिर जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला अंदर पूरा कचरा है, तो हमें उस टाइम पता था कि हॉस्पिटल पर भी केस हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है जो उन्होंने किया है हमारे साथ, तो कुछ भी कुछ भी बोल लो, मैंने तो पहली बार ये हंसते हंसते बच्चे जनते देखे हैं, मैंने तो 10 जने यकीन कर लो 10 की 10 दफा एक खौफ होता था, एक टेंशन में होता है पूरा 40 दिन तक टेंशन में रहता है। आज मैं सोचती हूँ ना तो मैं कब कब आ जाती हूँ कि मैं 10 दफा लेबर रूम में होकर आई हूँ, आप यकीन करो एक झिरझिरी सी आ जाती है, तो ये हंसते हंसते बच्चे कैसे पैदा होकर आ गए। मैंने अपनी सिस्टर मुझे नहीं मालूम, मैंने ऑपरेशन नहीं देखा, बट यार मुझे वो नॉर्मल डिलीवरी लगी, मुझे ऑपरेशन नहीं लगा वो, आप लोगों को लगा ऐसा? पता नहीं हमारी तो नॉर्मल होती है माशाल्लाह, 10 के 10 नॉर्मल हुए हैं, हम कभी दस थे तो 3 माशाल्लाह अल्लाह जिंदगी करे हैं और 7 अच्छा। बेटे अल्लाह को प्यारे हो गए मेरे तो इस वजह से ना हमारे तो नॉर्मल नाजिया हमारे तो देखो हम रात को 4 बजे लेबर रूम में हाँ जाते हॉस्पिटल 1 दिन पहले थे और लेबर रूम में हम जाते थे ना वार्ड में से
तो यकीन करो 4 बजे गए ना, 4:10 पे माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग फारिग हो जाते थे। इतना अल्लाह का हमारे ऊपर करम था। और मुझे तो आज दिन तक दर्द का पता ही नहीं चला ना, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना इतना होता था तो पता ही नहीं चलता था। मगर एक उस वक्त की जो डॉक्टर जो ट्रे लेकर आती थी ना, उसकी शिद्दत जो होती थी ना खौफ की, वो जो ना एक कप की तारी हो जाती थी हम लोगों पे। तो ये मैं वही सोचती हूँ, ये हंसते हंसते बच्चा कैसे बाहर, मेरे को तो खैर समझ में नहीं आई ये इनकी लॉजिक। बिल्कुल, मुझे नहीं लगा था कि उसकी कोई ऑपरेशन वगैरह, मुझे तो जैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी उसकी, तो जिसको ये ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, क्योंकि अगर हाँ देखो, जैसे ही बच्चा हो जाता है तो मिठाई का डब्बा बाहर पहले से आ जाता है, सही है, जैसे जैसे ऑपरेशन होता है वैसे वैसे मिठाई का डब्बा, बच्चों के जूस आ जाते हैं अगर बच्चे बाहर हैं, या बड़े हों उनका कुछ खाने पीने का आ जाता है। यहाँ तो सब फाके से बैठे हुए थे यार, कभी हॉस्पिटल में ऐसा होता है? सिस्टर हमें तो नहीं देखा, बस वही ना इनका सब कुछ अजीब सा कुछ होता है ना, कुछ समझ नहीं आता कि इंसान बोले तो बोले क्या। अच्छा देखो, पाकिस्तान में इतनी बहनों के भी माशाल्लाह बच्चे हुए होंगे, इतने बड़े हॉस्पिटलों में यहाँ की औरतें कोई नहीं जाती, सही है, और अगर जाती भी है ना, हमारे यहाँ बड़ा आगा खान है जो सबसे बड़ा है, ठीक है, वहां पर भी आप रश देखें कि इतना रश होता है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, पता लग रहा है कि हॉस्पिटल है। ये इसने कहाँ पे ले जाकर शूट किया है सब कुछ, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई फिल्म का स्टेज बना लिया था हॉस्पिटल को, क्या किया था इसने, कि ना बंदा है ना बंदे की जात है, पता नहीं। कोई इससे विधाई भी लेने नहीं आया नादिया, कोई विधाई भी लेने नहीं आया कि भाई मुबारक हो बच्चा हुआ है, लाओ पैसे दो हमें, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लाइन लग जाती है, चाहे आया हो नर्स को तो खैर खुद देते हैं। ये मुसलसल व्लॉगिंग कर रहे थे तो हमें तो वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। अच्छा पिछली बार जो बच्चा हुआ था वो हॉस्पिटल भी इसने एक बंदा एक नर्स एक गाड़ी कुछ भी नहीं नजर आया था, और ये बार भी वही हुआ है, कोई भी नहीं नजर आया, पूरा हॉस्पिटल सन्नाटा पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे शूटिंग का सेट लगाया हुआ है। वही तो, जैसे हर एक को खरीद लेती है ना, ये भी सभी मेरे ख्याल में बिके बिकाओ इसको मिल गए। पता नहीं नूरी सिस्टर, अजीब सा कोई मामला लगता है, वही ना, और डॉक्टर वगैरह कोई भी नहीं दिखे, ये क्या ड्रामा था यार, वही ना, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ। और देखो ना आप शबना में इन लोग क्या बोल रहे थे, सिस्टर गोचू तो सलमा की डिलीवरी हुई थी तो लोग बोल रहे थे सलमा ने चीखी क्यों नहीं, सलमा रोई नहीं, सलमा को पेन नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, हालांकि उसने शर्म के मारे उसने वो सब सूट करी ही नहीं थी, और उसकी नॉर्मल थी तो वो उठ के भी बैठ गई थी। तो इन लोगों ने बोले कि देखो सलमा ने डॉक्टर दिखाया, पूरा बाहर का दिखाया, चहल पहल दिखाई, सब कुछ दिखाया था सलमा ने, इसने तो कुछ भी नहीं, ऐसे लग रहा था आत्माओं का हॉस्पिटल। कोई था वहां पे? और देखो पाकिस्तान में तो प्राइवेट इदारे ऐसे होते हैं जहां पर सब कुछ पैसा वैसा चलता है, यहाँ गैर मुल्कों में तो नहीं चलता ऐसा कुछ भी, यहाँ पर सब कुछ लीगल होता है। इतना सब दिखाने के बाद भी नूरी सिस्टर उसको बोल रहे थे कि उसका ना सिलिकॉन का बेबी है, सिलिकॉन है, बेबी हुआ ही नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसको बोलो पेट दिखाए, इसको बोलो कि ये दिखाए वो दिखाए, तो अब कौथर को भी चाहिए ना कि पेट दिखाए अपना। पिटारा ने तो पिटारा ने ये किया हुआ था, जैसे गब्बर आ जाएगा तो सब अपने अपने घरों में भाग जाते हैं ना, ऐसे ही बच्चा आ जाएगा, सब अपने अपने रूमों में जाके बिचारी माए सो गई थी जिनकी सुबह डिलीवरी हुई थी ना। अरे भाई,
किधर चली गई थी, कहाँ गई थी? मेरी शायद आवाज नहीं आ रही थी और ना मेरा वो मुझे बीच में कॉल आ गई थी तो अच्छा इस करके अच्छा, फिर अच्छा, मैं ना आउट थी अभी, बस मैं अभी जस्ट घर आई हूँ। कैसी हो खैर? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाएं कैसा चल रहा है? ठीक हो गई? कहाँ गायब थी इतने अरसे? हाँ आ रही है, रमजान की तैयारी और रमजान के अंदर मैंने बताया ना मेरे तो इतना मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं हर वीक में दो अफ्तारियां करवा रही हूँ, तो अब देख लो कि अब मैं एक से निकलती हूँ और दूसरे में पड़ जाती हूँ। और मैं पूछ रही हूँ, आर एस एस से पूछ रही हूँ शायद गाड़ी का, तो यार मेरी जो गाड़ी है ना उसका भी इंश्योरेंस में जो है वो मुझे देनी पड़ेगी उधर ना, अच्छा, दो तीन दिन के लिए, तो फिर वो सेट करेंगे। और जैसे अभी रमज़ान का टाइम चल रहा था और जॉब और बच्चों के स्कूल के साथ ना नहीं हो पा रहा था कि मैं गाड़ी उधर छुड़वा दूँ थोड़े दिनों के लिए भी, तो अब ईद वेकेशन के ऊपर जो है ना अब होगा। और बाकी नुकसान जो था ना वो हमारा ज़्यादा हुआ था, वो उनका तो इतना कुछ खास हुआ नहीं था, खैर उन्होंने तो इस बात को सीरियसली नहीं लिया बिल्कुल ना। चलो अच्छी बात है, अच्छे नेबर्स हैं। हाँ ये फर्स्ट टाइम ही ऐसा इंटरेक्शन हुआ है और इतना गंदा इंटरेक्शन। चलो as long as covered है, insurance से fully covered है तो ठीक हो जाएगी, कोई problem नहीं होगी। हाँ उन्होंने तो माशाल्लाह उनके पास तो उन्होंने तो कोई तीसरी गाड़ी भी ले ली है, आई थिंक उन्होंने निसान पेट्रोल लिए थर्ड कार ना, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गाड़ी का बम्पर पीछे से हमारा था ना उसका तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था। तुमने कितनी स्पीड में मारी है मुझे देखो यार, सब मुझसे यही पूछते हैं, ओ बाजी मैं तो पहली बार निकाल रही हूँ रिवर्स में, किस्मत जब आपके साथ ऐसा कोई चांद चढ़ाने लगे ना फिर ऐसे चढ़ा जाते हैं। वो क्या डायलॉग है नूरी दिश्तर, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। यही हुआ इसके साथ, बस मेरे साथ नहीं हुआ यार। नहीं मैं नहीं, खैर तुम्हें पड़ोसी बहुत अच्छे मिले हैं और ये एक नेमत है अच्छे पड़ोसी मिलना, पता है आपको? हाँ नहीं तो लोग कितना लूट लेते हैं पता है, जरा सी स्क्रैच भी लग जाए तो। हाँ वैसे यहाँ का ये है ना कि आप जैसे मेरी इंश्योरेंस उनको सही करवा देगी तो, और मुझे अपना खुद से करवाना पड़ेगा, तो हम तो हमारा यही था कि हम उनको बता दें इन्फॉर्म कर दें कि अगर उन्होंने कुछ सही वगैरह करवाना है तो फिर हम जो है ना रजिस्टर करवा दें अपने इंश्योरेंस के थ्रू तो वो उनको ठीक करवा देंगे। उन्होंने कहा हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी मिसेस ठीक है, आपका जो है ना आप अपना नुकसान भरें बस, दैट्स इट। चलो अच्छा आपको अच्छे पड़ोसी मिल गए, अल्लाह का शुक्र है यार। यार मैंने अभी ये देखा, ये जो बच्चे वाला सीन अभी जो बातें हो रही थी, मैंने शायद ये 2 मिनट का क्लिप देखा है, ये खुद ही अपने मुंह से कह रही है कि आज ना खाली है और जितनी भी लेडीज आई थी ना अल्लाह की तरफ से उन सबकी डिलीवरी सुबह सुबह में ही हो गई। अरे वो सब लेडीज उसको देख के छुप गई, छुप गई। और ना वहाँ कोई नर्स, ना बंदा, ना बंदे की जात, मैं बताती हूँ मेरा सी सेक्शन हुआ था, हर 2 घंटे के बाद नर्स मेरे कमरे में आती थी, हर 2 आवर्स के बाद, और नर्स बाहर बैठी हुई थी और मेरे ना पास एक ना जैसे बेल टाइप नहीं होती वो पड़ी हुई थी कि अगर मुझे तकलीफ हो रही थी ना बहुत ज्यादा, खैर मुझे तो बहुत ज्यादा ही तकलीफ हुई थी, शायद मैं मेरी सास कहती है तुम तो ना इंतहा की नाजुक हो, मुझे मैं जब एनेस्थेसिया से उठी ना पूरी रात मेरे जिस्म के अंदर तकलीफ थी, तो मैं बार बार बेल दबा रही थी और उसको बोल रही थी कि इसके अंदर ना वो डालो यार वो क्या देती हैं आपको पेन किलर के लिए ना, लेकिन वो दवाई नहीं देते, वो आपको ड्रिप में देते हैं पेन किलर। इतनी ज्यादा मुझे तकलीफ थी और वो वैसे भी हर 2 घंटे बाद, और बच्चा भी बार बार आता है, वो लेके आती हैं आपको दिखाने के लिए, इत्मीनान दिलाने के लिए। वैसे तो जस्ट ब्रेस्ट फीड के लिए एक बार आई थी वो, पर उसके बाद उसने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने उसको बॉटल दी थी, लेकिन फिर भी और आपके तलब के ऊपर भी बच्चे को नीचे लेके आते हैं कि अगर आपने देखना है ना हर 3-4-5 घंटे बाद बच्चा भी नीचे आ रहा था देखने के लिए कि बच्चा ठीक है और इत्मीनान के लिए। तो ये कैसे कोई नर्स का डिपार्टमेंट नज़र नहीं आया, कोई उसके ऊपर 2-3 घंटे बाद माँ के ऊपर चेकअप करने वाला कोई नज़र नहीं आया, यार मुझे ना मामला बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। खैर मेरी बात सुनो, पाकिस्तान में ना आजकल बच्चों को ना बाप की पहुँच से दूर रख रहे हैं, आपको पता है? क्यों मैन ऐसा क्या हो गया? तो आप देखे ना इसने दिखाया है बच्चे को, तो उन्होंने बाप के हाथ में भी नहीं दिया।
अरे तो खैर वो मुंह बोला बाप है ना, मुंह बोला हाँ यार, बाप। अजीब है, अजीब ना। इसने दिखाया कि जो हॉस्पिटल बैग बना के ले गई थी उसमें से उसने बच्चे के लिए कपड़े निकाल के दिए। डॉक्टर और नर्सेस आपसे जाते ही पहले कपड़े ले लेती हैं। इतना कंटेंट था शो करने के लिए और शूट करने के लिए कि बस, कि वो जी नर्स आपसे कपड़े ले रही है, फिर वो आपसे बॉटल लेती है, फिर वो और वो हॉस्पिटल वाले भी आपको एज ए गिफ्ट कुछ देते हैं ना। मुझे तो आए थे उसमें वो पैम्पर्स बहन दिखे वो कल यही और दिखाने लग जाएगी, वो कल से जो अच्छा उसको हो रही है ना वो इसी पर एक वीडियो बना नहीं नहीं मुझे आया था, मुझे आया देगी। था, मुझे आया था। एक गिफ्ट था उसके अंदर, एक मसाज क्रीम थी, ब्रेस्ट मसाज क्रीम थी, जो जो माँ ने बच्चों को वो करवाना होता है ना ब्रेस्ट फीडिंग, उसके आसानी के लिए वो थी। इसके अलावा एक मिल्क पाउडर का डब्बा था पूरा, और कुछ पैम्पर्स थे, कुछ ऐसी चीजें थी बच्चों के लिए ना, नहीं हॉस्पिटल सुनो, वाले भी खैर आपको मेरा एक देते हैं। सवाल है, मेरा एक सवाल है, जब तुम्हारा सी सेक्शन भी हुआ था क्या किसी को तुमने फीडर लेके रखा था? फीडर लेके रखा था? जब मेरा सी फीडर किस में, हॉस्पिटल बैग में? हाँ, हाँ, मेरे पास दुनिया जहान के फीडर थे, मैंने यानी कि एक फीडर तो अपना कौन माँ, निकाला जब जब डिलीवरी होनी है आपके पास दूध नहीं है जो आप फीडर लेके जाओगे? सोचने की बात है ना। नहीं, एक छोटा फीडर तो वो हॉस्पिटल वाले मंगवाते हैं ना, वो तो लाजमी होता है। मेरे पास जो बैग नहीं में था खैर छोटा सा फीडर, क्यों मंगवाएंगे, नहीं नहीं होता। अच्छा पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पाकिस्तान में नहीं बना हुआ था? नादिया, हाँ नादिया नहीं सुनो, नहीं जो हॉस्पिटल से लिस्ट भी मिलती है ना तो उसमें भी चीजों की, लिखा जो जो होता है, डायपर बैग है उसमें फीडर लिखा होता है, क्योंकि जस्ट इन लिखा केस होता है माँ को प्रॉब्लम हो ना यार। और मिल्क लेकिन वो में तो छोटा वो फीडर होता सुनो है, बिल्कुल सुनो छुटका सा फीडर होता है, छोटा सुनो, सा। यहाँ पर हाँ ऐसा वो कुछ छोटा भी सा नहीं यार, फीडर जिस है। मैं हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी होती है ना वहां पर ऐसा कुछ ही, बकायदा मुझे लास्ट में एक गिफ्ट दिया जाता है जिसमें बच्चों की पूरा बेबी गिफ्ट होता है पूरा, जिसमें डायपर का एक पैकेट होता है, जिसमें शैम्पू होता है, लोशन होता है, बेबी हाँ सब ऑयल लेके गई होता थी, है, सब 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 कुछ होता है उसमें कहीं पर मैंने भी। बताया। और दूसरी बात है, कभी भी फीडर का इधर तो नाम भी नहीं लेते जब तक आप कुछ भी हो जाए। और मैंने मुझे मशीन लेके दी गई थी, मशीन लगाओ और निकालो और बच्चे को मुंह में अच्छा ऐसे हाँ, डालो ना वो ब्रेस्ट फीड को कि इनकरेज करते हैं ना, ये भी होता है हाँ। उनका, उनकी एक वो लेडी होती है, मगर उसका पता कभी नहीं भी क्या कोई नाम भी, है। और सी सेक्शन में भी मेरे साथ और जो लेडीज साथ थी ना वो सी सेक्शन में थी हाँ बेचारी, हाँ ब्रेस्ट तो फीड का दो होता है, दिन अलग से अलग वो जगहों पेन। का अलग अलग होता हो, पर हाँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो का भी अलग लिस्ट में अलग होता होता है है। फीडर। मगर कभी भी कोई सोच के पहले फीडर लेके नहीं जाएगा यार। मैं भी, मेरा नहीं ये उससे सवाल है कि पहले ऐसा नहीं, कौन। वो तब होता है, हाँ मतलब वो रखते हैं इमरजेंसी में, अगर माँ को कुछ प्रॉब्लम है, सपोज माँ होश में ही नहीं आई सी सेक्शन के ऐसे बाद थोड़ी देर, और बच्चे को फीड करना है हम ही लोग को। हुआ हाँ था, वही ऐसे ही हुआ वही था वही सवाल है, यार। जैसे जैसे खैर फीडर बोल रही ना उसका सी सेक्शन हुआ है तो खैर के तुम्हारा पहले तो पता नहीं होगा ना तुमको कि मैंने फीडर लेना या तुमने ले लिया था। हाँ नहीं, मेरी सास ने बनाया था, जो हॉस्पिटल बैग था मेरी सास ने बनाया था। उन्होंने तो खैर बहुत ज्यादा इंतजाम किया था, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम हैरान हो जाओगी कि मैं जो कपड़े पहन के गई थी, इसके अलावा मेरा एक और सूट साथ लेके गई थी जिसके ऊपर से जिप खुलती थी कि अगर इसको ब्रेस्ट फिट करवाना पड़े ना तो इसको कपड़ा ना उठाना पड़े। फिर मेरी नई जूती थी, मेरी नई सर का हेड स्कार्फ था कि मुझे ठंड ना लग जाए। फिर बच्चे के दो सेट के जूते सूट थे इसके साथ के, उसके जो जैसे कपड़े के जूते नहीं होते वो थे, फुल डायपर हाँ, बैग था, वो सामान और लोशन तो पाउडर, इसके अलावा छोटा फीडर का बॉटल, इसके अलावा जो चूसनी बच्चे के मुंह पे वो पेसिफायर डालते हैं वो। खैर मेरी सास ने तो बहुत इंतजाम किया था और वो सारा बच्चे मैंने का यूज होता है किया। यार। मेरी सास में ना एक एक क्वालिटी है, मेरी वो खाला भी है, वो जब मैं ना कैसे? लेबर रूम में होती थी ना, किसी को भी अलाउ नहीं होता आने में, मगर वो औरत होती थी, बोलती थी मुझे एक दफा देखना है, बस मैं देख के अभी आ जाऊंगी, और वो आ जाती थी, आती थी, बोलती थी ठीक है तू, और यकीन मानो वो हमेशा बोलती थी कि मैंने अपनी बहू के मुंह से कभी भी आवाज चीख, जैसे औरतें चिल्ला रही थी वो बहुत डरती थी, कितनी चीखती है, और वो बोलती थी और जब मेरा जब जो बच्चा पेट पे मरा था ना तब वो क्यों भाग के डॉक्टर से लड़ पड़ी थी, बोला था कि मेरी बहू वो है जिसके 3 बच्चे पैदा किए और आज तक चिल्लाई नहीं, और ये इतना चिल्ला रही है तुम लोग इसको देख नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने कहा था हमने मेडिसिन दी है अपने टाइम पर डिलीवरी करेंगे, क्योंकि बच्चा मरा हुआ था ना। तो हाँ यानी आपने कि बताया, मेरी सास वो है जो लड़ पड़ती है, नहीं करना है वाह अभी क्या देखना है बात। करो, हाँ इसके उसमें यही और अलावा बकायदा रो रही हाँ, होती है वो। एक हाँ और चीज मेरे जहन में आई, शहद की बोतल और खजूरों का डब्बा। काफी ज्यादा इंतजाम किया था। खैर उन्होंने, तुमने मुझे क्या बात याद दिला दी कि हमारा तो खैर जो फर्स्ट यार बेबी था मेरा, तो मेरा तो बहुत ज्यादा उन्होंने लेविश, मेरा तो खैर देखो फर्स्ट ना, क्लास वो था मेरी रूम। माँ एक बात करती है कि जब किसी की बुराई याद करो तो उसकी थोड़ी सी कोई अच्छाई याद कर लिया करो, तो फिर नेगेटिव ही नहीं आती। हाँ ये भी होता है, तो वो मेरी अम्मी की जो
बोलती थी जिस वक्त हमारी माए हमारे सर पर नहीं थी ना तो ये सासे थी, वो ये सासे बात थी और लंबी जिंदगी दे उन्होंने वाकई मेरे साथ खड़े हो के ना। और फिर उस डिलीवरी के बाद मेरे लिए यखनिया बना बना के जो बच्चे का कीका किया था फर्स्ट का, तो यखनी और मैं तो खैर मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने तक तो मैं किचन के अंदर घुसी भी नहीं थी, जो उससे अच्छी बात को ब्रेस्ट फीड करवाना। डायपर भी कभी वो चेंज करने आती थी, जो मेरा फर्स्ट बेबी था मुझे चेंज करना नहीं आता था, तो वो आती थी चेंज करवाने के लिए, बस बच्चे को देखना है और सोना है, मेरा सिर्फ यही काम था और मेरा और कोई काम नहीं था। खैर मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ कि इसकी डिलीवरी तो अजीब है यार, बच्चे को उन्होंने पकड़ाया नहीं, फिर बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं दिखाया, हॉस्पिटल वाले तो फौरन निकाल के दे देते हैं, और उसके बाद कोई वैक्सीन भी लगती है ना आजकल। नहीं, अगर बच्चा नॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल था, वो सब ठीक है, तो बच्चे को माँ को क्यों नहीं दिया गया, माँ को क्यों नहीं दिखाया गया बच्चे को? देखो वहाँ पे पता है वो बच्चे को जब बच्चा नॉर्मल नहीं रहता है तो उसको कांच में रखा जाता है, वो वाला वार्ड नहीं लग रहा था, बच्चा तो नीचे आता है, मुझे लगता है वो घुंचू ने उनकी ना मेहनत की होगी, को उसको ना 2-3 हज़ार रुपया दे के बोला होगा मुझे अंदर जाने दो, बस ऐसे ना मैंने क्लिप बनाना है, एक क्लिप बना बोल रही हूं मैं बोल रही हूँ कि ऐसा लग रहा है बच्चा है ना नॉर्मल नहीं है, देखो उसको कांच में रखा हुआ है, इंक्यूबेटर में रखा हुआ है, जो वार्ड में घोंचू गया है चप्पल उतार के फावड़ा घोंचू, वो वार्ड डिलीवरी वार्ड थोड़ी था। नहीं यार ये ना कोई चक्कर लग रहा है, क्योंकि मुझे ना ना उसका कोई बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई, ना किसी ने बोला मुबारक को ना। खैर तुम तो इसको कल के ब्लॉग का कंटेंट दे रही हो बैठ के, अब ये हाँ मैं वही दे ना बताए ना, हाँ बताए हमने, बताए हमने कोतर का पेड़ ही बताए भाई। अरे तो जब वो निकालते हैं बच्चा, उसको धोते हैं, उसको नहलाते हैं, उसकी गुड़ती होती है, कान में अजान होती है यार, सबसे बड़ा कंटेंट। अरे भाई कल बनाएंगे ना वो कंटेंट, तो लेबर में जाने देते हैं ना सबको, पता नहीं पता है मुझे लगता है ना ये अजान नहीं देंगी, इसके कान में ये ना गाना एक अच्छा वाला गाएंगी, मैंने तेरा नाम तो ये भूल गई, बच्चे के कान में अजान क्यों नहीं दी उसने, वो अजान वाला सीन क्यों नहीं दिखाया, जी है गोंचू ने दी है, मैंने सुना है कहीं पर, कहां पर सुना यार, गोंचू को बोलो दी है वो कल बताएंगी बहन, बहनों वो कल बताएंगी बहनों, इतना कंटेंट था यार इसके पास कि ये आराम से इसके ऊपर 2 वीडियो कल के लिए उसको सब कुछ तो दे रही है बैठ गया, अब ये दोबारा जाएगी, दोबारा हॉस्पिटल जाएगी, दोबारा फिल्म करवाएगी, ये वो दिखाएगी जो हॉस्पिटल से सामान मिला ना बच्चे के लिए, अभी वो दिखाएगी, वो इसको नहीं दिखाएंगी, पाउडर का डब्बा दिखाएंगी, सुनो पाउडर का डब्बा दिखाएंगी, बोलेंगी बगल में लगाएंगे, गले में लगाएंगे, जांग में लगाएंगे, सब एक एक पार्ट भी बताएंगी वो यार, अब देखो गुड़ती मैं वो कह रही हूँ, हाँ गुड़ती किसने लगाई, वो हमारे यहाँ बच्चों को लगाते ना, शहद चटाते हैं कुछ चटाते हैं बच्चे के मुंह को, तो वो किसने लगाई, वो उसके बाप ने लगाई, बच्चा इनका होगा तो करेंगे ना ये सब, बच्चा पता नहीं किसका पैदा हुआ है, दिखा कौन रहा है, पहले बच्चे के टाइम पे भी कहाँ उसने वो सब दिखाई थी यार, शायद चटाना जान देना, हाँ नहीं दिखाई, ये अजान वाला कंटेंट तो इसका चलता है, इसने क्यों नहीं बनाया पागल की बच्ची ने, बताएंगे अरे बनाई है, खैर तुम उसे क्या समझ रही, बेवकूफ समझी हो तुमने उसको, अब थोड़ा थोड़ा पार्ट डालेंगी ना यार, कैश कैसे करवाना है, मैंने आगे के पीछे क्लिप डाल दी है, बोल तो रही थी मैं दोबारा सेट करूंगी इसको, हाँ वो सेट करेगी ना दोबारा एडिट करेगी फिर, तो अपने 2 ब्लॉग का कंटेंट दे दिया, आपको लगता नहीं कि जैसे इसने जब आखिरी में से टेस्ट में जैसे शक्कर रोने, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है, मुझे सही नहीं लग रहा कुछ, वीडियो नहीं देखी सॉरी, मैं क्या करी आखिर में, क्या करी नादिया तुम्हारी आवाज कर दी, फिर रो रही ना कि दुआ करो हमारा बच्चा हमारे हाथ में आ जाए ऐसा करके, हाँ कह रही है कि हमने कहा हमने घर लेके जाना है, तो उन्होंने कहा घर नहीं लेके जाना और हम यही रख लो, हम इनका ज्यादा ख्याल, कुछ मुझे लगता है कोई कांड करने के चक्कर में है ये, मुझे लगता, और देखो कितनी तमहीद बना रही है पहले, अरे नादिया गिर गई, नादिया आ जाओ, नादिया जोर से तो नहीं गिरी बेचारी, पता नहीं अब आएंगी तो बताएंगी, लगा तो नहीं,
सी सेक्शन में 4 से 5 दिन का से। सुनो मैं ये कह रही हूँ, ऐसे कौन बोलता है कि भगवान दुआ करे हमारा बच्चा हमारे हाथ में। नहीं नहीं नहीं, इसका ये ना तमहीद बांध रही है ताकि आपको ना पहले से माइंड सेट कर दे, वो माइंड वॉश करती है ना, ब्रेन वॉश, ब्रेन सेटअप कि क्या करना है, रखना है क्या कर, इसका चेहरा देखो, इसके चेहरे पे रंग नहीं है, इसका चेहरा बिल्कुल फिक्का पीला पड़ा हुआ है, इसको कुछ समझ नहीं आ रही, बातें आगे पीछे कर रही है। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर से इतनी लंबी डिस्कशन हुई, बच्चे की इतनी नाजुक हालत, तो तुमने तो कुछ दिखाया नहीं, कोई डॉक्टर आया नहीं, तो आपने किसी पेपर पे साइन नहीं किया। उसकी रिस्पॉन्सिबल भी तो यही है, उसका ध्यान नहीं रखा प्रेगनेंसी में, अगर वो सच्ची में प्रेग्नेंट थी भी तो उसका ध्यान नहीं रखा, हस्बैंड को उसके पास जाने नहीं दिया, इमोशनली उसको कोई सहारा नहीं था, फाइनेंशियली कुछ नहीं, गंदे से घर में रह रही थी, तो बच्चे की तो ऐसी हालत होनी थी ना यार, हस्बैंड पास ना हो प्रेगनेंसी में तो कितना बुरी हालत होती है यार, एक तुम्हें चाहिए होता है। ये सलमान मथीन सही कह रही हैं, 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं अगर सी सेक्शन हो ना, तो रजी अंसारी भी सही कह रही है यार, ये फिर सी सेक्शन के बाद वो माँ को चलवाते हैं, पहले तो वो पूछते हैं आपसे, पहले तो आपको खाना देते हैं, फिर वो एक क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं मैं बोलूं कि आपने कोई गैस वगैरह पास की है या नहीं की है, फिर उसके बाद फिर वो आपको खड़ा करते हैं, फिर वो आपको बोलते हैं चलो, फिर आप हल्का 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 चलने की कोशिश करते हैं, बड़ा सीन है भाई सी सेक्शन में। करेंगी करेंगी, तू सारा कंटेंट उसको बता, सारी चीजें लिख कर डाल। यार मुझे ये बताओ, नहीं नहीं बताने दो ना यार, ताकि वो करे फिर हम बोलेंगे देखो कि देखो खैर की बातों को कैसे फॉलो कर रही है। बोलो बोलो खैर। ये सुना है कि एक औरत हॉस्पिटल में गई नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि सी सेक्शन करेंगे और उसको घर भेज दिया, ऐसे थोड़ा ना होता है, अगर ऐसे नहीं होता डिसाइड किया फिर तो पक्का ही रखते हैं ना वो। हाँ अगर डिसाइड कर लिया, अगर वो हालत इतनी नाजुक होती है कि उन्होंने सी सेक्शन ही करवाना होता है, तो फिर वो मॉनिटर्स के साथ रख रखते हैं पूरा, यार इसने मॉनिटर होता है साथ, आपका हस्बैंड और आप पेपर पे साइन करते हो जब सी सेक्शन होता है, वो कॉन्टेंट कहाँ है, कहाँ है, इधर है, अब बोलेंगी आगे पीछे हो गया था, खैर अभी मैं लगा देती हूँ अभी बना के। तो बिजी था ना शॉपिंग करने। अरे मुझे कह रहे हैं तुमने इसको 4 व्लॉग्स का कंटेंट दे दिया। अरे वो पेपर का कंटेंट दिया तुमने, वो पेपर किधर है? और मैं एक बात बताऊँ, मैंने तो खुद भी पेपर पे साइन किया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे खुदा ना खास्ता को आगे पीछे हो जाए, इसके अलावा एपिड्यूरल के अलावा आजकल वो एक और देते हैं आपको जब सी सेक्शन होता है, टैब ब्लॉक करके कोई है आपके इंट्रा मसल्स के अंदर लगता है, वो उसी वक्त आपको लेना होता है अगर आप चाहते हैं कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको ज्यादा पेन ना हो, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, तो वो और वो उसी वक्त मिलता है अगर आपका पेट खुला हुआ हो, मतलब जब आपका ये काम चल रहा हो प्रोसेस, अगर वो आपको बंद हो जाए मतलब वो आपको स्टिचेस लगा दे उसके बाद फिर आप नहीं ले सकते ना, बहुत सी लेडीज लेती बहुत सी नहीं लेती, मैं डर गई थी और मैं अकेली थी उस वक्त जब मुझसे पेपर साइन करवाया ना, तो उन्होंने बोला कि लेना है कि नहीं लेना है, मैंने मैं डर गई ना, मैंने कहा मुझसे नहीं बता, मुझे ना बहुत डर लग रहा है और मैं बिल्कुल ना अकेली हूँ इस वक्त, तो मेरी डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन नहीं लो, अगर नहीं लेना टैबलॉक तो नहीं लो, वो वाले पेपर तो मैंने खुद अकेली ने साइन किए थे, ये पेपर कहाँ है, अगर वो नहीं करती तो उसका मियाँ तो कर सकता था ना वो वाले पेपर जब इमरजेंसी सी सेक्शन हो रहा था तो, और बच्चे का नाम क्या रजिस्टर करवाया, बर्थ सर्टिफिकेट निकलवा लिया, रजिस्ट्रेशन बच्चे की हो गई तो उसका नाम नहीं लिखा हुआ उसके ऊपर। देख वो रात को मार रही है गोंचो को लात लात से कि ये सब कंटेंट तूने क्यों नहीं बताया था मेरे मुंह में, हावड़े के मुंह के, खैर की वजह से गोंचो की खैर नहीं। अरे बच्चे का नाम नहीं डिसाइड किया, जब वो पेपर निकाल के देगा हॉस्पिटल वाला तुम्हें, बच्चे का वेट होता है यार, उसका वेट होता है, उसके वो क्या नाम है, हमारे तो इधर वो बच्चे का ना पैर का निशान पूरा लगा के पेपर के ऊपर देते हैं, तो ये सब पैर का पूरा स्टैंप लगती है, तो ये वो कहाँ है वो पेपर, कहाँ है वो, जब ये लीगल काम की बारी आती है ये बीबी गोलमोल कर जाती है, आज तक निकाह नामा साबित नहीं हो सका तो अब बच्चे का पेपर कहाँ से आएगा बहन, पूरा शनाख्ती कार्ड लगता है, बाप का नाम लगता है, किसका पैदा हो रहा है, अब जाहिर है बच्चे शादी के बगैर तो नहीं पैदा होता ना। देखो जरा अल्लाह खैर ही करे, बच्चे की मार पड़ेगी मैं बता रही हूँ। कंटेंट होगा मेरी आंख नीली कैसे हुई, मेरी मेरी वाइफ सितारा ने मुझे बहुत मारा, और इसकी जिम्मेदार है सब की पैनलिस्ट, खैर बात नहीं। यार मुझे ये बताओ, ये बार बार बोल रही है बेबी हो गया बेबी हो गया, लड़का है या लड़की है, या ये भी बाद में डिसाइड होगा, डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी, 4-5 ब्लॉग्स के बाद बताएगी, डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी,
देखो नहीं ऐसे कैसे, हमारे यहाँ तो इधर पूरा ना हमने सेटअप किया था, जैसे ना पता था कि लड़की है तो पूरा पिंक बैलून्स लगाए थे, और जो डोर था ना जहाँ पे ये था मेरा रूम जो था, जो ऑपरेशन रूम था वो अलग था, जो रूम हमने खुद से लिया हुआ था वो अलग था, जहाँ पे मेरे गेस्ट और सब लोग मुझे मिलने आए थे, तो वो वाला ना बाहर बो लगा के ना पिंक कलर कितना प्यार, और ये हॉस्पिटल वाले खुद करते हैं, आप उनको जस्ट एक्स्ट्रा पैसे देते हो। हाँ जाहिर इतना बड़ा हमने वेलकम लिखवाया था, बच्ची का नाम लिखवाया था, हमने तो बच्ची का नाम तो डिसाइड करके आए थे, वो लिखा था, फिर तस्वीरें बनी थी, फिर उसके बाद जब आई वो मतलब काफी ज्यादा हमारा वो हुआ था, और फिर पहला बच्चा था। हो गए ये कुछ, ये बस अपने ऊपर ही खर्चना जानती है कंजूस औरत, और किसी पे पैसे नहीं खर्चती। अरे ताहिरा आंटी ने कोई गिफ्ट हैम्पर नहीं भेजा, कांग्रेचुलेशन साजिद, कोई फ्लावर, कोई मिठाई, कोई कुछ, कोई इतने लोग उधर गिफ्ट हैम्पर को लात मार दी थी ना लेक्चर देके। अरे फिर भी यार, फिर भी ताहिरा आंटी ने लिया होगा, फिर बोला मैं नहीं दे रही इसको। इतने फ्लावर्स आते हैं, लोग आते हुए बच्चों के इतने कपड़े ले आते हैं भाई। अच्छा तुम खुद मिठाई ला के बांटते हो, तुमने तो कोई नर्स, कोई सफाई करने वाला बंदा ना बंदे की जात नहीं दिखाई, तो तुमने मिठाई किसके मुंह में डालनी थी। चलो भाई सारा कंटेंट बोल दिया, अब कल से यही वाले एपिसोड आएंगे। चलो चलो भाई, शुक्र के मनाओ मेरा। अरे मेरा फोन आ गया, मैं बाद में। हाँ आप सुन लो, दिमाग खराब कर दिया भाई, ऐसा कैसा फीकी फीकी सी डिलीवरी करवा के आ गई। ये तो इम्तियाज जाती है शॉपिंग करने, तो इससे ज्यादा हल्ला गुल्ला कर लेती है तो ये। मिया ने है ना, अभी वो कम नंगा नाच नहीं करने वाली है, देखना वो कितना नंगा नाच करेंगी, एक एक पल को ना वो कंटेंट बनाएंगी। आज से तो उसको स्टार्ट कर देना चाहिए था ना, आज से उसको कंटेंट में दो ब्लॉग डाल दी, अब क्या करे बेचारी। एक और बिठाना है, वो भी काम का डाला है या इधर उधर की गोल गोल की है उसने। वही दो है ना, आज के दो ब्लॉग डाली है ना, दोनों नहीं देखा तुमने? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, मैं तो बस चुटका सा देखा, कह रही है बेबी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, हम घर जा रहे हैं, अच्छा रास्ते बंद हो गए, आज हॉस्पिटल में जितने आए थे ना कुदरती उन सब की डिलीवरियां सुबह में हो गई, माएँ सारी जो है ना वो सो रही हैं, अच्छा तो ये वाला रास्ता खुला हुआ है, हमको चोर दरवाजे से तुम लोग गुजरे हो भाई कि तुम्हें रास्ता नहीं मिला। कौन सा हॉस्पिटल 24 आवर डिलीवरी हॉस्पिटल हो, वहाँ तो टीन टाइम ख़त्म होती। अच्छा जी चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं, बाहर कहाँ से निकलना है, जी यहाँ से निकल गए, मैं घर आ गई हूँ अभी, जो है ना हमारा मियाँ यखनी बना रहा है, घर में इतने नौकर हैं उनका कोई फायदा नहीं है, तो वो जी यख तो तुम यखनी का इंतजाम पहले करके क्यों नहीं लेके गई, तुम्हें क्या अचानक से बच्चा हुआ है, तुम तो पूरा इंतजाम करके गई हो ना बच्चे के लिए, तो तुम यखनी का इंतजाम नहीं कर सकती थी। अच्छा वो ना मेरा मियाँ लेके चला गया, वो जाने उसका काम जाने, मैं इधर बैठ गई हूँ। तो ये पढ़ो यार, ये पढ़ो, नहीं ये वाला नहीं, हाँ तो वाला, हाँ ये एक पॉइंट आयत ने कौसर के बेबी बोला पापा का बेबी नहीं बोला, वरना ये बुलवाती लास्ट टाइम बुलवाया था। हाँ उसने बोला पापा बेबी कब लेंगे, उसने कहा तुम जब सुबह स्कूल से वापस आओगे ना फिर हम बेबी ले जाएंगे यहाँ से, हमने ऑर्डर पे दिया हुआ बनने के लिए, तौबा तौबा अस्तगफार, तो हम ना फिर उठा लेंगे भाई। पिटारा बहुत गिरी हुई और घटिया औरत है जो है ना दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के दूसरों की लाइफ के अंदर है ना वो कंटेंट बना के पैसे कमा रही है, कभी कौसर के नाम पे, कभी इसके बच्चे के, तो कभी सलमा के, लक दी लाना ते पिटारा तेरे ऊपर मोटी संडी मज घटिया औरत। यार ये इतना अफोर्ड कर सकती थी ना वीआईपी स्टैंडर्ड का भी, मैं खैर अब ज्यादा नहीं बोलना चाहती, मेरे तो डिलीवरी के अंदर मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, ठीक है वो बिल्कुल मेरे सर के पास बैठे हुए थे, और मुझे हाफ जो था एनेस्थेसिया मिला हुआ था जिसमें मेरी बॉडी का मुझे ना मतलब मुझे नज़र आ रहा था, मेरी आंखें खुली हुई थी लेकिन ना हाफ ऑफ द बॉडी पेट से नीचे वो मुझे फील नहीं हो रही थी, और यहाँ तक कि जब वो बेबी निकालती है ना, खैर ये मैं थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की बात बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने बच्ची का जो वो कॉर्ड होती है ना वो भी काटी थी मतलब, और उसकी तो मतलब आप फिर कुछ लोग तो फिर सीढ़ी भी बनवाते, बड़ा काम करते ना मतलब, और फिर जब उसका शावर हो रहा था उसकी भी बनी थी, ये वो इधर उधर, लेकिन ये तो थोड़ा तो अफोर्ड कर सकती थी ना, अगर और नहीं तो डिकोर तो करवा सकती थी ना। देख बहन अगर बच्चा होगा तो वो ये सारा कुछ करवाएंगी ना, वरना तो पिटारा मेरे को लगता है ना कि डॉक्टर को हटा देती, हट जा बाबा मेरे को कैमरा डाल के देखने दे पहले।
इतनी कोई आरामदादी। और डॉक्टर आपसे मिलती है, क्योंकि हमारा जो मेरी जो डॉक्टर थी ना, वो जब आई थी 10 o'clock मेरा टाइम था, तो वो मुझसे अलग से मिली थी। पहले एक और बंदा आता है, वो आपसे मिलता है, वो डॉक्टर का असिस्टेंट होता है जो उस हॉस्पिटल का बंदा होता है। मेरी प्राइवेट डॉक्टर थी और मैं उस हॉस्पिटल के अंदर थी जस्ट उनकी सर्विसेज लेने के लिए, क्योंकि देवर दैट वॉज द बेस्ट हॉस्पिटल। तो वो आपसे आता है, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेता है, आपका पहले क्या हुआ, आपके कितने कोई मिसकैरेज हुआ, ऑपरेशन के टाइम पे लेते ही है ना यार। हाँ, तो वो इससे क्यों नहीं, इसने क्यों नहीं दिखाया, वो उससे पूछता आपका मिसकैरेज हुआ, आपके पहले बेबी हुआ आपका, मतलब जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री वो सारे ही आपसे पूछता है। फिर उसके बाद आपकी अपनी डॉक्टर आपके पास आती है, आपसे पूछती है कैसी तबीयत है, क्या फील कर रही हो, क्या मसला है, डर तो नहीं लग रहा, डरना नहीं है, सब ठीक होगा, अल्लाह तवक्कल, ये वो सारी बातें आपसे करती है, आपको पूरा रिलैक्स कर देती है। उसके बाद फिर एक नर्स आती है, दो नर्सें आती हैं, वो आपको अंदर लेके जाके वॉशरूम में आपका पूरा, जिसका सी सेक्शन है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, मुझे नॉर्मल का नहीं पता, उसको वॉशरूम में लेके जाती हैं, उसको वो ब्लू कलर का ना पूरा ड्रेस पहना देती हैं, अपना सारा जो कपड़े वो घर के पहन के आई होती है वो निकाल देती है, और उसके अलावा उसको ना मतलब क्लीन वगैरह कर देती हैं, पेट पे जहाँ कट लगना होता है सब क्लीन करके, वहाँ पे कोई बाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेट करके फिर वो आपको बिठा देते हैं। बड़ा काम होता है, इसने तो कोई पता नहीं ऐसे कि हम लेके गए, उसने कंबल पहना हुआ, सर पे दुपट्टा लिया, वो लेटी हुई, उसको ड्रिप लगी हुई है, मुबारक हो जी बच्चा हो गया। ये इतना कॉन्टेंट था इसके पास कि ये आराम से 4-5 व्लॉग इस पे बना सकती थी। चल कोई नहीं, अभी भी बना लेंगी, वो कौन सा बच्चे को सच में पैदा करने का, अल्लाह खैर करे भाई, अल्लाह खैर करे, ड्रामा ही तो करने का है। देखो नादिया कैसे भाग गई ना। हाँ यार, मैंने भी भागना, यार मैं फ्री नहीं हूँ, लेबर रूम की याद ना करवाओ। मुझे याद ना करवाओ, अरे मैं खुद अभी बात कर रही हूँ ना, मेरे मुझे वो शिवरिंग से हो रही है, सब याद आ रहा है। लेकिन जो बंदा खुद एक्सपीरियंस करता है ना, उसको इतने सालों बाद भी होता है कि जैसे उसके साथ कल ही बीती हो, हर चीज डिटेल में आपको याद होती है कि मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। सच में यार बहुत, मतलब वो याद करो ना तो आंखें कांटे खड़े हो जाए। नादिया को जोर से तो नहीं लगी, आई नहीं वापस। टांगों पे लग गई है ना, वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही। नादिया ऊपर आओ यार, दांत बंद निकालो। रूपाली कह रही है पीठ पे कौन लेटता है, बेड पे भी बैठे हुए पोजीशन पे रहते हैं एंड तक, लेटा कौन है। हाँ ये भी सही है, वो एक ना ऐसे रिक्लाइन पोजीशन में आपको होता है कि आपके ऊपर वाली बॉडी थोड़ी सी ऊपर होती है, नीचे वाली बॉडी थोड़ी नीचे होती है, और वो जो होता है ना बेड वो ऊपर नीचे हो जाता है आपके हिसाब से। पता नहीं ये कौन से, मेरे ख्याल में थर्ड क्लास हॉस्पिटल में लिखे गए, ये बेड देखो, पता नहीं इन्होंने रूम भी अपना लिया है नहीं लिया। मेरा रूम तो स्वीट रूम था, उसके आगे जैसे ना दरवाजा खुल के फिर अंदर से एक और ऐसे दरवाजा नहीं था, बस खुला हुआ था रूम सा बना हुआ, और फिर आप अंदर जाएं तो वहाँ पे उन्होंने सोफे रखे थे, टेबल रखा हुआ था, और वहाँ पे इन सर्विस भी थी, आप चाय कॉफी जो भी आपने मंगवाना हो वहाँ मंगवा सकते हैं। तो जिन लोगों ने आना था, मतलब हमारे तो खैर माशाल्लाह काफी लोग आए थे, मेरे ख्याल में 10-12 से ऊपर लेडीज ही थे। आपको आपको इसकी शक्ल देख के लगा ये उसके लिए स्वीट लेगी, इसने उसको पता नहीं कहाँ रखा होगा, शुक्र करो यार क्या तुम उससे पैसे तो कमा रही हो ना, तुम उससे किस तरह तुमने उससे पैसे कमा लिए, तो तुम अपनी प्रेस्टीज के लिए तो ले सकती हो। अगर ये सोचती ना तो कैसी हो नादिया, चोट तो नहीं लगी? अरे बुराई करने से बाज नहीं आओगे, ख्याल नहीं रमजान का महीना, नीचे पड़ी थी और कहती भाग गई, किधर भागूंगी मैं यार, मेरे को तो तुम्हारी टेंशन हो गई थी, तुम्हें लग ना गई हो मैंने 24 रखी होती है सीढ़ी, सुन मैंने सीढ़ी रखी होती है। अच्छा खैर मैं ये कह रही थी, अगर ये सोचती कि मैं इससे पैसा कमा रही हूँ, आज कौसर भी कम से कम लग पर होती, इतना पैसा तो दे ही चुकी होती उसको। वाकई अपने प्रेस्टीज के लिए तो कर सकती है ना भाई, तुम बुलाती, तुम्हारे इतने लोग हैं, तुम वो उसको बुलाती, क्या नाम है इसके खानदान में से किसी को बुलाती, फारूक को बुलाती, डायन वाकई करती सही बात। इसका बाप भी नहीं आया ना, लड़की का बाप आया नहीं, इसको क्या कर सोया, इसका भाई भी नहीं आया ना, कोई भी नहीं आया। लोगों के घर में जो बेटी का पहला बच्चा होता है ना, भरे लड़का हो या लड़की, तो उसके घर वाले सब कुछ उठाते हैं, सब कुछ, और आगे आगे पेश पेश होते हैं। ओ बहन, भाई की औकात ये बताने की भी कि जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है, तू उसको आने की बात कर रही है। अजीब लोग हैं यार, अजीब लोग हैं। हमारा तो खैर हमारा इनका कोई कंपैरिजन नहीं है ना, इसलिए हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। वही ना, वो जेंडर नहीं बता पा रहे तो तुम बोलती हो वो आए क्यों नहीं। हाँ, सही बात है, जेंडर नहीं। मुझे यकीन मानो
इसकी माँ नहीं लग रही मुझे, ये भी शबनम की बात सही लग रही है, वो ऐसे कोई औरत ले आए उसकी खिदमत मालिशें वालिशें करने के लिए। केस बीबी फूल लेके क्यों नहीं आई? क्योंकि वो साजिद से नाराज है। भाई उसने वो फूल देंगी, नहीं नहीं केस बीबी फूल देंगी, फेंक के देंगी लेकिन गमले के साथ डायरेक्ट साजिद से वो। अरे आज साजिद गए ना चाट के, टायरा शिष्टा जो हमारे लिए कर रही है ना, तो वो क्यों आया था चाटने के लिए? हाँ ना रिएक्शन डाला ना उसने, मैं फर्स्ट टाइम तो घो चुका रिएक्शन देख के बैठी हूँ। डालेगा कैसे नहीं, अटकी जो पड़ी है वहाँ पे। हाँ उसने आज रिएक्शन दिया, आप लोगों पर रिएक्शन दिया, इन लोगों को तो खुदा का खौफ नहीं है, इनके तो पड़ोसी इनसे तंग होंगे। भोजड़ी के फावड़े के मुंह के बोलना, तेरे तो सारा बाइटी तंग है तेरे से मनुष्य। कहता है ना हम इनके इनसे तो इनके पड़ोसी भी तंग हो गए, कैसे लोग ये, इनको तो खौफ है खुदा नहीं है, ये नहीं है, तो तेरा सिस्टर ने जो हमारे लिए किया है ना उसका तो कोई वो नहीं है, बस ये मारने वो आया था, तारा सिस्टर की चाटने आया था तारा सिस्टर। हाँ उसे कुछ सपोर्टर बहुत उड़ रहे थे ना, उन लोग बोल रहे थे तायरा को डिसऑन कर दिया, तायरा को ये कर दिया वो कर दिया, आके चपेट मार के गया इनके सपोर्टरों के ऊपर। लग दी लानत है टिड्डी, जा मुंह काला कर ले और गधे पे बैठ जा टिड्डी, और फसादन तू भी निकल ले गधे पे बैठने के लिए। ओए म्यूट क्यों कर लिए, मैं कौन सी वो कर रही हूँ यार, वो क्या बोलते बयानबाजी, मैं तिलावत कर रही हूँ। मैं नहीं नहीं बहन मेरा बच्चा आ गया था ना तो मैं उससे बात कर रही हूँ। बाकी गोचू तेरे से तो पूरा वाईटी परेशान, पिटारा परेशान, कौसर परेशान, पूरा पाकिस्तान परेशान, पूरी दुनिया परेशान है, टाइम निकाल के मर जा मनुष्य। कहता है ये पाकिस्तानी लोग है ना ये ऐसी नेचर के हैं, कुछ पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जो इसी नेचर के हैं, अपने मुल्क को गंदा करके चला गया। बताओ जरा दुर पिटे मुंह तेरे गोचुए आराम जादे, वहीं का खा रहा है वहीं का पी रहा है और वहीं पे थूक रहा है, दख दी लानत लोगों के काम धरे नहीं। मैं थोड़ा गजरी टाइप हूँ, मैं थोड़ा भूल जाती हूँ, मैं बस अपने दुश्मनों को नहीं भूलती बाकी मैं सब भूल जाती। क्या हो गया गुलाब जामुन, तुम्हारा भी कॉल आ गया क्या? कॉलों का टाइम है क्या? किसी की कॉल आई ना, शायद आई होगी महल में। अरे हाँ, मेरी कॉल आई थी, मेरी अब हो गई बात, मैंने 2 मिनट म्यूट किया क्योंकि मैं बहुत शोर मचा रही हूँ किचन में, ठीक है? अच्छा क्यों, क्या पटक रही हो बहन? यार बर्तन नहीं मिल रहे, पटक पटक के ढूंढ रही हूँ। अच्छा अच्छा पटको पटको एक रोजी कैसे चल रही दो शबनम रोजी कैसे चल रही शबनम रोजी कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान बहुत अच्छे जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होंगे मेरे रोजे। अरे माशाल्लाह हम तो हॉलीडेज मना के बैठ गए। लव यू टू एंटरटेनमेंट सिस्टर, थैंक यू मेरी जान। देखो आप लोगों को भी एंटरटेनमेंट सिस्टर ने क्या बोली है, पढ़ो। वो खैर बाजी को बोलो वही पढ़ेगी, हमारी तो आंखें तेज नहीं है, जो खैर बाजी है ना। अरे वो बोल रही है रिएक्शन जबरदस्त करते हैं ना दिया मिस्टर खैर आ रहे हैं, ये आवाज सुनिए हम लोग, बड़ा मस्त पढ़ती है तुम, बड़ा मुंचन जबरदस्त अंग्रेजी है। यार मुझे ये बताओ कि ये लड़की है या लड़का है, इसने कोई हिंट दिया बीच में? आई थिंक इसका नाम है ना? नहीं इसने हिंट नहीं दी है लेकिन मैं बोल रही हूँ ना लड़का है। हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है लड़का है, मगर सियोर सिस्टर बोल लड़की है मगर मुझे लगता है लड़का है, लड़का झूठ बोल क्योंकि उसके बातों से लग रहा था लड़का बेबी हो गया, बेबी हो गया कब? बेबी हमारे हाथों में आएगा, जैसे कोई सास ना बेड के लिए मरी जा रही है, मेरा पोता मेरे हाथ में कब आएगा, कब आएगा मेरा पोता मेरे हाथ में? वो तो मां को भी देते हैं भले सी सेक्शन हो लेकिन फिर भी वो मां से वो क्या है इसकी सपोर्टर साजिद को दे रही है मुबारकबाद घोंचू को और उसको दे रही है पिटारा को, आप बड़ी अम्मी बन गई, और जिसने पैदा किया जिसने पेट फरवाया उसको एक भी मुबारकबाद ना दी। हाय लो उसका कुछ चरण थोड़ी वो लिफाफा थोड़ी भेजती है उनको,
वो गोचू की रखेले है ना, अरे गोचू की रखेले है वो, उसको क्यों देंगे? लोग हैं यार। पागल जाने तो नहीं, कहाँ कहाँ से पागल सारे जमा हुए। यार हैरानी की बात तो ये कि अगर तुम अब से 1 महीना पुराना देखो तो वो अभी तक यही कह रही थी पिटारा आंटी कि ये 6 महीने की है या 7 महीने की है, या 7 महीने की है या 6 महीने की है। अब ये एक हाँ। 1.5 महीने के अंदर इसकी डिलीवरी पूरी हो गई। नहीं पता है क्या हुआ, इसने ना अभी पिछले महीने में इसने बोली कि अभी ना कौसर का ना छठा या सातवा चालू है, और इतने वो हाँ वही टाइम बोल पे रही है ना। जब ये क्या नाम है बेवड़े की लड़की की तारीख पकड़े थे तब भी इसने छठा या सातवा बोली थी, और अभी रमजान से पहले भी इसने छठा या सातवा बोली। तो हम लोगों ने डिस्कस किए ना लाइव में कि तब इसने छठा सातवा बोली थी, वो हिसाब से रमजान में बच्चा हो जाना चाहिए बराबर। उसके कुछ दिन बाद आके इसने बोल दी नहीं नहीं बच्चा तो रमजान में ही होने वाला है, हो गया है, 8वां चल रहा है, 9वां लगने वाला है, 9वां चल रहा है। तो ये ना सारा के सारे यही तो सुन के जाती है, देखो डिलीवरी करवा दी जबरदस्ती का। अच्छा ये बताओ इसने रीजन क्या बताई है कि बच्चे का क्यों कर रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं ना पानी खत्म हो गया बच्चे का, बच्चे के खुदा ना खास्ता वो जो कॉर्ड होती है उसकी गर्दन के ऊपर फंस रही है, बच्चा उल्टा है इस करके अरे हमें बहन दर्द ही खत्म, दर्द ही खत्म हो गई उसको, जो दर्द था ना पेन थी वो पहले हाँ तो बहुत हाई फीवर थी, फिर वो ना लो हो गई, हाँ वो लो हो गई, फिर उन्हें बोला भाई अब तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद बोला बहन जा घर लेके जा, अच्छा और दूर जाके करके और उन्होंने बोला बहन तू इसको घर में छोड़ और मियाँ को पकड़ और जाके मॉलों से ना चूड़िया ले ले अपने लिए, चूड़िया लेने चलेगी बाजी हमारी। नहीं करो यार मजाक कर, कसम से कसम से कसम से कसम इसने से ऐसा चूड़िया किया। मैं मेरे मुंह से सुनती यार है एक कुछ बात बोल रहा बताऊं, जब ऐसी हूँ। हाँ दर्दें खत्म होती है तो फिर करने की कोशिश करते हैं ना, ये थोड़ा ना कहते अरे कि करते हैं सुनो सुनो देखो बहन हमारे यहाँ अब हम मैं हमारी नंदे में नंद की ना घर के अंदर थैली फट गई थी। अच्छा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो हाँ। सकता है। अरे वो बेचारी भी कभी बताओ कभी ना जूस पी लिया था, जूस पी लिया था कौन सा जूस पी लिया था? मेरी यार मेरी आपको नंद का डॉक्टर ना रीजन आठवां तो बता महीना रहे। था, बाथरूम में गई पेशाब करने तो वो बोली खत्म क्यों नहीं हो रहा, पता चला कि थैली फट गई, बेचारी खड़ी थी टॉयलेट के अंदर आवाज दे रही है भी, और मैं इत्तेफाक से बाहर खड़ी थी, तो जब से मैंने सास को बुलाया भी वो बेचारी लेके गया इसको हॉस्पिटल। यार जब भी ना वो सी सेक्शन करते हैं उसका रीजन होता है, अचानक भी होता है जब तो भी वही उसका ना। रीजन नहीं खैर बाजी नहीं मेरा सवाल ये है, बंदी बट का पेन ना पेन तो स्टार्ट है, पेन तो स्टार्ट है, खैर सोच ना पेन स्टार्ट है, ड्रिप लग गई है, ड्रिप मतलब दर्द खत्म हो गया है, तब वो कैसे डिस्चार्ज करेंगे, वो तो फौरन ऑपरेशन करेंगे ना भाई, बच्चा कुछ होना है बच्चे को। यार तुम्हें लगता है कि बच्चे का जब दर्द स्टार्ट होती है क्या बच्चा पहले हो जाता है, वो पहले आपका नहीं डायबिटिक उसकी चेक बात, करते हैं इसने डाला कैमरा कौसर के मुंह पर, कौसर काली सिया और उसकी पूरी बत्ती सी बाहर फुल। हाँ यार तुम्हें तकलीफ हो रही है, आपको पता है कि जब वो नॉर्मल डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं तो नर्स थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद चेक करके देखती है कि आपका यही कितना यही मैंने कहा, हुआ मैंने है, कहा जब हम हुआ है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, खैर इस चीज से नर्सें आती है मुझे इतना गुस्सा आता है ये क्या कर रही है, वो आपका हाँ वो अभी कितना ओपन हुआ है 10 तक होता है, आपका 10 नंबर तक होना चाहिए फिर वो आपको करती है कि इसका पुश हो सकता है। तो अरे इतना यार मेरी बात सुनो, खैर खैर मेरी बात सुनो, ये है ना उसको घर लेके आ गई कौसर को, रीजन क्या दी कि हम लोग मार्केट गए थे ना इसको हॉस्पिटल में छोड़ के, तो इसको तब दर्द था, इसने ना जूस पी ली तो इसका दर्द ठंडा हो गया, तो डॉक्टर ने छुट्टी दे दिया, बोला जब दर्द उठेगा ना तब आना। अच्छा नहीं शबनम ऐसा नहीं बोला, उसने बोला इसने जूस पी लिया इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, अब आप ऐसा करो अब इसको घर लेके जाओ कल लाना, शबनम गजनी हो गई। अच्छा इसका मतलब एक सेकंड बात सही है यार, मेरी बात सुन, मैंने मिया को पकड़ा, अरे खैर बाजी पूरी बात सुन ले, उसके बाद घर छोड़ा, उसके बाद घर छोड़ के मैंने मिया को पकड़ा और नया मॉल पकड़ा, उधर जाके मैंने चूड़ियां खरीदी गिफ्ट करने के लिए। हाँ मेरी बात सुनो, वो जो सी सेक्शन जब करते हैं ना वो वाकई बोलते हैं कि आपने फास्ट करना है, आपके पेट में कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका सी सेक्शन होने वाला है ताकि आप खाने पीने से रुक जाएं।
लेकिन इसका मतलब कि इनको पता था कि इनका फास्ट होना है, इसका ये सी सेक्शन होना है, ये प्लान्ड था। और फिर बाजी बाजी खैर बाजी उस अभी हमारा पिटारा बाजी शॉपिंग पर थी, उसको मालूम नहीं था उसने जूस पी लिया उसका। घर थोड़ा भेजते हैं क्या, ऐसे घर थोड़ा भेजते थे। तो घर तो नहीं भेजते, घर कौन पागल भेजेगा, कुछ नहीं हो सकता है। अगर इतनी नाजुक हालत हो तो अगर बच्चे को खतरा हो और इतना हो तो फिर वो घर नहीं भेजते, क्योंकि फिर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी हो जाती है। वेरी पुअर डायरेक्शन। इसने वो बहुत सी चीजें खा गई है, ये बहुत ज्यादा कॉन्टेंट खा गई है, पागल की बच्ची अपने डॉलर गवा गई है। ये ना दोबारा करो, दोबारा रीडायरेक्ट करो। बाजी बाजी तो किसकी तरफ है, किसकी तरफ है बताओ मुझे। बेचारे बच्चे की तरफ हूँ, जो बेचारे बच्चे को उसका हक नहीं मिल रहा, पता नहीं उसके कान में अजान होनी है, उसका नाम लिखवाएंगे, बच्चे को रजिस्टर भी करवाएंगे नहीं करवाएंगे, कोई उसको वैक्सीन भी मिलेगी, कोई उसका दफ्तर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, उस बच्चे के हक में हूँ मैं बेचारे के। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी जुड़वा, आ गई जुड़वा, आ गई। आ जाओ मैं, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा कि लेबर रूम खुला हुआ है, चलो मैं भी चलूं। मैं भी बोल दूं जाके कुछ, अपने एक्सपीरियंस बता दूं कि क्या हो क्या। हाँ बताओ मैं। मैं ये सोच रही हूँ कि जो ये सब अपना अपना शेयर करो, ऑरेंज जूस की जो स्टोरी सुना रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ मैं कनाडा में हूँ, यहाँ पर जब आप लेबर में होते हो तो जब आपके लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं या कुछ ऐसा हो रहा होता है, आइस क्यूब्स देते हैं, तो मुझे बाजी वो तो गई हॉस्पिटल चोर दरवाजे से है, जहाँ पे कोई बंदा बंदे के साथ, उनको किसने पूछना था? पेन स्टार्ट हो गया, तो बहुत दूर की बात है, किसी ने ये नहीं पूछा कि बच्चा खैरियत से हो गया है, कोई बख्शिश ही दे दो। और अगर पेन रुक जाता है तो फिर आपको, जैसे आपका नेचुरल पेन स्टार्ट हुआ और वो रुक गया लेबर पेन, तो वो आपको इंड्यूस कर देते हैं, इंडक्शन होती है जो आर्टिफिशियल इंडक्शन वो होता है, वो थोड़ा 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 करके स्टार्ट करते हैं, पेन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अगर वो भी काम ना करे तो फिर उसके बाद जाके आपको यहाँ पे कहीं एमरजेंसी सी सेक्शन जिसको बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि जारी पता है बच्चे को तो बाहर निकालना है ना, बाहर निकालना है, पहले वो सारे स्टेप्स करते हैं। और अगर अगर ये सब चीजें नहीं होनी हो, पहले से कोई कॉम्प्लिकेशन होते, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया हो या बेबी की कोई पोजीशन ऐसी होती है कि उसमें आपको मतलब नहीं आप नेचुरल डिलीवर कर सकते, तो उसमें वो आपको पहले से ही बता देते हैं कि आपका ये सी सेक्शन होना है और इस इतने बजे होना है और इस डे को होना है, और मॉर्निंग में होते हैं यूजुअली, तो सुबह सुबह आप आ जाइएगा। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही है मेरा भी हुआ था। आप लोग एक बात भूल रहे हो, सुनो, डॉक्टर सितारा का सब्सक्राइबर है तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम उससे? ये तो सोचो, ये तो तुम लोग भूल गए सब डॉक्टर। हाँ ये बात तो आपने सही बोला कि अब ये नहीं पता कि वो डॉक्टर फेक है, बच्चा फेक है, लेबर फेक है, क्योंकि भाई हमारे तो सब रियल है, सब फेक है भाई। किसी ने मुबारकबाद भी नहीं दी यार, कोई आया ही नहीं मुबारकबाद देने के लिए कि आप लोगों को मुबारक हो। हाँ बिल्कुल, पता नहीं क्या स्टोरीज ना रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं तो मतलब इनकी फेक स्टोरी से अपनी रियल स्टोरी हम लोगों को याद आ रही है, लेकिन घूस बंद आ रहे हैं बॉडी के ऊपर। क्या मुबारकबाद दे, यही मुबारकबाद दे सकते हैं कि मुबारक को कंटेंट आया है। हाँ यही कह सकते हैं कंटेंट आया है, अभी तो बड़ा कुछ होगा, अभी तो पता नहीं रूम डेकोरेट होगा। और ये जो कह रही है ना ये प्रिटेंड कर रही है कि लड़की लड़की, लेकिन लड़की नहीं होगी, ये लड़का ही होगा, क्योंकि अभी इंडिया का कोई ब्लॉगर है, क्या नाम है मुझे उसका भी नाम नहीं याद आ रहा, उसका अभी बेबी हुआ था, तो वो जान बूझ के जा रहा था ना लड़कियों की शॉपिंग करे जा रहा है, बेबीज की दिखा रहा है चीजें, तो सब लोग ऑडियंस मुझे बोल रही है कि कमेंट्स में कि वो गर्ल है, अच्छा मुबारक हो गर्ल। बाद में जब उन्होंने जेंडर रिवील किया तो वो बॉय था, तो ये भी वही गेमें कर रही है बैठ के अभी ना। हाँ ये दूसरों के कंटेंट चुराती है ना चट्टी। हाँ तो ये सब बकवास कर रही है, अभी तो मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, कभी कहते हैं कि कौशल की बीवी नहीं, कभी कहते हैं कौशल उसका प्रेग्नेंट नहीं थी, अब बच्चा हो गया, और हम लोग बिल्कुल ऐसे जैसे जो ये चला रही है वही हम लोग सोचा जा रहे हैं, ऐसे मतलब जैसे होता नहीं है कोई यार मुझे तो पता है गोचू और पिटारा से ज्यादा खुश वो लग रहा था जो साथ में गया था जी, बिल्कुल
उसका ही बेबी होगा, वही उसको बेचारे को अभी बिल की भी फिक्र है कि भाई अभी पेमेंट भी करनी है। हाँ, बिल का क्या है किस्सा था? नहीं, बिल का कोई किस्सा नहीं था, मतलब जैसे पेमेंट वगैरह तो करनी होगी ना, हॉस्पिटल बिल्स वगैरह, तो इसके तो नोट छप रहे हैं, उस बेचारे का तो कुछ नहीं छप रहा होगा ना। हाँ, उसका चैनल नहीं है ना? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है उसका चैनल। आ जाएगा, अब वो होगा नेक्स्ट। कौसर का बस नहीं होगा, बाकी सबके चैनल बनेंगे। हाँ, कौसर का चैनल बनेगा तो फिर कभी सच्चाई बता दी तो। हाँ, क्योंकि अगर कौसर का चैनल बनेगा ना तो कुछ महीनों में ही मिलियन क्रॉस कर जाएगा, और फिर ये क्या करेंगी कौसर, सोचेंगी कि मैं तो पिटारा से ज्यादा तगड़ी हूँ, सारों को वो खरीदेंगी और पिटारा की बजाएंगी, तो वो कभी कौसर का चैनल तो नहीं आने देंगी। नहीं नहीं, अरे इतनी अक्ल कहाँ है कौसर में, सबको कौसर। अरे कौसर बहुत चालू है भाई, अक्कल नहीं होती तो अभी तलक के वो पिटारा को नंगी कर चुकी होती। जी वो, हाँ सही बात है। और दूसरा ये कि कौशल को, मुझे लगता है कौशल को बस, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि वो पेन में थी या उसको लेबर हुआ है, क्योंकि आपका उस वक्त ना हंसने का दिल करता है, आपका दिल करता है जो आपके सामने और रख के थप्पड़ लगाओ इसके मुंह के पर, तो वो तो मतलब घोचू को है ना। हाँ, घोचू को, घोचू को जो ना जरूर पढ़ने वाला है कसम से, उसको तो हाथों से मुक्के भी पढ़ने चाहिए, पैरों से टांगों से भी टुकड़े पढ़ने चाहिए, खास करके ऐसे मुंह वाला। तोबा तोबा, इसके ऊपर तो बैट फेंक के मारना चाहिए था कौसर को। बात सुनो, ये एक बार में शो बच्चा हो गया घोचू का, बताओ। एक बार गया था ना ये वहाँ पर, सबने बताया एक बार ही गया था वो गया था। हाँ, वो है, वही कंफर्म नहीं है अभी तक, आरएस वही कंफर्म नहीं है। हाँ, तो ये ना ऑनलाइन वो क्या कहते हैं उसको, वाईफाई से हो गया, वाईफाई नहीं, व्हाट डू यू कॉल इट, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया का बच्चा है, सोशल मीडिया का बच्चा। बस खैर हो, वो बच्चा सही सलामत बाहर आ जाए, ये ना हो कि ये जो भटकती आत्मा है खा ना जाए उसको, बस मुझे यही फिक्र है जिसका। हाँ, भी बच्चा, अगर बच्चा हुआ है सच है तो सही सलामत हो, और नहीं हुआ नहीं हुआ। अब ये इस पे डिपेंड करता है इसकी अब आगे स्टोरी क्या है, इसने क्या स्क्रिप्ट लिखी हुई है, क्या इसके स्टोरी राइटर, तो ये खुद है ना पिटारा जी, तो अब उसकी अगर क्या वो बताना चाह रही है, अगर उसने बच्चा जिंदा रखना है तो स्टोरी उस तरीके से चलेगी, अगर बच्चा मार गया है तो स्टोरी उस तरीके से चलेगी, अब उस पर डिपेंड करता है अब इसके दिमाग के अंदर कौन घुस है। ये झूले पे बैठ के सिर्फ स्टोरियां याद वो करती है, सोचती है कि मैंने अब आगे क्या कर रहा है। आरएस गुलाब जामुन अब दे दो, बांट दो यार, जब भी आप पिक्चर लगा के आते हो उस दिन मैं गुलाब जामुन मंगवाती हूँ घर पे, उस दिन मंगवाती हूँ, इसीलिए लगाए हैं कि तुम सब खा खा के मोटे हो जाओ। मोटे हो जाओ। सुनो, आज ये गुलाब जामुन रमजान के बाद बटेंगे। अच्छा अच्छा, वो जो बहुत मेगा मुझे लगता है गुडाइव होने वाली है ना शबनम की, उस दिन उसके बाद फिर हम लोग उसी में बांट दूंगी मैं तो, कह रही हूँ उसी में खिला दूंगी सबको, आना जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जरूर आएंगे। आप कनाडा में रहते हो? जी जी, बस आरएस बस बस। तो बस मैं आपको खिला सकती हूँ फिर, मैं आपके इतनी पास हूँ। हाँ, हम लोग तो बहुत पास पास में, जब आप टाइम बता रहे हो ना तो मैं अपना टाइम देख रही होती, मैं कहती हूँ ये तो यहाँ पर हो रहा है, इसका मतलब सेम जोन है, सेम टाइम जोन है, बिल्कुल पास पास में ही है। मुझे ये तो सोच के तो अब ये हो रहा है कि अगर ये बच्चा इतने जिंदा रख ली तो फिर ये क्या बहाना करेंगी कौसर को वापिस गाँव भेजने का। हाँ, सोचने वाली बात है कि ये क्या करने वाली है। नहीं, ये नहीं करेगी, ये अब ये गेम खेलेगी कि बच्चा होने के बाद साजिद कौसर के पास चला गया है, मैं हमारा को ध्यान अब मैं इसको दे रही हूँ तलाक, समझे, ये गेम होगा अगर बच्चा। लेकिन लेकिन आरएस उसको उसको कंटेंट भी तो यूज करना है बेबी का, अभी तो उसको फुल यूज करना है जैसे, और इसलिए ये बच्चा उसका थोड़ा यूज करेगी, देखेगी व्यूज आ रहे हैं नहीं, नहीं आया तो फिर तलाक का कंटेंट यूज करेगी, भाई वो तो बच्चों की तरफ अपने घर की तरफ ध्यान ही दे रहा है, वो उसी का होके रह गया है। नहीं नहीं, अभी तो उसने पूरी सलमा की कॉपी करनी है, सलमा क्या इसने वो कर रहा है कि जैसे वो मलाक को रेडी करती है, नहलाती है, सुलाती है, खिलाती है, वो तो ये पैर की जुटती भी नहीं है। हाँ, तो ये वो अभी कॉपी करेगी, बेशक वो कौसर का बच्चा ही करेगी, क्योंकि ये घोचू से तो बच्चा कर नहीं सकती है, बाकी सारे इसके इधर उधर गायब हुए हैं, तो क्या कहते हैं, अक्ल चाहिए होती है ना, अक्ल तो है। हाँ,
हाँ बिल्कुल, बहुत ही पागल है। अगर ये सलमा की कॉपी करने की कोशिश करेगी तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये कॉपी नहीं कर सकती, क्योंकि वो कोई ऐसे एक्टिंग नहीं कर, वो ऐसी ही है। हाँ, उसके वर्ड्स तो बड़े जेन्युइन होते हैं यार, उसके वर्ड्स में कुछ उसका तो बहुत नेचुरल होता है। वो लाइक हाउसवाइफ है, वो अपनी ब्लॉगिंग करती है, वो दिखाती है जैसे लोग जैसे आजकल ब्लॉगिंग कर रहे हैं वैसे। लेकिन यार मैं आपको एक बताता हूँ इनके जी, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन जब वो जाती है ना शाम को इफ्तारी करने मस्जिद, तो मुझे इतना अच्छा लगता है देख के। बिल्कुल, मुझे लगता है यार कितना बिल्कुल, कभी कभार तो मतलब जैसे उसको देखो ना तो रोना आ जाता है आपको। हाँ सुनो, मिस सनशाइन ने बड़ा अच्छा मैसेज किया है यार, जब से मलाक हुई है ना तब से ना सलमा के वीडियो ना माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो ये ना उसके जलन में ही इतने बच्चा पैदा कराई है कि मैं इसकी ना रील्स बना बना के डालूंगी और इसको कंटेंट बनाऊंगी। ये कॉपी करेगी। ताशी आ गई, ताशी सिस्टर आ गई आपकी। नमस्ते, मैं ये बोलने आया हूँ। नमस्कार। पिता अपना खुद बच्चा संभाल नहीं सकता, दूसरा का क्या संभालेगा। सही बात, बच्चा छोड़ो वो खुद को भी कहाँ संभाल सकती है, इसको बिठा के खिलाएंगे तो खाएंगी, नहीं तो भूखी मर जाएंगी। नहीं नहीं, आपने एक बात नोट की, जब छोटी बेटी गई तो वो कौसर कौसर कर रही थी, जो इसने तो सिखाया था छोटी अम्मी। हाँ, भूल गई छोटी अम्मी बोलना, वो कौसर 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 कर रही थी, कौसर का निकल आया, कौसर बच्चा निकल गया, वो कर रही थी, वो ऐसे बोल रही थी जी। हाँ उसकी छोटी बेटी, हाँ कौसर का बच्चा निकल, बोला हम कहाँ गए थे, उसने बोला तुम कौसर का बच्चा निकालने गई थी। निकल गया बच्ची वो, बकायदा उसने एक दफा भी अम्मी नहीं बोला, उसने कौसर कौसर किया उसकी छोटी छोटी बेटी ने। जाहिर सी बात है वो उसकी माँ नहीं है, तो क्यों ये माँ बोलना सिखाएंगी। चलो मुस्तफा से और से तो ये ड्रामा करवा लेती है, लेकिन छोटी अली थोड़ी अभी इतना एक्टिंग करने में माहिर है यार। वैसे मुस्तफा भी खूब लूटता है अपनी माँ को ड्रामा करने के लिए। साफ नजर आता है यार कि वो ब्लैकमेल कर रहा है। हाँ बहुत लूटता है कि ये दिलाओ वो दिलाओ नहीं तो तुम्हारे राज खोल दूंगा, ऐसे बोलता है यार। बीच में तुम्हें याद है 30,000 के शूट दिलाती थी उसको। तो ये भी तो यार हम लोग यहाँ पर है, हम लोग भी 10 बार सोचते हैं अगर इतने महंगे शूज हो। नहीं मैंने कहा ये भी अपनी अम्मा के साथ यही करती है ना कि तुम आ जाओ वापस, जल्दी वापस आ जाओ नहीं तो मैं चारपे के नीचे चली जाऊंगी या चारपे के ऊपर। तो वो बच्चों ने अपनी माँ की कॉपी तो कर ली है सेम टू सेम। हाँ वो क्या कहते हैं, वो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल सही बात है। हाँ सही में यार ब्लैकमेल ही करता है, दिखता है वो अभी आया तो। अरे ताशी सिस्टर बस यही बोलने आई थी और चुप होके बैठ गई ताशी सिस्टर। हाँ तो मुझे जाना है अभी, काम पे जाना है। की खुशी में गाना अच्छा अच्छा गा सकते ना अभी, रमजान सुना होगा ना। नहीं सुना रमजान में, नहीं रमजान मैं भूल गई। रमजान के बाद गाना गाना ताशी सिस्टर जो मैंने कल बताई थी ना वो वाला। हाँ सब रमजान के बाद ही है। मेरा मानना है कि रमजान के बाद भी फुल इग्नोर, मेरा तो ये मानना है, मर जाएंगे काफी है। हाँ किसी को मौत देनी है ना तो उसको इग्नोर पर डाल दो। चलो देखते, हाँ चलो ठीक है फिर। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसकी गंदगी को ना वाले चैनल पे डालते रहती हूँ और इसको यहाँ से करते हैं फुल इग्नोर। फुल इग्नोर वेरी गुड, ताकि लोगों की भी आंखें खुलती रहे। हाँ तो ठीक है, मैं ईद पे गुलाब जामुन बांट दूंगी फिर। नहीं बहन, हाँ बांट देना, बस इग्नोर मूड में डाल दिया हम लोगों ने। देखो तुमने बोला तुम नहीं देखोगी, मैं भी बाबू और मैं भी इसको नहीं देखती। मैंने तो बिल्कुल वो कर दिया है। हाँ। क्या कहते हैं उसको, अच्छा किया होता है ना, डू नॉट रिकमेंड, वो कर दिया। हाँ इसको ब्लॉक करके डस्टबिन में डाल के ना कचरे में फेंक के आ जाओ। डार्क अस्सलाम वालेकुम डार्क, कल बहुत मजा आया। कौन बोला, यही बोलिए।
एमके बोली आवाज कहाँ से आई एकदम बात करेंगे इसको व्यूज आएंगे हाँ यूनिवर्स इसीलिए तो बोल रही हूँ ना इसको इग्नोर करेंगे ओए तुम लोग किधर भटकने के लिए गए थे कल मुझे नहीं लेके गए अकेले अकेले इतना मजा आया शबनम कि मैं क्या बताऊँ मैं मेरे पास इंफॉर्मेशन है लेकिन मैं नहीं दूंगी अगर मैं आपको दे दूँ तो कहाँ बताओ अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ तो बताए ना फिर आप क्या करेंगे दे दूँ तो सिर्फ ये बता दो मजा कहाँ आया बस यही तो नहीं बताना बस अब गेस करते रहो फिर बताएंगे बाद में हाँ माय शेड्यूल आ गई सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही है पिटारा दादी बन गई इसके लिए अच्छा देखो तीन दिन से मैं बोल रही हूँ ना नहीं मेरे ख्याल से कल से मैं बोल रही हूँ कि पिटारा दादी बन गई तो लोगों को कितना हर चीज को कॉपी करना है ना मेरा वेलकम हाँ। भी कॉपी करना है मेरा थंबनेल मेरा टाइटल मेरे अल्फाज हर एक चीज लोगों को कॉपी करनी होती भाई यार चलो कोई नहीं गरीबों के भी पेट भरना चाहिए ना यार कॉपी तो शबनम उसकी होती है ना जिसमें कोई बात होती है बात भी तो उसकी होती है ना जिसमें कोई बात होती है सही बात है कॉपी ब्रांड की ही तो बनती है ना और क्या चलो कोई नहीं ओहो वैसे पता है क्या रहते रहते ना पता है काम हो जाता है जब वो डॉक्टर आई ना तो गोंचू ने पूछना गोंचू को बल्कि बच्चे ने पूछना था कि मेरा पापा कैसा है तो बोल डॉक्टर ने बोली है फिटे मुंह जैसा पावड़े जैसा बड़ा अपनी माँ को बोलेगा कि तुझे यही मिला था पावड़े से मुंह यार वैसे एक बात है जो शबनम ने नाम दिए हुए ना सबको बहुत फेमस हो गए सारे सबको वही नाम से पुकारते हैं बिल्कुल सही बात है सही है बात है हाँ बिल्कुल वही नाम सही वही और वो सूट भी करते हैं उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से ना बड़ा सही जा रहे हैं भाई हाँ तो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से तो मैं उनका नामकरण करती हूँ यार वो जो इसने झाड़ू वाली चुड़ैल रखा था ना वो तो बिल्कुल ही वैसी थी शायद नाक उसकी नाक अरे वो नहीं क्या कहते हैं हैरी पॉटर की मूवी में है ना वो एक चुड़ैल थी देखो झाड़ू पे बैठ के उठती है तो ये वैसी दिखती है सेम वैसे ही वो बिच जो होती है हेलोवीन पे होती है ना आरएस हेलोवीन पे मेरे को तो बहुत ऐसी आती इसके नाम और सारे पता है कोई भी हेटर सपोर्टर सब वही नाम बोलते हैं इवन जो सपोर्टर्स है वो भी वही नाम बोलते हैं शबनम के भी नाम बहुत अच्छे होते हैं और जो ऐना देती है वो भी बड़े परफेक्ट ऐना तो बहुत ही मजेदार देती है ऐना भी बड़ी मजेदार है यार ऐना कभी अपने ऐना कहाँ है आज ऐना होगी रेस्ट कर रही है आज ऐना ने मुझे बताया था अच्छा अच्छा कह रही थी आज मैं रेस्ट करूंगी क्योंकि फिर ना काफी उसने मेहनत की है पिछले तीन चार दिन से अच्छा अच्छा डार्क बीपी बिल्कुल ठीक है यार सही है थोड़ा सा वो कह रही ना कल काफी डॉक्टर को दिखा दिया तो अब आराम है तो काफी अफाका हुआ है डार्क तो इसलिए आज ये किसके बात किससे बात कर रही है अच्छा किसी और से बात कर रही है ये डार्क डार्क से बात कर रही हूँ अरे चुड़ैलो तुम लोग जहाँ पे भी भटकने जाओ मुझे तो लेके जाया करो मैं भी तो कमेंट करूंगी ना मेरी आईडी से शबनम हम तो गए ही नहीं थे वो हम नहीं थे पता नहीं कोई आ गया था हमारी आईडी बना के हमारे यार कहाँ पे थे तुम बताओ ना पीछे लिख के ए लिख दो यार पीछे यार ये मेरे पेट में इतना जोर से दर्द एक तो मैंने एक चैनल को बड़ी मुश्किल से वो किया है Do not recommend. अब ये दूसरे की इसीलिए तो बोल रही हूँ ना रसगुल्ले गुलाब जामुन इंस्टाग्राम बना लो तुमको वहाँ पे लिंक दे देंगे कि सारी हल्ला बोलने के लिए कहाँ जा रहे सुनो आज रात को बैठ के खुफिया इंस्टाग्राम बनाऊंगी मैं खुफिया सब तो मुझे खुफिया से रिक्वेस्ट है कि ना समझ लेना मैं ही हूँ गुलाब जामुन लगा दूंगी वहाँ पे भी खुफिया ही नाम लिख देना खुफिया हाँ ठीक है एमके शबो को बता बैक पैनल पर मेरे लिए कौन आया था पैगाम लेके अच्छा लिखा है एक मिनट अच्छा इसके लिए कौन आया था यार पैगाम लेके लिख तो जरा मैं भी देखूं ये डार्क बहुत ज्यादा उड़ रही है हैं अरे ये कहाँ गई एमके कहाँ गई कौन? गिर गई हाँ वो बैक करने गई होंगी ना वो जो कमेंट है ना
उसको हटाने गई होगी तो इसने क्या की होगी ना, वो डायरेक्ट मोबाइल से बैक हुई होगी और डायरेक्ट धड़ाम से गिरी है नीचे जाके। करती वो डन दबा देती हूँ तो आई ये देखो पूछो लगी तो नहीं हड्डी वड्डी तो नहीं लगी तो नहीं यार, इतनी जोर से गिरी हूँ ना मैं, बस क्या बोलूं। मुझे कुछ ऐसे करो कि मैं गिर गई, अपनी चेयर के कुशन गरम करके उस पे बैठ जाओ, वो जो कोसर को चाहिए हीटिंग पैड वो मैं लगा लेती हूँ अपने पीछे। हाँ हिना इन सबको अभी देखो ना, छमिया को भी नाम किसने दिया था, सनिया का नाम छमिया, और उसको सभी छमिया यहाँ तलक के ये जो फातिमा है ना उसकी वाइफ डीडी की, वो भी उसको छमिया ही बोलती है। बताओ मेरे नाम कितने मशहूर है ना, दिया था ना फसादन भी तुमने दिया था ना, फसादन इसने दी थी बिया डार्लिंग ने। अच्छा बात सुनो, तुम फसादन सर्च करो यूट्यूब पे, उसी का चैनल आता है। हाँ एक दो नाम तो तुम सर्च करो, चैनल आते हैं। हाँ सही में आते हैं, इसका नाम फसादन करेंगे ना तो उसकी वीडियो आ जाती है। तो, मेरे को लगता है वो खुद ही हैश, वो क्या कहते हैं हैशटैग डालती है फसादन का ताकि लोग ढूंढ लें उसको। हाँ यार मैं भी डालूंगी। तुम भी डालो। शब्दम ने जो जो नाम दिया है ना बस वही नाम डाल के अगर आप उसमें करो ना रिसर्च मतलब गूगल पे डालो उसमें तो वो आ जाता है, वही वही शक्ल आएगी, वही वही नाम। अरे गई 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 टिड्डी गई टिड्डी लिखने। कौन क्या क्या टिड्डी गई हैशटैग टिड्डी डालने। हाँ वैसे सही है शबनम तुम्हारा ये आइडिया, इन सबको डाल लेना चाहिए हैशटैग फसाद। फसाद ने तो डाला हुआ है झाड़ू वाली चुड़ैल। डीडी दल्ला नाम कैसे रखी थी मैंने, इसकी मैं... भी एक स्टोरी है, पता है आप लोगों को, बताओ किसको पता है। मेरे को एक बात याद है, एक लाइव में आपने बोला था, किसी ने पूछा था डीडी का मतलब क्या होता है, तो आपने फिर उसको खोल के बताया था, तो उसमें दल्ला भी था, फर्स्ट वर्ड मुझे याद नहीं है पर नहीं खोल के बताया था, अब्रीविएशन। डीडी ने ना एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर उसको कमेंट में ना क्वेश्चन आया था कि आपका नाम डीडी क्यों है, इसका क्या मतलब है, तो उसके ऊपर मैंने रिएक्शन दी थी, मैं बोली मैं बताती हूँ डबल डी का मतलब होगा फिर लाइव, डीडी दल्ला ये इसका फुल फॉर्म। हाँ इसने मैंने आपके मुझे ऐसे ही सुना था, आपसे पूछा गया था, आपने खुद ही बताया था, बट मुझे याद नहीं है कि रिएक्शन था। ओ यार यार को देखो कमीनी, दगड़ दल्ला बोलता था वो। हाँ दगड़ दल्ला भी मैंने ही दी थी। अच्छा आपने बोला था दगड़ दल्ला, और पता है नाजिया तो इतने प्यार से बोलती है दगड़, वो दल्ला नहीं बोलती, वो दगड़ बोलती है, और फनी है। नाजिया के नाम भी यार बड़े मजे के होते हैं, उसके भी बहुत अच्छे होते हैं, वो जो कहती है ना चुबीना और वो इम्मी डार्डी, इम्मी नाजिया से, नाजिया जो बोलती है ना इम्मी, मुझे बड़े मजा आता है उसके मुंह से सुनने में। हाँ, वो अच्छा लगता है जब बोलती है इम्मी डार्लिंग बोलती है यार। देखो मैं आई ना तो लेबर रूम के दरवाजे बंद कर दिए, सबकी डिलीवरीज हो गई है, सब चले गए हैं, सब अम्मा बाबा सब सो गए, बेबी सब ठीक है। मेरे से पहले लगे पड़े हो मुझे, मैं कह रही कि मैं अभी अच्छा पता क्या, जब से लाइव चल रही है ना मैं ऑन एंड ऑफ सुन रही हूँ, अच्छा अभी भी कोई टॉपिक चल रहा है, अभी भी बेबी का टॉपिक चल रहा है, अभी भी बेबी। आज तो बेबी, आज तो ना ये खैर ने ना मुझे लेबर रूम तक पहुंचा दिया, इतनी बातें की है लेबर रूम की। ये सऊदी वाली एमके है ना, नहीं एमके सऊदी में थोड़ी रहती है, एमके आप कमेंट्स में होते हो ना। मैं हाँ मैं नीचे कमेंट्स में होती हूँ ज्यादातर, और अभी कभी कभार जब आ रहे साथी उसके गुलाब जामुन मुझे ऊपर खींच के लेके आते हैं, तो फिर गुलाब जामुन खाया करो बहुत अच्छा। और फिर हम लोग को जब गाड़ियाँ बढ़ रही होती ना तो साथ साथ ही बढ़ रही होती, वो आ रहे हैं और वो एमके। मेरे को तो गालियां पड़ती रहती हैं, मेरे को कोई मैं लेती नहीं हूँ ना गालियां। नहीं मैंने भी पता क्या किया, मैंने इतने सारे डब्बे मंगवा के रख लिए, उनको पैक करती हूँ वापस भेज देती हूँ। हाँ बस यही करना है, गाली खाओ खाओ ही मत, दे दो वापस, वापस ही दे दो, उनके बच्चों के लिए गिफ्ट भेज दिया करो उनकी अम्मियों को। अच्छा हीरा भी 5 मंथ प्रेग्नेंट है, रुको मैं 1-2 मिनट आई हूँ, तुम लोग पढ़ो कमेंट और रिप्लाई। हाय शबनम कहाँ चली गई, एमके तुम कमेंट्स पढ़ो, मुझे नहीं रिप्लाई रिप्लाई करने आते और ना मैं पढ़ पाती हूँ। अच्छा चलो देखते हैं,
यार वो कमेंट्स, वो लाइव को लाइक कर दो, कमेंट्स फंस रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, लाइव को लाइक कर दो, पता नहीं बहुत रिपोर्टिंग हो रही है, जल्दी से लाइक करो सारे, चलो चलो। अच्छा ये तब फंसते हैं जब रिपोर्टिंग होती है? नहीं नहीं ये जब दिल चाहता फंस जाते हैं, जब हमने लाइक करवाना होता है ना तो हम फंसवा देते। नहीं हयात नहीं, मैं सऊदीया से नहीं हूँ, वो मिसेस खैर है, मैं नहीं हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो उसमें और मुझ में। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मेरे को ना आज अपनी एक बहन के बीच में से ना एक जने आई थी इंस्टाग्राम पे, तो उसने बोली कि आप है ना न्यूज चैनल पे ना लाइव लगा के और म्यूट करके ना उसको छोड़ दो, और अपनी जितनी भी बहनें हैं ना उनको बोलो अपनी अपनी आइडिया ना वहाँ पे छोड़ देवे, मतलब वॉचिंग है ना आते रहेंगी ऐसा। अच्छा हाँ, तो उससे भी ना वॉच टाइम बोले हो जाएगा। हाँ देखो ना कई लोग क्या करते हैं शबनम, जैसे बारिश हो रही है तो अपना कैमरा ना उसकी तरफ फेस करके छोड़ देते हैं और लोग आके वॉच करते हैं यार, मतलब जैसे समझे आप किसी भी चीज की तरफ, लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं यहाँ पे, और हो सकता है इससे आपको और भी लोग मिल जाए जो शांति से बैठना चाहते हो थोड़ी देर किसी लाइफ में, किसी लाइफ कहेंगे इस लाइफ में तो बहुत शांति है यहाँ बैठते हैं। हाँ ये अच्छा, मैं वही सोच रही थी कि ऐसे करूं क्या, नीचे सब जने बताओ यार, क्योंकि ना वीडियो चलाने किसी को आ नहीं रही है, वो वीडियो को ना ऑन करने का है, फिर उसको स्लो मोशन करने का है, फिर इसमें जाएंगे ना सेटिंग में, हाँ, तो वहाँ पे ना लूप आता है, लूप लिख के आता है, वो लूप को ऑन करेंगे ना तो वो वीडियो रिपीट रिपीट में ना अपने आप चलते रहती है, उसको हटाने की लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो वो ना सबको आ नहीं रहा है। तो अगर जैसे हा? मैं एक ही आईडी से बार बार देखती हूँ तो भी आपको टाइम मिलेगा वो, हाँ हाँ। ओ, अच्छा मुझे लगा एक आईडी से एक ही बार मिलता होगा। नहीं नहीं वैसा करेंगे ना, जो मैंने बताई ना वैसा करेंगे ना तो वो खुद ही चलते रहेंगी, वो आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो फिर लाइव ऑन करके म्यूट करके छोड़ दूंगी वहाँ पे, आप लोग अपनी अपनी आईडिया छोड़ दो एक दो कमेंट करके, तो भी वॉच टाइम बनेगा। तो वो आप लाइव क्या 24/7 मतलब छोड़ दोगे ऐसे ऑन छोड़ दोगे? हाँ ऑन करके ना उसको म्यूट करके, और आप लोग एंटर करके उसमें अपनी अपनी आइडिया छोड़ के आप लोग भी हट जाओगे ना तो भी चलेंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया था वो बिल्कुल लोएस्ट पे रख के स्पीड पे ऑन करना, तो वो तो मैंने किया था, पर उसमें तो मतलब आप कह लो आप 15-20 मिनट की जो वीडियो है वो तकरीबन मोर देन एन आवर ले रही है, क्योंकि बिल्कुल स्लो स्पीड पे चलना है ना उसको। हाँ वो वैसी, लेकिन वो क्या होता है ना वो खत्म हो जाती है ना तो फिर से लगाना पड़ेगा ना, तो वो लूप पे लगाएंगे ना वो खत्म होने के बाद फिर से चालू हो जाएंगी, तो वैसे भी कर सकते हैं, या तो फिर लाइव, दोनों में से क्या करूं बताओ, लाइव लगा के छोड़ दूं या फिर ये करके छोड़ दूं? दोनों ही चीजें कर दो यार, इसमें क्या है जिसको देखना होगा वो स्लो। हाँ आप लाइव करके आप जो स्लो मोशन वाला है वो तो आपने ऑप्शन दे दिया ना सबको कि सब जाके इस पे क्लिक करके देख सकते हैं, तो आप लाइव लगा के छोड़ दो, आई थिंक वो सेकंड मतलब दोनों तरफ चलता रहेगा, जिसने वो नुकसान थोड़ा ना कोई लाइव लगा के छोड़ने में। हाँ कभी कभार हो सकता है कोई लाइव नहीं ज्वाइन कर सके तो उसके पास ऑप्शन है कि वो वीडियो देख लेगा, जो वीडियो नहीं देख पा रहा वो लाइव ज्वाइन कर लेगा आई थिंक। अच्छा माय शेड्यूल बोल रही है दोनों ट्राई करो। चलो भाई मैं चलती हूं अब, कुछ काम शाम करते हैं। हाँ ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय बाय, मैं भी जाती हूँ, इब्राहिम की भी बजाओ, ओके हो गया, नमस्ते सिस्टर, बाय बाय, बाय, ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय। यार आज वीडियो देख लो फिर देखती हूँ क्या करना है, जैसे बोली हूँ ना वैसे चलाओ यार, वॉच टाइम पूरा होगा ना फिर मैं वहां पे काम कर पाऊंगी ना। थी पैनल पे मैं उनका पूछ रही थी। अच्छा अच्छा नहीं नहीं वो नहीं आती ना हयात अपनी लाइफ में। अच्छा अच्छा अच्छा
ठीक हो गया है यार सिस्टर, ये लाइफ सेफ होगी क्योंकि सीसीटीवी वाले गंद कर सकते हैं जी। हाँ ये कर सकते हैं, ये बात तो सही है, गंद करेंगे ना के कमेंट में। तो यार वही वीडियो का ही करो, वीडियो है ना नमाज कुरान की वीडियो दूसरे फोन से प्ले करके छोड़ सकते हो। नहीं ना अनुमशा सिस्टर, उस पे तो कॉपीराइट आएगा ना, हमारी खुद की वीडियो रहेंगी तो हम छोड़ सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि दूसरे की वीडियो लगाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। ओ शबनम मुबारक हो तुम खाला, क्यों कमीनी तूने बच्चा पैदा किए, मैं खाला बनूंगी कमीनी कहीं की, अब हंस रहेंगी ना ठाके मार मार के जोर से। आ गई मेरी दुश्मन, मेरी जान की दुश्मन, तू बच्चा पैदा कर ले रहमानी फिर मैं खाला बनूंगी कमीनी ताली। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब मैं क्या बोलने आई थी एक मिनट के लिए, मैं बोली आप बोलते थे ना स्लो मोशन स्लो मोशन, अब मैं बोलती थी नॉर्मल तो लगा देती हूँ, पता नहीं कौन सा स्लो मोशन ये बोलती है। अरे बहन मेरी तो तरीका बताती ना कि कैसे कैसे करना है, मैं तो लगा के छोड़ देती थी। नहीं वैसे नहीं करना है ना, इसीलिए बोली इंस्टाग्राम पे अगर मेरे को मैसेज करोगे ना तो मैं एक वीडियो भेजूंगी उसको देख के ना तुम करना। अरे मैं वही अभी बोलने आई थी, देख बहुत से लोगों को ना ये स्लो मोशन ये हमें ये तरीके पता नहीं है, सीधी सी बात है हम नॉर्मल से लोग हैं सीधे साधे पेंडू टाइप। तो बहन छोटी सी ना एक मोबाइल उठा उस पे ना तरीका बता और वो एक छोटा सा शॉर्ट डाल दे, हम वैसा करके तेरा छोड़ देंगे, दो दिन में हो जाएगा। अच्छा हाँ ये करो, मैं फिर भी अपने बेटों से पूछती हूँ। वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ मैं पता है, क्योंकि ये जो चालाक लोमड़ियाँ बैठी है ना वो लोग भी फिर यही सीख जाएंगे, इनको चाहिए कि ये जाके ना काम करके सीखे। तुम्हारे बेटे का या किसी का इंस्टाग्राम होगा ना उससे मुझे मैसेज करो, मैं आपको वो वीडियो भेज देती हूँ, फिर मुझे चाहिए तो ना ये उसको मैं बता दूँ ना, दो सेकंड में वो चीजें कर लेता, उसको इतना माशाल्लाह इन चीजों में इंटेलिजेंट है वो, उसको सब पता है। उनके स्कूलों में ये कंप्यूटर ये सब चीजें सिखाते तो फिर घर में बच्चे कर करके ना उनको पूरी प्रैक्टिस है। हाँ तो मैं करवा लूंगी स्लो मोशन, नहीं मुझे समझ नहीं आता था स्लो मोशन क्या, तो अभी जब मैं सुन रही थी ना बर्तन धोते अच्छा जी ये स्लो मोशन है, तो मैं बोलती थी मैं तो नॉर्मल 10 दफा रिपीट करवा लेती हूँ वीडियो को। नहीं नहीं और अगर वो जैसे अपन ने वीडियो लगाए और सो गए ना तो भी वो अपने आप है ना खत्म होने के बाद फिर से खुद ही प्ले हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ठीक है, मैं देखो करती हूँ इंशाल्लाह, पर कि आज ही से करूंगी इंशाल्लाह, पर कि अभी वहाँ से पूछती हूँ। वीडियो है ना जो वीडियो जैसे अपनी वीडियो चलती है ना तो स्क्रीन के ऊपर है ना ये लिख के आता है क्या बोलते हैं शबनम, जरा वापस से रिपीट करो मैं सुनवा दूं। अली बंद कर आवाज मिट कर। हाँ बोलो शबनम बोलो। रुको रुको मैं एक मिनट बताती हूँ। देखो जब वीडियो चल रही होती है ना तो ऊपर है ना सेटिंग का वो लिख के आता है ना लोगो, उसके ऊपर क्लिक करना है और जो प्ले स्पीड लिखे लिए ना उसको क्लिक करके ना एकदम ऊपर वाला वो दबाना है, तो ये वीडियो है ना स्लो हो गई। ऊपर लिखा हुआ क्या है एकदम ऊपर, वो तो नंबर से आ रहा है स्पीड है ना 2.025x लिखा हुआ है ना वो वाले को प्ले करना है। ओके ओके अब वो कर दिए ना, अब इसके बाद में नीचे एडिशनल सेटिंग लिख के आ रही है उसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो एकदम ऊपर देख लूप वीडियो लिख के आ रहा है उसको ऑन करके ना वीडियो को प्ले करके छोड़ देना है बस। अच्छा उसने अपने कंप्यूटर पर वैसे जैसे जैसे आपने बताया ना वो वैसे वैसे गया और सब कुछ उसने देखा।
अब वो ना उसको है ना बाप को क्लिक करने की जरूरत ही नहीं है, वो आप 10 घंटा भी नहीं हाथ लगाओगे ना वो वीडियो खुद ही चलती रहेंगी चलती रहेंगी। सुबह का जैसे नमाज वगैरह पढ़ के ना मैं क्या करती हूँ आपकी वीडियो लगा देती हूँ और आवाज बंद कर देती हूँ, क्योंकि सो रहे होते हैं ना सब बच्चे वगैरह, तो फिर उसके बाद फिर यही लगा के छोड़ दूंगी जितने घंटे सोते रहेंगे जोहर के टाइम उठते हैं हम लोग, तो फिर बस वैसे ही करेंगे। तो ऐसे करके जितने भी डिवाइस में लगाएंगे ना अपन तो वो है ना फिर उसका वॉच टाइम बनते रहता है। हाँ, समझ आया ना मैंने क्या बताई, पहले सेटिंग करके स्लो मोशन करना है। बोलती रही स्लो मोशन स्लो मोशन मैं बोलती थी, बस बोलती है जैसे फास्ट लोग देख रहे थे ना वीडियो वैसे फिर फिर है ना एडिशनल सेटिंग में जाके लूप का जो ऑप्शन है ना उसको ऑन करके फिर वीडियो को प्ले करके छोड़ देने का है, बस वो खुद ही चलते रहेंगे करके फिर वीडियो को छोड़ देना है। हाँ, लूप को ऑन करके। ओके आया है ना लूप का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है देख। एकदम नीचे एडिशनल सेटिंग लिख के आ रही है, वापस से करो वापस अपना वापस बताओ तो वापस से स्टार्ट करो सेटिंग में जाए वीडियो है। स्लो मोशन का तो समझ में आ गया ना स्लो कैसे करने का है, फिर रिटर्न सेटिंग को दबाने का है और एकदम नीचे वाला ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग। अरे नहीं आ रहा लैपटॉप में की? हाँ वो बोलते हैं वो लैपटॉप में देख रहे ना तो मेरे बड़े 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 मोबाइल में आता है। ओके ओके नहीं लैपटॉप में भी आएगा वो। अच्छा वो तो वीडियो भी लगा के बैठा है ना, मैं सब वापस देखती हूँ वो देखेगा वो कर लेगा टेंशन नहीं लो। नीचे एडिशनल सेटिंग आती है ना उसको क्लिक करेंगे ना ऊपर लूप वीडियो लिख के आता है, लूप वीडियो मतलब वो अपने आप चलते रहे वो हिसाब है उसका, वो उसको ऑन करके उसको ऑन करके छोड़ दो और फिर अपना मोबाइल छोड़ के ना फिर सो जाओ आराम से वो खुद ही चलते रहती है। चलो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जब होगा तो मैं आपको ये बीच आई है आजाद वीजा, किस चीज का हयात वीजा चाहिए तुमको? ठीक है बस शबना मैंने यही पूछना था मैं चलती हूँ बस। ओके मुझे समझ आ गई ना मेरी जान, जिस जिसको समझ आ गई ना प्लीज ऐसे करके ना वीडियो प्ले करके छोड़ दो, कोई सी भी वीडियो कोई सी भी नहीं बल्कि जो न्यू वीडियो है ना उसको चालू करके छोड़ दो बस। कौन से वाले चैनल का? न्यू वाले चैनल का, रुको मैं लिंक देती हूँ जिसका वॉच टाइम पूरा करवाना है ना वो वाले चैनल का, रुको मैं ना लिंक दे देती हूँ। एक मिनट रुको, और चुड़ैलो तुम लोग कहीं पे भी भटकने जाओगे ना मुझे लेके जाया करो, ठीक है ना? मैं भी आऊंगी कमेंट करूंगी आके ना, भले ही किसी की जलती है जल जल के ना कुत्ते की तरह जल जल के मर जाए। देखो मैंने उम्मे सिस्टर चैनल का लिंक वीडियो का लिंक दी हूँ, ये वाले चैनल को सब्सक्राइब करके ना इसका वॉच टाइम पूरा करना है यार, क्योंकि जो चैनल मैंने खोली थी ना तो वो चैनल के 1000 पूरे हुए और चैनल वो वाला भी बंद हो गया, अब उसका भी 3-4 महीने के बाद में कुछ होगा तो होगा नहीं तो वो चैनल भी गया। तो मैंने मेरे को ना मेरी एक फ्रेंड ने ये वाला चैनल दिए, इसके ऊपर ना 1000 सब्सक्राइबर थे लेकिन सारी वीडियो डिलीट की है ना तो वो वॉच टाइम पूरा खत्म हो गया, तो वॉच टाइम पूरा करना है। थैंक यू रूपाली सिस्टर, थैंक यू मेरी जान। शब्बू आपको वीजा दे, हाँ दे दो मेरी जान, क्या करूं बताओ वीजा का, वीजा लेके फिर करूं क्या मैं। थैंक यू उम्मे सिस्टर। शकीला तुम लोग सब जने ऐसे ही वीडियो लगा के छोड़ देना यार प्लीज, वॉच टाइम पूरा हो जाए ना तो वहां से मेरी अर्निंग चालू होएंगी ना, फिर सब न्यू कंटेंट बना बना के ना वीडियो बना बना के वहां डालूंगी, वीडियो तो सब बने हुए पड़े हैं यार, चैनल ही नहीं है कहाँ डालूं क्या करूं, परेशान हो गई हूं मैं। और 2-3 डिवाइस रहेंगे ना तो 2-3 डिवाइस से इसी तरह से ना चालू करके छोड़ दो ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए।
4000 घंटे पूरे करने हैं उम्मीद। इंस्टर इंस्टा पे डिटेल बताना, ये सीसीटीवी वालों को मत आइडिया दो। ठीक हो गया यूनिवर्स, तुम भी लगा के छोड़ दो यार। हाँ ठीक है, हाँ मैं लिंक देती हूँ सुरप्रीत सिस्टर। और लिंक है ना वीडियो का मेरे वहां पे भी कम्युनिटी पे भी लगा हुआ है। हाँ ठीक है यूनिवर्स, रमजान होने दो यार फिर करूंगी। यार ऐसा है फर्स्ट प्ले बैक स्पीड कम करो, फिर एडिशनल सेटिंग से लूप ऑप्शन से सेटिंग कर लो। हाँ यही यही ना, ये करके ना वीडियो लगा के सो जाओ, छोड़ दो वो डिवाइस को ना, वो खुद ही चलते रहेंगी और वॉच टाइम है ना बनते रहेगा। पटेल सिस्टर देखो हिना ने मैसेज की है ना, यही करना है। और अगर आप इंस्टा पे हो ना तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको वीडियो दे दूंगी तो वो देख के ना आप कर सकते हो। शब्बू हम रात को जागने वाले हैं, एमके सीमा जबीनू उरूज लाइव लगा के छोड़ दे, हम नीचे गपशप करेंगे, 5 लोगों को मोड बना दे। नहीं यार फिर आप लोग गपशप नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, आप लोग ध्यान नहीं दोगे ना तो ये लोग आके ना वहां पे गंदगी करेंगे। वीजा लेके इस्लामाबाद जाके देख के आ शबनम, बच्चा किसका है हो गई तो मैं लगाती हूँ। हाँ ठीक है उम्मीद सिस्टर, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरी जान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यार। चलो ठीक है, मैं भी ना सहरी की थोड़ी तैयारी कर लूं क्योंकि अभी बस आधा घंटा रह गया, अब टाइम भी कम हो रहा है ना सहरी का, हो रखा है बल्कि हो गया है, अभी कितने आ गए ना 5:06 पे या 5 मिनट पे सहरी खत्म हो जाएंगी। और बोली ना आधा घंटा तो बच्चों को उठाने में लग जाता है यार। थैंक यू माय शेड्यूल सिस्टर, यार सोने से पहले वीडियो लगा के जरूर सोना, चार्जिंग पे लगा के वीडियो लगा के सो जाना तो वो खुद ही चलते रहेंगी। वेलकम हो गया खुशबू सिस्टर, बताओ ये खुशबू सिस्टर कौन है। चलो मैं नहीं बता रही, देखो तरीके से तो गोंचू को लिटाना चाहिए था पैदा करने के लिए, लेकिन उसमें वो बात नहीं है ना, इसके लिए फिर पिटारा को बिठा दिए। शब कोई कम्युनिटी लगा दिया कर, उसके नीचे हम चुगली कर लिया करेंगे। अरे तो कम्युनिटी लगी हुई है ना, कर लो जाके भाई। और तुम लोग कब से ये चुगलियां करना सीख गए हो। हाँ बहुत क्यूट है यार खुशबू का पप्पी। खैर चुड़ैलो तुम लोग जहां भी जाओगे ना मुझे लेके चलना, ठीक है ना। और वैसे भी जब ये टाइम पे लाइवें होती है ना सहरी के बाद में ना, मैं पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, पढ़ाई करके फिर मैं मेरे वीडियो का थोड़ा बहुत काम करती हूँ और फिर बाद में मैं ऐसे घोड़े बेच के सोती हूँ ना, मतलब ये लाइव बंद होएंगी ना उसके बाद में है ना मैं मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाती हूँ। हाँ बट इंस्टाग्राम पे रहती हूँ मैं, रिप्लाई करती हूँ, लेकिन हाँ ये क्या नाम है इसको यूट्यूब को बहुत कम देखती हूँ। तो कहीं जाओगे ना तो आके मुझे बता देना इंस्टा पे, तो फिर मैं भी चलूंगी और चल के ना हम कमेंट कर करके मजे लेंगे। और मैं मेरी आईडी से ही चलूंगी और मैं आके नहीं बोलूंगी झूठ झूठ के मैं नहीं गई थी, क्योंकि लोगों के पास में प्रूफ रहते है ना यार, जैसे मेरे पास है, समझ आई। सलमा के अगेंस्ट इतने न्यू फ्रेंड न्यू फेक दोस्ती। हाँ शबना मैं बहुत गुस्सा वाली हूँ, मैं बस तुम्हारे पास रहती हूँ बस। हाँ यार यूनिवर्स, लेकिन यूनिवर्स लोगों की जलाने के लिए ना भटकने का इधर उधर मजा आता है।
यूनिवर्स जलाने के लिए पहुंच जाने का मेरी जान की टट्टी प्लांट में फूल फिल करके आती है। शब्बू आपको पिक करना भूल गए, हमें जाना है। ऐसा ना जबीनू मेरे को लेके चलना, के नहीं जाना कहीं भी। तो डंके की चोट पे जाते हैं, जिधर जाते चाहे ब्लॉक हो जाए। सही बात है। शब बताओ प्लीज, क्या बताऊं जबीनू, लोग इसकी उसकी लाइवों में जाते हैं, फिर उनके जब सपोर्टर गुस्सा करते हैं ना, तुम केस बीबी की लाइव में क्यों गई, तुम काजमी की लाइव में क्यों गई, तो वहां पे ना झूठ बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं गई, मैं नहीं गई थी, मेरी ना कोई फेक आईडी बना के गया था। लेकिन लोग यूआरएल लेते हैं, जो बोलने का वो रहता है ना, हैंग राइटिंग रहती है, वो लेते हैं, तो पता चल ही जाता है कि आईडी किसकी है, कौन झूठ बोल रहा है रमजान महीने में। तो ये हुआ है जबीनू डार्लिंग। वैसे आज केस बीबी की लाइव हुई है ना, सुनूंगी मैं क्या हुआ है लाइव में, क्या हुआ आज कुछ खास। मैं कहीं नहीं जाती, एक बार सीओ की लाइव में गई, बस ऑफिस में काम भी हो जाता है। हाँ रूपाली सिस्टर, अच्छा उरुज मैं सुनूंगी यार। पता है उरुज वो टाइम पे ना यार, फिर मेरे को नींद भी नहीं मिलती है, 2-2.5 घंटा सोने मिलता है, बच्चों के पेपर चालू है, फाइनल पेपर, उन पे भी ध्यान देना होता है ना। इसके लिए बच्चे लोग को ना मैं जगने भी नहीं देती हूँ कि सो जाओ सहरी करके, फिर सहरी में उठते है ना फिर से मैं सुला देती हूँ कि नींद में ना रहे, फिर पेपर पता नहीं कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे, फिर मैं जगते रहती हूँ, लोगों को उठा के स्कूल कॉलेज भेज के फिर मैं जाके कहीं सोती हूँ। पता है ऐसी नींद आती है ना कि बस। हमें पाकिस्तान जाना है, हाँ चलो चलते है। देखते हैं रूपाली सिस्टर इंशाल्लाह। अरे तुम लोग क्यों दांत निकाल रहे हो, सलमा के अगेंस्ट लोग कितना जल्दी बदल जाते ना अपने चेहरे पे नकाब सुजाए बटर देते। हाँ केस बीबी बस इतारा को चाट रही होती है। हाँ वो तो है यार। यार उसकी वहां पे जाके देखो ना कौन है ये, इसके क्या बोलते हैं डीपी पे चैनल पे जाके देखो, पता चल जाता है कौन कहाँ पे क्या करने जाता है। मुझे ये नहीं समझ आता है यार, झूठ इंसान झूठ कैसे बोल लेता है यार। भले ही देखो अभी मैं यहाँ पे झूठ बोलूंगी ना, आप लोग तो मेरे को झूठ को सच समझ जाएंगे, लेकिन अल्लाह को तो सब पता है ना, अल्लाह का खौफ नहीं है। एक एक झूठ के बदले ना 70 झूठों का ये मिलेगा इनाम, इनाम मीन्स गुना। एक झूठ के बदले 70 झूठ लिखे जाएंगे। कौन सी लाइव यार जबीनू, हाँ जबीनू डार्लिंग। क्या कह रही है गाजा, चलो यार सूरज की अरे व्हाट्सएप सिस्टर, हर चीज में कॉपी करना है, हर चीज को कॉपी करना है पता है।
बेचारे लोग बोलते हम पढ़े लिखे हैं, हमें सब आता है, लेकिन कॉपी हर चीज में कैसे रोया जा रहा था ना। शबनम ने मुझे स्ट्राइक देना नहीं सिखाई, मुझे शबनम ने नहीं सिखाई स्ट्राइक कैसे देते हैं। या अल्लाह कौन बेवफा प्यार है यार मेरा बता दो। घोंचू तो वर गया, घोंचू के तो मेरा दिल हो रहा था ना चार दांत तोड़ के ना उसके पेट में गिरा दूं। हराम ज्यादा बच्चा भी देख के मुंह घुमा लिया आएगा, दूर फिटे मुंह में तेरे डॉक्टर तूने क्या दिखा दी मुझे। चलो भाई इंशाल्लाह कल मिलेंगे, जल्दी जल्दी जाओ मेरे तीसरे चैनल पे, वीडियो लगा लगा के बैठो, और अब कहीं पे घूमने जाओगे तो मुझे लेके चलना। ओके अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, लाइव को लाइक कर देना, और ये वाली क्लिप काट दूं क्या लास्ट की जिसके अंदर मैं ये ट्रिक दे रही हूँ, काट दूं क्या? चलो जाने दो बेचारे बच्चे, गरीबों का कुछ भला हो जाएगा तो अल्लाह पाक ना मुझे तो उनकी भी थोड़ी बहुत इनकम हो जाए ना। हाँ जाके ना वहाँ पे मेरे वीडियो पे है ना आप लोग वीडियो देखो, और उसके नीचे है ना कमेंट कर करके ना वहाँ पे मस्तियाँ करो, ठीक हो गया? वहाँ पे मेरे ख्याल से लाइव कमेंट चलते होंगे ना, एक मिनट मैं ट्राई देखती हूँ लाइव कमेंट वहाँ पे चलते हैं कि नहीं चलते वीडियो ये हो जाने के बाद। नहीं और नहीं चलते लाइव कमेंट, लेकिन नॉर्मल कमेंट तो चलते हैं ना। हाँ वहां जाके ना कमेंट कर करके मस्तियां करो। चलो ये जैम को पता नहीं किस चीज की इतनी चुल मचे रहती है, तेरी शादी करवा देंगे भाई असगर से, इतना मत मर हरामजादी जैम जैम कुतिया। ओके ओके यूनिवर्स, चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू सभी को, थैंक यू सो मच यार सभी का, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।